वालेकुम नमस्ते हूँ हैदर राजा हैदर शब के जागे हुए मुसाफिर एक बार फिर राजा हैदर के दिल के पाताल में छुपे के हर खतरे से लबरेज प्यार और मोहब्बत भरा सलाम को एक और स्याह मगर चमकती हुई रात के साथ राज द इंजन आपके दिलों पर दस्तक देने के लिए हाज़िर हुआ है तबीयत की ख़राबी के बावजूद हमने सोचा कि अक्टूबर की आखिरी हिचकी आने से पहले और नवंबर की पहली सांस फूके जाने से पहले हम आपको ये बता दें कि आपका नवंबर का महीना कैसे गुजरने वाला है धीरे धीरे सफ़र को आगे लेके बढ़ेंगे मुख्तसर ये प्रोग्राम होगा कोई बहुत लंबी चूड़ी गेम ऑन नहीं करेंगे हम एक एक करके सब स्टार्स के बारे में बताएंगे नवंबर एक बहुत अहम महीना है 2023 का नॉर्मली आखिरी चांद गिरहन सूरज गिरहन सब खत्म हो चुके अब जो भी होना है अगले बरस होना है सेकेंड लास्ट मंथ दो का नवम्बर में खून की बरसात के हवाले से कुछ सितारे डिवेलप हुए हैं आसमान पर जो कि सात नवंबर से एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे जिसमें ज़्यादा अमवात पूरी दुनिया में जो जो जंग की लपेट में है ख़ास तौर पर उन लोगों के यहाँ बहुत ज़्यादा हादसा होंगे और नागहानी आफात जो हैं जैसे सैलाब आग हाँ, का लग जाना जल्जलों का होना और मौसम की तब्दीली से कुछ नई वबाओं का फूटना जिसमें लोगों का ख़त्म हो जाना ये नवम्बर सेवन के बाद स्टार्ट हो जाएगा अच्छा जहाँ मुल्कों की हम बात करते हैं कि किसी मुल्क के लिए कैसा रहने वाला है इसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं जैसे हिंदुस्तान या पाकिस्तान के हवाले से हम कहें तो कुछ खुशखबरियाँ हैं कुछ चीज़ें आ, सामने लाई जाएंगी अपनी ताकतों को एक दूसरे के सामने रखा जाएगा कि देखिए हमारे पास ये भी है वो भी है इलेक्शन की डेट्स आपको मिल जाएंगी वगैरह 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 और जो महंगाई है वो अलेवन पॉइंट टू परसेंट इस महीने से और बढ़ेगी जो दिसंबर तक आप लोगों को अपनी लपेट में लेगी तो मिला जुला अमल है अब इसमें दो सितारे ऐसे हैं जिसमें हिजरत एंड रिलेशनशिप दोनों एक्टिव होने वाले तो नवंबर बड़ा सोच समझ के आपने इस्तेमाल करना है ये जो महीना अल्लाह ताला आपको अता कर रहा है ये रूहानी एतबार से अपनी ख़ास अहमियत रखता है अगर आप थोड़े से भी स्परिचुअल तबीयत वाले हर इंसान के अंदर एक रूहानी इंसान छुपा होता है जो शायद वो जो नफूस के पर्दों में छुपा है वो परवरदिगार उससे कनेक्ट करने के लिए आपको किसी की सनद लेने की जरूरत नहीं है कुछ होते हैं जो जाहिरी दुकान खोल के बैठ जाते हैं लंबी सी दाढ़ी कपड़े भी वैसे ही सफेद मामा ग्रीन मामा काला मामा कुछ भी पहन ले भाई अल्लमान 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 तो सेट लगा के दुकान खोल के लोगों का इस्तेमाल करके आयतें बेच बेच के धन दौलत कमा के अलग कहानी उनके खूबसूरत लफ्ज़ों के जाल में आने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज यू आर ऑल्सो बाबा आपके अंदर खुद एक ऐसी ज़ात छुपी है जिसको रगड़ने से तजली की चिंगारियाँ फूटती है और आप वहाँ कनेक्ट कर लेते हो बहुत सारे लोग फेक कहानियाँ हमेशा बना के बैठ जाते हैं मोहम्मद बिन कासिम जैसे बंदे को स्टडी का हिस्सा बना दिया वो सोलह साल इजरत की उम्र में हिजरत की है क्या वो सैयद जादों का पीछा करते हुए आया सिंध में था राजा जिसको, राजा जिसको जिसको विलन बना दिया गया वो सैयद जादों की हिफाजत करता था वो जाहिर उसका कोई इस्लाम से ताल्लुक नहीं लेकिन दिल में एक हुब था तो उसको विलन बना दिया को बहन से भी शादी के हमें कहानियां तारीख है किसी से कुछ लिखवा लो आज देख लो पाकिस्तान भर में क्या हो रहा है हिंदुस्तान में क्या हो रहा है किसी के खिलाफ भी कोई किताब लिखा सकते हो किसी भी लीडर के खिलाफ कुछ भी बकवास लिख के मार्केट कर सकते हो और वो पब्लिशर्स जो होंगे वो भी दुनिया के बड़े बड़े नामी गरामी पब्लिशर होंगे आप कहेंगे फला की ये पब्लिश की हुई किताबें गलत नहीं हो सकती लेकिन अल्फाज तो आपके हैं ना और आप हैं बीच में कुछ भी कहानी लिख तो। दो घूट सच के साथ अट्ठानवे घूट शराब मिला दो तो हराम ही होगी वो हलाल नहीं होती है तो हम लोग जाहिर पे जा रहे होते हैं कि जो दिखाया जा रहा है मजलूमियत का डंका चला रहे होते हैं कभी कभी महमूद गजनवी को हीरो बना देते हैं वो जो अहले बैत के टुकड़ों पे पलने वाले लोग हैं उनको कभी कुछ समझा ही नहीं वो वली जिससे विलायत निकली है वो वली जो हजूर का खून है भाई है नूर है कभी दावा ही नहीं किया कि मैं नबी हूँ विलायत का इमामत का ही हमेशा वो वो भी दावा नहीं किया वो लोगों ने कहा लेकिन ज़ाहिर है जब निकला है तो फिर दूर तलक जाएगा हमारे यहाँ ये होता है कि जी हजरत बिलाल अबशी जो थे उनकी ज़बान में लुकनत थी और लुकनत थी तो आजान कैसे इतनी क्लियर दिया करते थे यार मतलब क्यों खुद से ही कहानी बना ली कहीं किसी हिस्ट्री में नहीं लिखे लिखी हुई किताबें हजरत बिलाल हबशी के ऊपर आपकी इतनी रिसर्च है तो आपको यह भी पता है कि जनाब मूसा जो हैं, वो है वो पैगंबर और वो जब फिर के महल में आए तो वो किसी भी दाई का दूध पिला सकते थे परवरदिगार लेकिन किसी भी पैगंबर के अंदर किसी और का दूध नहीं जा सकता जिसने अल्लाह का कलमा नहीं पढ़ा वो काफिर तो माँ को ही परवरदिगार ने उस महल में ड्यूटी लगवा दी कि माँ का ही दूध मूसा ने पीना है तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि दाई हलीमा का दूध जिसने कलमा नहीं पड़ा वो वजूद मोहम्मद में जाएगा दाई हलीमा के घर में अगर कोई चीज आ गई तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की वजह से खजूर हरे हो गए बकरियां दूध देना शुरू हो गई वो जिस जानवर पर थी वो सबसे आगे भाग गया तो ये तो सरकार की कर्म नवाजी है ना यानी सरकार ने खिलाया उन्होंने नहीं खिलाया तो हम हिस्ट्री को मस्क करते हुए ताकि वो जो रिसालत का एक मकाम है उससे नीचे देखा जब चांद सितारे इजाजत मोहम्मद वाले मोहम्मद के बिना कुछ भी नहीं कर सकते ये सिर्फ सोल कनेक्टेड लोग जानते हैं जैसे मैं कह रहा हूं कि इसमें मॉडर्न हो आप कोई फर्क नहीं पड़ता आपका कनेक्शन कितना स्ट्रांग है उसके साथ ये देखा करूं अब ये मत देखा करूँ कि किसने किया कि अबू तालिब के बारे में वो ये किया था उन्होंने कलमा पढ़ा रे भाई निकाह पढ़ाया था यार आपको तो चालीस साल के बाद के मोहम्मद याद हैं वो चालीस साल पहले कहाँ मतलब सब लोग कह रहे चालीस साल में नबूत मिली फिर अरब में ये हुआ पता चला तो चालीस साल पहले चालीस साल क्या चालीस बिलियन साल पहले भी सरकार थे परवरदिगार ने कहा कि मैं अपने आप को जानूं अपने आप को देखूं तनहा जमीन आसमान चरिंद परिंद कुछ भी नहीं है तो अपने नूर से नूर को जुदा किया और देखा 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 और देखता ही रह गए और, देखते, देखते, और फिर उससे एक जिस्म तख्ल किया जिसे मोहम्मद कहता है फिर उस मोहम्मद के लिए कहानी तख्लीक की जिन आ रहे हैं जानवर आ रहे हैं डॉइनासार आ रहे हैं फिर इंसानों की जरूरत पड़ी तो मिट्टी को बुलवाया गया उन मिट्टी जब जाने लगी ऊपर तो कहा इसराइल सलाम से और फरिश्तों से कि पहले भी तो अल्लाह की मखलूक यहाँ धंगे फसाद खून ख़राबे करती थी अब भी वही होगा पर सुना नहीं लेकर चले गए यानी हमसे पहले जो भी शयातीन या जन्नात थे वो तो यही कर रहे थे फिर पर उनको पर्दे में हटा के एक राह पड़वाया कि पढ़िए क्या है हादा मोहम्मद आदा अली और सब कुछ बता दिया गया हम छुपा लेते हैं हम तफसीर में नहीं जाते हम अपनी इबादतों प्या कर रहे हैं हमारे लिए कुरान ही काफ़ी है काफ़ी है कुरान तो फिर कुरान में से निकाल दो निकाह कैसे पढ़े जाते हैं जनाजे कैसे पढ़े जाते हैं ईद के कितने नफल है? कितने फराइज सब दिखा दो है ही नहीं वो तो मुहम्मद सल्हु वसलम के जिक्र के कलाम के बिना है ही नहीं और कहीं कुरान में ही नहीं लिखा कि रुको ऐसे करना है झुकना है सजदा जमीन पर सजदा होना चाहिए कहा जो जो मोहम्मद कर रहा है वही इबादत है जिस जिस तरह वो कर रहा है ये तो मान लो या मत मानो अधूरा सच तो कुछ भी नहीं होता है ना तो आप कुरान अगर पढ़ते हो कई तफसीर कई जगह पे अल्लाह ताला ने लिखा है कि जब मोहम्मद तुम्हें अपने घर बुलाए खाने पे बुलाए तो खाने से चंद लम्हे पहले जाओ और खाने के बाद वहां ज्यादा देर बैठो मत और ज्यादा बातों में वक्त मत गुजारना चले आना क्योंकि मेरे मोहम्मद को तकलीफ होती है वो नहीं कहता लेकिन मैं कह रहा हूं वो रहमत है वो कह भी नहीं सकते हैं उसके बिहार को किसी से गया अल्लाह गया था मैं कह रहा हूं बस अपनी नजरों को नीचे रखना फालतू की गुफ्तु मत करना हम लोग आज जाने के बाद जाने से पहले के वाक्यात निकाल रहे हैं तीन सौ साल बाद रावी आ रहे हैं और लिख रहे हैं कि हमारे बुजुर्ग ने फलना से रिवायत की घर के अंदर इस तरह लेटे अरे कौन था वो रावी जो खब गए मोहम्मद के अंदर जाके दूरबीन लगा के देख रहा है कि वो अपनी अजवाज से क्या गुफ्तगु किया करते थे जो हुजूर ने फरमाया वो अदीज बन गई वो जो वॉच कर रहे हैं वो कौन लोग हैं अब आज के दौर में हम लोग उस जगह पे हैं जहां पे आप तस्लीम करने निकलो ना अल्लाह को तो फिर आप आज की सारी चीजें लेकर जाओगे वो पहले जमाने वाली चीजें नहीं है तो फिर आपको आपके हिसाब से सच मिलेगा जब तक कि मैं निकलेंगी नहीं क्योंकि आप जब खुद कलामी करते हैं किसी को बताएं मैं वहां से निकला ना मैंने ये किया मैंने ये कहा मैंने तो अपने एम्पायर्स बना लिए मैंने अपनी जिंदगी को इस तरह पेंट किया कि मैं 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 वो किसी ने मौला अली से पूछा था कि रिश्ता लेने के लिए जाते हैं तो लड़की का कैसे पता चले कि ये घर चलाने वाली है या फिर आपके साथ घर बसाने वाली है तो मौला अली ने फरमाया जनाब हुसैन से भी रिलेटेड यही रिवायत है कहा कि जब आप जाओ तो आप देखो अगर वो लड़की अपने बारे में बहुत बोल रही है कि खाना मैंने बनाया है मैं तो ऐसी हूं मुझे जिंदगी ऐसी पसंद है मैं तो चाहती हूँ मैं ये मैं वो समझ लूँ ये घर नहीं बसाएगी ये रुलाएगी क्योंकि वो मैं मैं उलझी हुई है और अगर वो अपने खान वादा या फैमिली के बारे में डिस्कस करे कि मेरी अम्मी अबू की मेरी अम्मी की जिंदगी ये मेरी बहन बहुत अच्छी ये वो तो समझ लो वो तुम्हारी फैमिली के लिए भी इतना ही दर्द -दर की सिंपल सी पहचान है भैया मर्द के लिए भी और जन के लिए भी जो मैं मैं कर रहे हैं वो सिर्फ मैं ही है तो आप इंडिविजुअल नजर आने के लिए मैं की बोली को खत्म करेंगे मैं सिर्फ वो है वो तकबर सिर्फ वो है तो हो या दिसंबर हो कैसे पलटना है आप कनेक्ट करोगे तो आपको बताएगा कि हमारी ज़िंदगी कितनी कुशादा कितनी खुशहाल होने वाली है आपने फ़िक्र नहीं करनी ज़िंदगी जैसी भी गुजर रही है ये सब जूडी एक साइन के लिए बहुत अच्छा सिलसिला बनेगा नवंबर तो वैसे भी मौसम की तब्दीली पत्तों का गिर जाना नए पत्तों का आना मेपल लीफ और मेपल सिरप का बहुत ज़्यादा बिकना खुशियाँ बहुत ज़्यादा आगे की तरफ़ आना और दुनिया कॉम्पैक्ट मोड पे जाना शुरू हो गई है 2024 और 2025 दो, दो बड़े अहम साल हैं इस दुनिया में रेवोल्यूशन लाने के लिए दुनिया को एक नई शबी आप सबके सामने आने के लिए तो जो ज़िक्र है उसको कभी मत छोड़ना जो भी आपको ठीक लगता है अब हम तो ये कहते हैं कि परवरदिगार करे कि हर बंदा अपने इमाम और अपने नबी के टोले में हो रोजे है शर। फिर जिस जिस को आप मान रहे हैं जिस जिस पे कुर्बान जा रहे हैं जाइए हम तो दरे अहले बैत के सवाल ही हैं हम बख्शिश के लिए नहीं चाहते हैं ये याद रखना मेरे जैसा जो फकीर है वो इस डर से नहीं करता है कि वहां से बख्शिश हो जाएगी वो जो दे उन्होंने कभी किसी को निराश नहीं किया वो जो फरिश्ते जो रोटियां नहीं खाते वो आकर रोटियां लेके ले जा रहे हैं दरे बतूल से उन्होंने उनको ना नहीं किया तो हम लोग बड़ी बड़ी किताबें सजा लेते हैं हजरत राब्या बसरी कायनात में बड़ी अजीम हस्ती हैं ठीक है भाई अज़ीम हस्ती आपने किताबों में लिख दिया मान लिया को खातून थी जो शादी नहीं कर रही उस सुन्नत मोहम्मद ही पर नहीं चल रही पहली बात तो वहीं से कैंसिल हो गया ना सब हम न शादी नहीं कर सकती मुझे अल्लाह के रहा है तो अल्लाह खुद कह रहा निकाह करो सारी सारी रात आप जितनी भी किताबें पढ़ लें चार चार पांच पांच मलंग बैठे हैं लोग बैठे हैं उनके साथ बैठ के गुफ्तगु हो रही है कभी खाना नहीं आ रहा कभी क्या तो ना महरमों में बैठ रहे हो आप अगर आप पहले बैत का जिक्र करो उनके जनाजे रात के अंधेरों में निकले किसी साहबी की इतनी औकात नहीं थी कि देखे यहां पर बाद में बहस मोबाइल से हुए कि जी किसके हिस्से में क्या आया वो परवरदिगार जानता है कि कब कब क्या क्या होना था बतूल को तोड़ के जला के अंदर जाने वाले वो क्या चाहते थे तो जो तारीख को अपने सुनहरे कलमों से लिख लिख कर चेंज करने वाले लोग हैं जानते वो भी हैं कि कभी ना कभी तो सच सामने आएगा और आएगा जब जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद में आप बहुत गड़ जाओगे बिना लालच के कि वहां से मिलेगा इश्क क्या है महबूब से क्या चाहते हो आप उसका दीदार शादी हो ना हो फर्क नहीं पड़ता है कुर्बत हो ना हो फ़र्क़ नहीं पड़ता है दीदार इलाही का सफ़र भी ऐसा ही है महबूब दुनिया का जो है एक निगाह इश्क में मर्जियां नहीं चलती जिस तरह यार कहे बिस्मिल्ला रात है रात है दिन है दिन है बस यही तो फ़र्क है दिल वालों में और इश्क वालों में दिल वाले जो अक्ल वाले कहलाए जाते हैं वो मांगते अपने लिए मुझे ये दे परवर देगा मुझे अच्छी सेहत दे मेरे बच्चे को नौकरी दे अच्छी बीवी दे ये कर वो कर जो इश्क वाले हैं वो कहते हैं बच्चा भी तेरा मेरी नौकरी भी तेरी मेरी दौलत भी तेरी मैं भी तेरी मैं भी कनीज़ मैं भी गुलाम तो ये इश्क और अक्ल के फ़र्क को जब समझ जाओगे तो सब समझ आ जाएगा खुश रहिए आबाद रहिए मेरे इन्हीं बिखरे हुए लफ्ज़ों के साथ हमने कर दिया इस शब का आगाज़ कम लोग हैं ज़्यादा हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्लीज़ थम्स अप कर दीजिएगा लाइक को हिट कर दीजिएगा आज ये तीन डेस्टिनेशन पे आप मुझे देख रहे हो मेरे फेसबुक पे राजा हैदर पे भी लाइव जा रहा है तीन फेसबुक वाले हमेशा शिकायत करते हैं द गेम चेंजर सीनी हैदर दूसरे चैनल जो मेरा है यूट्यूब पर सिमी मैम के चैनल पर भी लाइव जा रहा है और मेरे इस चैनल पर जिसको राजा हैदर कहते हैं आप लोगों की इस मोहब्बत का शुक्रिया और एरिए को हमने उठा के मार्केट में फेंक दिया मुझे कहते हैं राजा हैदर स्क्रीन पे आप देख रहे हो मुझे रबते के लिए ईमेल भी आप स्क्रीन पे देख रहे हो थोड़ा आतिश जल रहा है और मैंने भी काफ़ी मोटी जैकेट पहनी है बिकॉज़ तबीयत सही ना होने की वजह से आवाज़ का निकलना भी बड़ा मुश्किल हुआ है और दुआ है कि ये प्रोग्राम जल्द अज़ जल्द ख़त्म हो जाए ताकि आप लोगों तक वो कॉन्टेंट जो इस महीने का देखना चाहते हो वो पहुंच जाए ठीक है जी ओके okay, तो मेरी हमारी टीम से गुजारिश है कि प्लीज़ वो सब जगहों पे आ, नज़र रखें और बाकी की हमारी टीम से गुजारिश है कि जो भी कोई आ रहा है उल्टी सीधी बात लिख रहा है उसको बैन ब्लॉक करते हुए बिल्कुल हिचकिचाए चाहे नहीं चाहे वो कितने ही हमारे प्यारे क्यों ना हो क्योंकि हम गंदी मछलियों को अपने इस चैनल पर चाहते ही नहीं हम आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अपना शो डिज़ाइन नहीं करते हैं ठीक है हम अपने हिसाब से अपने शो को चलाते हैं किसी को पसंद है तो देखे नहीं पसंद तो वो जाके बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पे वो देख सकते हैं कि कौन सी शहर और कौन सी शज़ादी ने कब क्या किया ताकि उनके भी व्यूज़ बनते रहे और आपके भी आँखों के मसले हल होते रहें ठीक है जी चलो अब सबसे सब पहले हम आ गए हैं आ, हमल वाले एरीज़ वाले जो हैं उनके लिए ये महीना कैसे गुजरने गुजरेगा जो नवंबर का महीना कल से शुरू होने वाला है सबसे पहले है, याद रखना कि नवंबर के महीने में आप लोगों के लिए काफ़ी सारी तब्दीलियाँ इकट्ठी नहीं शुरू हो रही हैं तीन तारीख से समझ लो कि आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर होना शुरू हो जाएगी ये रीज़ वालों तीन तारीख को कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा आप लोगों को वो चैलेंजेस कैसे हैं यानी फाइनेंस को बूस्ट करने के मौके अल्लाह ताला की तरफ से आपको मिलेंगे उनको हैंडल कैसे करना है ये सारी की सारी गेम आपके हाथ में होगी इख्तियार जहाँ पर आपको दिए जाएंगे वहाँ पर ऑप्शनस भी होंगे कि ये कारोबार या ये नौकरी जो आप कर रहे हो ये कंटिन्यू करनी है सेम कंपनी सेम इदारे में या आप स्विच करना चाह रहे हो बिकॉज आपके पास दो या तीन ऑप्शन इस नवंबर में ज़रूर आएंगे जो आपको बेहतर पे स्केल और मकाम देने के लिए सब एक अच्छा सा शेड बना के उसके नीचे खड़ा किया जाएगा आपको लेकिन ये याद रखना कि फ़ैसला करने से पहले मैच करवाना ज़रूरी है कि ज़ाहरी तौर पे तो बहुत अच्छा है आपको सब कुछ मिल जाएगा ये कहीं तीन या छः महीने की गेम तो नहीं होगी आपको उस इदारे से तोड़ के अपना मकाम ऊंचा करने के लिए तो वो टीम्स नहीं करी उनके लिए जो सुपर टैलेंटेड लोग हैं और जिन लोगों के होने या ना होने से इधारे को फ़र्क नहीं पड़ता वो सिर्फ अपने पे स्केल को देखेंगे बिकॉज सारे ही एरीज़ वाले सुपर सुप्रौसम नहीं होते हैं उसमें से कि कुछ लोग जो हैं वो डिप्रेशन की वजह से अपने उस ताकत को खो चुके हैं जो जानते हैं कि हम दूसरों से बेस्ट हैं स्टार्ट आप से हो रहा है कायनात का आगाज़ एरीज से हो रहा है तो फिर आपको डरना नहीं चाहिए आप सबसे पहले इसी लाइन में हो आप लोगों की जितनी भी मसरूफ जिंदगी है उसमें आसानियां पर डालेगा सो अगर आपको मुल्क से बाहर जाने के दो ऑप्शंस मिल रहे हैं तो इसको अवेल करना है देखो एरीज पाइसिस लिब्रा कैप्रिकॉन एंड ये पांच सितारे हैं जिनके लिए नवंबर हमेशा दूसरी जगहों पे दूसरे इदारों में दूसरे घरों में दूसरे मुल्कों में ले जाने का हंड्रेड एंड टेन परसेंट बंदोबस्त कर रहा है अब आपकी गेम कहाँ है कि आपने राइट टाइम पर राइट फैसला करना है पेपर वर्क में कोई सुस्ती नहीं करनी है कब क्या होना है तो ये पाँच सितारे हम पहले से अलर्ट पर डाल रहे हैं तो ये आप उनमें मुतासरकन परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार हो मीडिया सोशल मीडिया पॉलिटिक्स या किसी भी ऐसी फील्ड में जहाँ नेम एंड फेम की गेम को ऑन करने के चक्कर में हो उन लोगों के लिए भी ये महीना बहुत लाजवाब रहने वाला है थोड़े सेंसिटिव हो जाओगे सात तारीख के बाद थोड़े हसास तबीयत वाले किसी की हल्की सी बात आपको चुभेगी और आपकी आंखों में आंसू दिखाई देंगे ये अलर्ट मोड जो है ये रूहानी तौर पे आपको रब के करीब करने के लिए ऐसे मौके पे आपको फ़ौर सजदे में जाना है आपको को खुशी मिल रही है फ़ौर सजदे में जाना और तरीक़ा भी यही है कि जब जब कभी कभी आपको ऐसा लगे कि मेरी तबीयत खुशहाल है तो सजदा और जब लगे कि बेजार है तब भी सजदा आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा रब की तरफ से काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं जो फाइनेंस को 82 परसेंट तक ऊपर लेकर जाएगा बिजनेस कम्युनिटी के लोग जो कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लैंड एंड प्रॉपर्टी में वो 40 परसेंट से ऊपर बिल्कुल ना करें क्योंकि अभी एक नकली तरीके से एक जो बूम लाइफ में आप देखोगे नवंबर के महीने में कि हर चीज़ आसमान की बुलंदी में जा रही है और फिर दिसंबर दिसंबर मिट के बाद वो हर चीज़ ज़मीन पे आ रही है तो अगर आप बायर हो तो फिर आपको होल्ड रखना है उसका ऊंचा जाने के बाद ज़मीन पे आना क्योंकि नकली नकली सब कुछ होगा डॉलर बहुत ऊपर चला गया फिर नीचे आना है फिर ऊपर तो इस गेम को आपने ये देखता रहना है जैसे आपको इस महीने में थोड़ा सा लगेगा कि डॉलर महंगाई हर चीज़ ऊपर जा रही है अजदवाजी ज़िंदगी ए वालों की काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने वाली है लेकिन आप लोगों के बीच में अगर कोई केस चल चुका है अदालत तक या आप लोगों के बीच में सेपरेशन हो चुकी है तो फिर तेरह नवंबर के बाद वो फर के लिए बाय बाय हो जाएगी उसको हैप्पी एंडिंग कहते हैं कि जी दोनों हैं इनकी तरफ से हैप्पी एंडिंग क्योंकि ये रीज़ वाले अगर आप खातून हो तो फिर आपकी ज़िंदगी में किसी एक नई एंट्री का होना और वो फाइनलाइज पोजीशन पर जाना भी नवम्बर में ही दिखाई दे रहा है लेकिन सोच समझ

टी टू डेज तक आपकी स्ट्रगल फाइनेंस रिहाइश कुछ भी बेहतर नहीं हो रहा होगा जिसमें एक डिप्रेशन का मोड ऑन होता है जो अगर फर्स्ट दिसंबर नवंबर में जाने वाले हो तो जनवरी एंड या फरवरी के फर्स्ट वीक में आपको लगेगा हमें वापस चले जाना चाहिए वही है आपकी वो जिसमें आपको कुछ ना कुछ मिल रहा होगा इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल मत करना फर्स्ट वीक आप लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए बैंक से कोई कर्ज़ा वर्ज़ा लेने के लिए पासपोर्ट आईडी वगैरह जो भी पेपर वर्क होता है वो बनाने के लिए वीज़ा सबमिट करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा सेकेंड वीक जो है आपकी एनर्जी के लिए एक्सरसाइज़ वग़ैरह नहीं कर रहे हो तो करो डाइट प्लान बना लो जो गलतियाँ की हैं लाइफ में काम के हवाले से रिलेशनशिप के हवाले से उसमें आपको स्टेप अप लेना है पहला कदम आप लोगे दूसरे फरीक की तरफ से आपको ये नहीं करना कि आपकी मोहब्बत के समंदर में तलातम पैदा वो करेगा तलातम पैदा नहीं होने वाला है बुजुर्गों की हेल्थ का थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा फोकस करना पड़ेगा जो आपकी सेविंग है उनको कोशिश करना कि डॉलर एंड गोल्ड के अलावा लैंड एंड प्रॉपर्टी के अलावा किसी और चीज़ में मत लगाना वरना मराकबों में बैठे रह जाओगे और वो रिटर्न नहीं मिलेगा जो ख़्वतन घर में होती हैं जो काम काज करती हैं उन लोगों के लिए नवंबर का महीना खुशियों भरा हो सकता है अगर आप औलाद वाले नहीं हो तो आपको औलाद की तरफ से काफ़ी कुछ खुशखबरियां मिल सकती हैं यह याद रखना क्योंकि ये जो एरीज़ वाली जितनी भी हमारी बहनें हैं या भाई हैं आप लोगों को जो हेयर फॉल का प्रॉब्लम था वो इस महीने में काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा और इसमें जाहिर है थर्ड वीक आप लोगों की खुशियां ज़्यादा ले आएगा फाइनेंस ज़्यादा हो जाएगा आप लोगों को बड़ा कंट्रोल होगा जो स्ट्रेस लेवल हेल्थ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है वो भी कवर हो जाएगा जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है मीडिया शोबे से रिलेटेड जितने भी लोग हैं चाहे वो किसी भी इदारे में काम कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि एक्ट के ही फील्ड में है या सिंगिंग की फील्ड में है, वो टेक्निकल फील्ड में डायरेक्शन में एक्टिंग में पेंटर है कुछ भी हैं जो आर्ट की फील्ड में है उन लोगों के लिए सेवेंटी टू परसेंट तक नया बूम आएगा आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने हैं जो मिल जाएंगे और पे स्केल के हिसाब से भी आपकी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएगी लेकिन मौसमी तब्दीली आपको अपने हिसार में रखेगी इसलिए आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी वरना आप लोगों के लाले पड़ सकते हैं करियर हो मोहब्बत हो या दौलत की फ़रावानी हो इसके लिए कुछ डेट्स हैं जिनका ख्याल ए वालों को रखना पड़ेगा वन टू थ्री फोर सेवन नाइन अलेवन थर्टीन फिफ्टीन सेवनटीन एटीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन एंड थर्टी ये वो तारीखें हैं जिसमें आप कुछ भी करना चाहो गोल्डन डेट्स हैं लेकिन क्योंकि शादी ब्याह के चांसेस गैर खानदानों में होते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं इसलिए आप लोगों को जो भी कोई आएगा उसका मैच कराना मैच का कराना दरवाजा है ठोट इस पर मैच करवा सकते हो बेस्ट शफलाक हीरीज वालों के लिए एंड वेलकम करते हैं टोरस वालों को और इससे पहले कि हम टोरस वालों पर जाए यहाँ भी हम आ सकते हैं आ, जी हाँ है बिल्कुल है जी थैंक यू वेरी मच आप आइए तशरीफ लाइए और यहाँ पे कितने लोग हैं थैंक यू वेरी मच एक तो सुपर चैट ज़रूर कर दीजिएगा आप लोगों से गुजारिश है क्योंकि ये जो एक सिलसिला है ये उन लोगों के लिए होता है जो आप अपनी डोनेशन सदक़ात वग़ैरह देते रहते हो और ये वहाँ तक पहुँच जाता है जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं ठीक है ठीके? तो डोनेट करने से पहले आपको सोचना नहीं है बस आपको दे देना उन सबको जो सच्चे हकदार हैं थैंक यू उन लोगों का जो हमारा इस सिलसिले में साथ देने वाले हैं और मैं गूंट पानी भी लूँ थैंक यू थैंक यू जी थैंक यू जितने भी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं उन लोगों का बहुत शुक्रिया अच्छा काफ़ी सारे लोग हैं जो अभी हमें ज्वाइन किए हैं प्रोग्राम के आगे चल के किसी हिस्से में कुछ और चीज़ें भी ख़ास तौर पे आपको हम बताएंगे कि क्या क्या होना है क्या क्या करना है बहुत शुक्रिया उन लोगों का और मैं अभी पाकिस्तान से दुबई आया फिर आगे जाहिर है और भी कुछ टूर्स हैं जिसके बारे में आपको अपडेट देते रहेंगे और मेरी ड्रामिंग की जो शूटिंग है वो चल रही है अभी जाने जहाँ इन दिसंबर में ऑन एयर है नवंबर के एंड तक तो अभी ये वर्ल्ड कप वगैरह का ये सब खत्म हो जाएगा और दिसंबर जो ही स्टार्ट की डेट आएगी तो हम आपको बता देंगे उसका ओ एस टी कब आ रहा है जो राहत फ़तेह अली खान साहब ने आ, गाया बहुत ही खूबसूरत आपको ये ड्रामा इंटरनेशनली मार्किट में भी बहुत बूम करता हुआ दिखाई देगा क्योंकि उसकी कहानी और उसकी मेकिंग आपको बड़ी जो मेगा कास्ट है इसमें एक जो छोटा सा किरदार होता है उसके लिए भी बड़े ही आर्टिस्टों को हायर किया गया है और ये जाहिर है दो बड़ी कंपनियों के इश्तराक से जाने जहां ए आर वाई डिजिटल पर आप देखोगे और जिसकी कास्ट से भी आपकी इन शाला धीरे धीरे हम मुलाकात करवाएंगे अपने लाइव शो में मेरे प्रोग्राम में सिमी मैम के प्रोग्राम में धीरे धीरे सब जितने भी लोग हैं ताकि आप लोगों को अपडेट पता चलता रहे और आ... ऐसा ही चलता रहेगा ठीक है और यहाँ सर आपकी आवाज़ बहुत डल है मैं क्या करूँ मैं चीख चीख के बोलूँ मेरी तो आवाज़ निकल नहीं रही मेरे गले से बड़ी मुश्किल से मैं बात कर रहा हूँ मेरी तकलीफ है गला मेरा बहुत ज़्यादा यहाँ दर्द कर रहा है और बुखार में मैं तप रहा हूँ आइए तशीफ रखिए आप अगर कोई गुफ्तगु करना चाहें तो जी तो फिर आप ऐसे चाहती मार के क्यों जाती हैं नहीं 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 मैं को गमला हूँ जिसको पानी देंगी आप मुझे कह <laughs> रहे आपका कहां से ओके तो थैंक यू जितने लोग साथ साथ मैसेजेस कर रहे हैं उनको नहीं पता है तो कोई बात नहीं है जी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं दूसरा स्टार टॉरस टॉरस वालो ये जो नवंबर स्टार्ट होना है ये याद रखना कि एक तादाद स्टार्स की आपकी तरफ बढ़ रही है जिसने आपकी पूरी ज़िंदगी को बड़ा आसान करना है टॉरस वालों की ज़िंदगी में सफ़र कामयाबी यानी सक्सेस जो नेम का है और फाइनेंस ये सब चीज़ें अपनी जगह पहले कई महीनों से ज़्यादा 18 परसेंट मोर ऊपर की तरफ आएंगे अच्छा जब मोर हम कहते हैं तो ये समझ लो ये आईफोन की बैटरी की तरह जो हर साल आता है और ये कहता है कि हम थोड़ी बैटरी टाइम ज़्यादा देंगे और बै बैटरी टाइम ज़्यादा देता है ठीक है नॉर्मली जैसे फिफ्टीन प्रो मैक्स है ये अगर दो दिन भी नॉर्मली अगर आप फ़ोन यूज़ चार्जिंग पे नहीं करते हो तो ये आपका काम निकाल देता है नॉर्मल फ़ोन पे ये कि हर वक्त आप उनमें तुन के रखें जैसे गवर्नमेंट आवाम में तुन के रखती है तो बस इसी तरह चार्ज होते रहते हैं आवाम भी और गवर्नमेंट के बच्चे भी वो तो रीचार्ज चार्ज पर रहते हैं ना ऑलमोस्ट है ना तो अभी नई नई लॉलीपॉप दिए जाएंगे हमारी आवाम को इलेक्शन आने से पहले कि सिंध में यूनिवर्सिटीयां बनेंगी किसानों के लिए ये होगा नई सड़कें बनेंगी फिर से बहुत सारे लॉलीपॉप और अपने अपने जो इलाकों के बेचारे गरीब मज़ारे हैं उनको बिरयानियों की सूरत में और अच्छे कपड़ों की सूरत में गिफ्ट भी दिए जाएंगे क्योंकि ये अखराज पूरे के पूरे एक बजट में तय होता है कि कितनी देंगे रोज़ बननी है तो लोग कहेंगे जो अभी से खाना दे रहे हैं भूल जाएँ पुरानों को उनको जलील करने के बाद आपसे वोट लिए जाएंगे सो आपका वोट दुनिया का कीमती तरीन वोट होता था कि था का मतलब तुम्हें आता होगा तो नहीं भी देना गवर्नमेंट उसी की बनेगी जिसको बाबा जी चाहते हैं बाबा जी का आशीर्वाद जिस पर है उसी की गवर्नमेंट बननी है तो आप लोग गर्मी में सड़ने मरने की कोई ज़रूरत नहीं भाई साहब कि लाइने लगे आपका वोट कॉम की अमानत है तिल लेने गया अमानत भाई इस बार जितनी अमानत है खून ख़राबे होने इलेक्शन में वो आप भी देख लेना और बिरयानी पसंद जाग दे देना दे जिनू दिल करे बिरयानी तो मिल जाएगी ना तो है ना तो टॉरस वालो आपको बिरयानी लोगों की नहीं मिलेगी आप अपनी बना बना के खाने वाले हो ये याद रखना कि फाइनेंस बढ़ेगा तो बिरयानी तो बनेगी बनेगी आपके घर में वैसे आई एम नॉट लवर ऑफ बिरयानी पुलाव और जरदा एक अपनी अहमियत रखता है यखनी वाला है ना बाकी चीज़ें तो फालतू की तो आप लोगों के लिए एक अच्छी चीज़ है कि आप अगर मुल्क से बाहर जाने के ख्वाब देख रहे थे तो इस महीने सबमिट किए गए पेपर या जो ऑलरेडी आप सबमिट कर चुके हो खुशखबरी की सूरत में आपको एक ठहराव देंगे फिर आपके लिए क्विक रिस्पॉन्स होगा कि आपको अब जाना है कब जाना है कैसे जाना है इसके बारे में हम बाद में आपको बता देंगे छोड़ा वालों की ज़िंदगी में थोड़े बहुत जो मैजिक के एलिमेंट्स चल रहे हैं प्लानिटैक्स में जिसको जिलथाल बोलते हैं वो तीन बार इस महीने होने हैं सो तो आपको बहुत अलर्ट रहना है अलर्ट इसलिए रहना है कि अगर आप दोबारा से उसी जद में आ गए अगर आपको लगा कि जी आ, हमारी सेहत वैसे ही ख़राब हो रही है मौसमी वो ख़राबी नहीं है आपको बहुत सारी आवाज़ों का आ जाना आपको शेडोज़ का देखना बैड एंड गुड स्मेल्स का आना ये उस चीज़ का एक्टिव आ, एक प्रूफ होगा जिस जिस आ, मैजिक की हम बात कर रहे हैं और ये थ्री टाइम है फर्स्ट वीक लास्ट वीक और उससे पहले वाला जो थर्ड सेकेंड लास्ट वीक है इसमें तो इस ये रिलेशनशिप एंड फाइनेंस को खाने के लिए आता है वैसे जो इजिप्शियन लोग हैं पुराने इसको क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ का आ, महीना भी बोलते हैं कि वो आके सारे ह्यूमंस को चबाएगा लेकिन क्योंकि आपकी लक बहुत ज़्यादा साथ दे रही है जुपिटर है या प्लानटैक्स उसके जो फिफ्टी फोर्थ फ्लोर के जो स्टार्स हैं वो ब्लैक होल के साथ जब जुड़ते हैं तो आपके जो साइड पिलर्स हैं लाइक आपकी औलादे हैं माँ बाप हैं आपके दोस्त हैं जिनकी सपोर्ट से आप आगे जाते हो चाहे आपके एम्प्लॉयज हैं उन लोगों को खुशहाल और ताकतवर करते हैं ताकि आप सेफ़ रहो देखो बॉडी अगर मस्त होंगे बहुत स्ट्रांग होंगे तभी वो बंदा बचेगा ना बॉडीगार्ड भी टिल्ला होगा तो साहब कितना भी स्ट्रांग हो <laughs> पहले डज होती है तो बॉडी गार्ड भाग रहे होते हैं अरे हमारे मुल्कों में यही नजर आ रहा होता तो आप लोग बड़े स्ट्रांग रहने वाले हो किसी की मदद की ज़रूरत नहीं रहेगी सेकंड वीक में कोई इल्ज़ाम या बदनामी का ख़तरा दिखाई दे रहा है सो अपने सेल फोन अपने पेपर्स अपनी वीडियोज़ बहुत ज़्यादा सेफ रखना किसी पर भी, भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हो इस सेकेंड वीक पर है फिर आगे चल के जो करना चाहो हो जहाँ मेरे कहने पर <coughs> आप लोगों की जिंदगी में अतल फतल आने नहीं वाला करना आपने वो ये जो आपका मन करेगा तब्दीली थोड़ी सी जो दिखाई दे रही है वो है आप लोगों को अगर मकान दुकान ऑफिस बदलना है उसके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है ये नवंबर का महीना टर्स वाले जितने भी हैं उनकी जिंदगियों में एक बू, बूम जो आने वाला है वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो क्रिप्टो करेंसी में इस वक्त आपने देखा है बूम आया है जो जाहिर है आ, पच्चीस हजार डॉलर पर बिट क्वाइन आ रुका था वो पैंतीस हज़ार डॉलर पे आ चुका है तो यानी अगर दो महीनों में दस हज़ार डॉलर का फ़र्क आया है बाकी जो कॉइन्स हैं वो ऊपर नहीं जा रहे बाकी टोकन अपनी जगह पे हैं लेकिन इन नाइन्टी डेज़ में थोड़ा सा बूम आएगा जिसमें लोगों ने लेना और फिर ये क्रिप्टो नीचे आएगी सो फ यू वॉन्ट इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी land and property, iron, आयरन सेलफोन्स कुछ भी हैं तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो लेकिन यह याद रखना कि लॉन्ग टर्म की कोई भी कमिटमेंट uh, नहीं करनी है आपने शॉर्ट टर्म खेलना होगा तभी आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी टोर्स वालों पर बुरे असर यहाँ है वहाँ पर अच्छे असर उनकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा आते आप लोगों की ज़िंदगी थोड़ी मस्त होने वाली है कोई इंटर होने वाला है आप लोगों की ज़िंदगी में मर्द वन उन लोगों के लिए जो शादी के खाब देख रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी में सैनी मेरा माही मेरे पाग जगा आ गया ये सिर्फ गानों में ही होता है मेरी बहन पाग कोई नहीं जगाता थुल्लड़ इधर उनके भी बने होते हैं जो बहुत शरीफ नफ्स हैं और बुल्लड़ उनके भी सजे होते हैं जो बहुत बदमाश हैं तो महमूद वयाज़ जब एक ही सफ़ में हो तो सिर्फ गानों में होता है एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा और कितनी कुछ तारीफें हो रही हैं जैसे मंदिर में दी, दीप और हिरन की चाल तो बाद में कहते तू खोत तरह चलनी है तेनों समझ नहीं आता रबाए की कर्म कमाए हुए नहीं बंदे आंदे ते मुँह खोते आंदे लाए हुए नहीं वो मर्द भी उसको खोता लग रहा होता है तो पहले सोच के क्योंकि यहाँ पे बंदा आ रहा है नोच के आपके सितारे मैं डरा नहीं रहा आपको मुस्तबिल का सच्चा चेहरा दिखा रहा हूँ बोल लाइने बोल मेरी किस्मत में क्या है ए स्त्री के मुंह वाला रखा था तो आपको खुद ही लायर है फायर ब्रिगेड मंगवा दे तू बस वो फायर ब्रिगेड मंगवा दे तू की इंतजार में बैठे हैं आप लोग शादी वादी के चांसेस बहुत ज़्यादा है मंगनी हो जाएगी क्विक रिस्पॉन्स आने वाला है ज्यादा डिले मत कीजिएगा अगर आप डिले में जाते हो तो फिर 97 डेज डिले हो सकती है ये शादी गैर खानदान या खानदानों के अंदर जितने भी लोग हैं वो साजिशों पे तुले होंगे मैजिक का जो हमने कहा है इसके लिए आपको कोई भी इत्र या खाने की चीज़ कोई दे तो उससे इज्तना करना है चमड़े की कोई चीज़ लाइक बैग पर्स या कोई भी ऐसी चीज़ देता है गिफ्ट में तो उसका इस्तेमाल भी आपने नवंबर में नहीं करना बेशक संभाल दो जो तस्बीहात होती हैं वो मैंने आज पहले वालों को नहीं बताया वो एरीज़ वालों को नहीं बताया मैं भूल गया अभी ज़ाहिर बीमारी में देखो बंदा भूल जाता है वो अभी मैं पहले टॉर्स का बता दूँ फिर मैं इरीज वालों का भी बता देता हूँ ताकि आपको पढ़ना क्या है और बाकी की परसेंटेज कितनी रहने वाली है ठीक है तो ये जो महीना है उस हिसाब से टॉरस वालों को तो सोचों की तब्दीली का महीना माना जा रहा है स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है स्कॉलरशिप मिल मिल सकती है आपको मुल्क से बाहर जाके अगर आप कोई सरमायाकारी करना चाह रहे हो या रहना चाह रहे हो उन लोगों के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त ये महीना होना वाला है कुछ रिश्ते सर्द महरी का शिकार हो जाएंगे जो रिश्ते आपसे जुड़े हैं उनकी फीलिंग्स ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी बिकॉज आप शायद वैसा हंड्रेड दे नहीं रहे हो जिसकी वजह से सामने से भी रिएक्शन बही आना है देखो मोहब्बत में कभी कभी क्या होता है कि जब आप प्यार से किसी से बात करते हो मतलब जाहिर है इश्क के जो सबूत होते हैं उनमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जब भी आप किसी से अच्छे तरीके से बात करते हो वहाँ से रिस्पांस आके बड़ा जबरदस्त आपको मिल जाता है ठीक है तो दुनिया आपको खाती कैसे है जब आप उसे खाने का मौका देते हो या आप कोई हमला करते हो तो अल्लाह ताला आपके लिए दशत वहशत में शराबों की अजियत के सिवा एक मोहब्बत थी मेरे पास रही वो भी नहीं तो जब आपके पास मोहब्बत हो और वो भी ना रहे क्योंकि आपने ऐसा वहशत वाला रास्ता चुना है खुद तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है ठीक है तो आप लोगों से गुजारिश है कि बहुत एहतियात से आपने अपने इन रिश्तों को निभाना है यहाँ पर दो तीन चीज़ें हैं जनाब एक तो नज़र रखनी है आपने अपने फाइनेंस पर बहुत ओवर बजट दिखाई दे रहे हैं ख़र्चा ज़्यादा होता हुआ नज़र आ रहा है पैसा तो आएगा ही आएगा लेकिन आप लोगों को ज़्यादा ख़र्चा से बचने के लिए भी कुछ लाल तैयार करना पड़ेगा किसी मुल्क या शहर अगर आउटिंग के लिए फ़ैमिली के साथ जाना पड़े तो तारीख़ या डे का इंतखब ज़रूर कर लेना टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका वरना ये पूरा महीना अगर आप एक ही जगह पे गुजार सकते हो एक ही शहर में तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा कोई झूठ बोल के आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगा उसका असल चेहरा आपके सामने आ जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस लेना है या फिर कोई बड़ा काम करना है जिससे जुड़ी हुई आपकी ज़िंदगी इसी महीने आपको फ़ायदा हो जाएगा तारीखें हैं दो चार पाँच छ आठ बारह चौदह पंद्रह सत्रह उन्नीस इक्कीस तेईस सत्ताईस अट्ठाईस और तीस ये वो गोल्डन डेट्स हैं जिसमें आप कोई भी कुछ भी करना चाहो तो आप कर सकते हो पहले मैं आपके बारे में बता देता हूँ फिर उसके बाद हम बाकी लोगों के बारे में भी डिटेल दे देंगे तो ये टॉर्स वालों आप लोगों के लिए जो लव परसेंटेज है वो रहने वाली है फोर्टी थ्री परसेंट एंगर थर्टी वन परसेंट रहने वाला है रिलेशनशिप है आप लोगों का सेवेंटी वन मनी फोर्टी वन हेल्थ सेवेंटी थ्री परसेंट आप लोगों के लिए स्पर्शलिटी अलेवन परसेंट रहने वाली है और स्टडी एंड एजुकेशन है फिफ्टी फोर परसेंट यू लक आपका साथ देगी किस्मत साथ देगी 43 थ्री परसेंट टर्स वालों आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है लेकिन आप लोगों को जो तस्बियाँ पढ़नी हैं वो हैं या रहीमो या मोमिनो ये दोनों तस्बियाँ हैं तीन लोगों को खाना खिला दो सूजी या सूजी का हलवा दे सकते हो सदक़े में मीट विद द बोन्स हड्डी वाला गोश्त जानवर ऊपर इंदु को अपने ऊपर से वार के दे सकते हो और कैश भी दे सकते हो कलर ऑफ द मंथ है ब्लैक स्काई ब्लू एंड पर्पल ये तो हो गया आप लोगों के लिए ठीक है मैं दोबारा से एरीज़ वालों की स्लाइड ऑन करता हूँ ताकि उनकी हेल्प बाद में आप कर सकें कि जो एरीज़ वाले हैं उन लोगों के लिए परसेंटेज ऑफ लव है फिफ्टी ये मुझे याद नहीं रहा था इसलिए एंगर थर्टी सेवन परसेंट है um, relationship 76 money 54 health 79 सेवेंटी आप लोगों के लिए um, रूहानियत जो है वो सोलह परसेंट रहने वाली है लेडीज एंड जेंटलमैन स्टडी एंड एजुकेशन फिफ्टी सिक्स परसेंट है और यूँ आपके लिए रूहानियत साथ दे रही है फिफ्टी वन परसेंट और लेडीज वालों के लिए जो तस्बियाँ हैं वो है या सलाम हो या रहमान सदके में आप राइस कुक्ड या अनकुक्ड पके हुए और बग़ैर पके हुए चावल दे सकते हो आटा दे सकते हो पांच मौसमी फल दे सकते हो कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा जितना देना चाहो और कैश भी दे सकते हो कलर ऑफ द मंथ है ग्रीन ग्रे एंड येलो अच्छा एक चीज़ तो अभी मैं जमाना वालों को बताने लगा हूँ लेकिन पहले आप लोगों को ही बता दूँ जो कलर ऑफ द मंथ है वो तो आपको समझ आ ही जाते हैं कुछ चीज़ें हैं जो आपको होती है कि जी ये जो फल हैं हर महीने अगर हमने देना है तो ये हम कैसे देंगे हमें कैसे पता चलेगा इसके लिए तरीका क्या होता है कि जैसे आप कभी अपने लिए फल लेने गए हो तो आप उसमें पांच फल एक्स्ट्रा डलवा सकते हो कम से कम और वो चलते चलते नियत करनी जरूरी नहीं है कि वार के दें आप और नीयत कर लिया आपने कि ये मेरा मेरे बच्चों का फैमिली का सदका है तो ये हमने किसी को दे दिया कोई भी फ़कीर दिखाई देता है भिकारी दिखाई देता फ़क़ीर तो कहीं मिलते नहीं है। आपने उनको दे देना है कि ये सदका है सदका ले लेते हैं हर कोई और बस आपने दे दिया अब ये मत देखा करो कि आपने जिसको दिया है वो खुशहाल है या नहीं है आपने अपनी तरफ से दे दिया कबूल करने वाली मेरे रब की ज़्यादा ज़्यादा थैंक यू टेन पाँच सौ चैट आपने भेजा सलामत रहिए अल्लाह ताला आपके रिस्क में इजाफर करें एंड थैंक यू वेरी मच बहुत शुक्रिया जो अभी आ रहे हैं जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है सेकेंड मैरिज का बताइए आप कर लीजिए शादी मैं क्या बताऊँ सेकेंड मैरिज का सवाल सारा इमाम ने लिखा है तो इमाम आपकी मदद करे <laughs> सेकेंड मैरिज पहली करने के बाद फिर सेकेंड हुई हिम्मत हुई सारा मैंने भी जरा अपना पता दो कैसे देखिए हिम्मत के वो सही तरह से पहले वाले को कहा गोली मार उसने मारी और निशाना चूक गया अब दूसरे वाले को कह रहे पहले वाले से मरी ना सही मारना तुम गोली ले दूसरी शादी कर दस तो दूसरी तीसरी इसी हिसाब में मुझे क्या पता बहन आप कौन हो हम तो थोड़ा तो चीज़ा लेते हैं मजाक करते हैं आपका वैसे मैं सीरियस होके बोल रहा हूँ दूसरी शादी को सोचना भी <laughs> सोचना यहाँ भाई कितने भाई चलो आपको एक मिनट देता हूँ कितने हैं जिसकी दूसरी शादी हुई है और वो सूखी है प्लीज यहाँ लिखना मी 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 मतलब मी लिख दो इसका मतलब कि आप सुखी हैं और जो सुखी नहीं है वो लिख दें एम नॉट सुखी कुछ लिख दो एक मिनट का टाइम दिया अभी देखते हैं कि आप लोगों के पास कितना टाइम है तो हमें पता चल जाएगा ठीक है प्लीज़ लाइक को भी हिट कर दो यार आप लोग देख रहे हो साथ में शुगल मेरा भी चलता रहे रोहू भाई तो बिल्कुल सुखी नहीं उनके आंसू खुशी के निकल आए हैं देख लो और सलाम जी वालेकुम सलाम तो आप लोग जब भी मुस्कुराओ कोशिश किया करो दिल से ऐसा करो क्योंकि डिप्रेशन मूड इतना ज़्यादा चला गया है आ, बड़ा अफसोस हुआ कल एक खबर ने आ, सारा दिन आ, सोशल मीडिया को आ, अपने हिसार में लिए रखा मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं उनके साहबजादे ने ख़ुदी कर ली तो देखो डिप्रेशन है तो सही है मानो वो इलाज चल रहा था उस बेचारे का जाहिर है जब आप इतने ज़्यादा सेंसिटिव या मुख्तलिफ जगहों पर होते हो तो फिर आपको बहुत चेक एंड बैलेंस रखना पड़ता है पेरेंट्स को लेकिन जो लिखा है उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते थे है ना तो प्रॉब्लम क्या है कि जो ये लड़कियां या लड़के कहते हैं ना कि हमें डिप्रेशन है अल्लाह बचाए आपको उस डिप्रेशन से जिसमें आप एक लम्हे में ही फैसला करते हो कि आपको इस दुनिया में नहीं होना चाहिए खुदकशी डेफिनेटली पर मना की है और कहा कि हो सकता है मैं जितना भी कोई बड़े से बड़ा गुनागार हो उसको माफ़ कर दो लेकिन ख़ुदकशी करने वालों को माफ़ नहीं करूँगा क्योंकि उन्होंने मेरी बनाई हुई ज़िंदगी को वापस मुँह आप मुँह पे मार रहे हो ना किसी के लोग हमें नहीं चाहिए तू तो नहीं ख़त्म कर रहा हम कर रहे हैं तो आप लोग किसी एक मर्द के इश्क में या उसकी बेवफाई से या किसी एक औरत के इश्क में या उसकी बेवफाई से या फिर किसी एक बड़े नुकसान से किसी भी किस्म का नुकसान है उससे दिल बर्दाश्त होकर जब आप सुसाइड का सोचते हो तो बस सोचो आपने कर ली आपने कर ली शहर बदलो मुल्क बदलो गांव बदलो कहीं जाके बेयकीनी का सफर शुरू कर दो अपना जीरो स्टार्ट कर दो बट ये वाला स्टेप मत लेना मत दोनों तरफ से मर गए ना यहां से भी गए और वहां से भी गए कोई होप ही नहीं बची तो इसलिए रहम की दुआ मांगा करो परवर देगा रहीम है अब जब आप इबादत शुरू करते हो तो बहुत सारे लोग आजकल ये जुमना बोल रहे हैं आउज़ बिल्ला पढ़ने की क्या ज़रूरत है बिस्मिल्लाह से शुरू किया करो अल्लाह ने जब मेरे परवरदिगार ने कह दिया आउज़ बिल्ला पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि शैतान मरदूत से पना मांगते हो जब भी आप रहमान का कोई काम करने जाओगे तो अल्लाह कहता है वो शैतान बीच में आ रोकेगा चाहे वो खलील इब्राहिम है वो क़ुरबान करने जा रहे हैं ख़्वाब देखने के बाद जनाब इसमा को वहाँ भी रू बदल के आ रहे हैं वह आदम और हव्वा कायनात की पहले इंसान है उनको बहका सकता है तो बाकी आप और हम तो कुछ शै ही नहीं है हम तो बिल्कुल ताहिर ही नहीं है ना ही बाकि हैं तो शैतान के जब हो लोगे तो फिर तो आपकी मदद करेगा वो फिर तो आपको सपोर्ट करेगा फिर आप जो करो गलत भी होगा तो मजीद आपकी गलत काम में भी आपको बचाएगा या अक्सर लोग जो कस्टम से निकल जाते हैं दो नंबर चीजें लेकर आप सोचो कि कैसे कैसे तरीकों से कस्टम वाले उनको पकड़ रहे होते हैं लाहौर में अभी एक महीना पहले कस्टम वालों ने वो एक मियाँ बीवी को पकड़ा जी कौन है जी मियाँ बीवी हैं बिजनेस मैन उन्होंने कहा तुम्हारे घे से नहीं लग रहा तुम बिजनेस मैन हो सामान की तलाशी ली सामान में भी कुछ नहीं है क्या बिजनेस करते हो तो उल्टा सीधा उन्होंने कहा अपना फ़ोन चेक करा तो छियासी दस उन्होंने कहा बिज़नेस मैन है तो छियासी दस फोन रखा हुआ है उन्होंने जब उसके नंबर्स में गए मैसेज वैसे तो तो एक दिन का ख़रीदा हुआ फ़ोन है उन्होंने कहा कुछ इसमें नहीं है नया लिया पुराने की तरह कह नहीं तो बिजनेसमैन वो कहीं से लगे नहीं उनके फ़ोन होलियों से शक हुआ और कितनी दफ़ा वो जा चुके थे लाहौर एयरपोर्ट पे आप पता करोगे तो आपको पता चल जाएगा तो बार बार उनके कपड़े निकाल रहे हैं वो जो नए होते हैं कस्टम वाले उन्होंने कहा सर कुछ है नहीं उनके अफसर ने कहा दिखाओ मुझे और उनके जूते वूते भी उतरवा लिए तो जूते जब अंदर से चेक कर रहे थे तो उनको लगा कि जूता कुछ ज़रूरत से ज़्यादा वज़नी है जॉगर जो है तो जॉगर के जब वो थड़ा उतारा तो अंदर पूरा पाउडर ही पाउडर भरा हुआ था ड्रग्स थी फिर उनके अपने जूते भी उतरवाए तो उनमें भी ड्रग तो कितना उन्होंने सोल वोल करके वो किया हुआ था तो क्या हुआ कि जब पकड़े जाते हैं तो फिर तो आप गए फिर अगली पिछली सारी चीज़ें आपकी निकल आती हैं लेकिन जब तक नहीं पकड़े है ना पूरी दुनिया में यही चल रहा होता है तो अल्लाह ताला की पकड़ ऐसे है कि वो दुनिया वो नज़र आए ना आए जब उसको नज़र आ गया तो फिर वो वहाँ मारता है यहाँ तस्वुर भी नहीं कर सकता है बस दुआ किया करो कि इज़्ज़तों का जनाजा न निकले परवरदिगार अपने सामने जितना चाहे वो जलील करवा लें रुला दे वो नहीं चाहता वो नहीं चाहता है तो इसलिए अवज़ ज़रूर पढ़ लिया करो पहले शैतान मरदूत की पनाह मांगो फिर रहमान तक जबान को पाक करके आना है आपने तो अल्लाह ताली करम करेगा ठीक है चलो आगे चलते हैं भाई मुल्क हालात देखें पर्सनल मीटिंग अफोर्ड नहीं कर भाई तो मैं क्या करूँ मुल्क के हालात देखें मैं कहाँ जाऊँ मेरा तो ये बिजनेस है मैं कोई मतलब कोह नूर थोड़ी बेचता हूँ ठीक है तो आप लोग नहीं अफोर्ड कर सकते तभी तो मैं ये लाइव शो कर रहा हूँ ये उन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं मंथली वीकली यही देखो तो पर्सनल मीटिंग यही है आपकी ठीक है उन लोगों के लिए है जो थोड़ा बहुत डीपली जाके अपना एक डिस्कवर करना चाह रहे हैं तो यहाँ इस तरह के मैसेज ना लिखा करो पूरी दुनिया में जो मवज़्न है ना जो अजान देते हैं बड़ा सब गुनाह है कि जी अल्लाह के कलाम को बेच रहे हैं उनकी भी तनख्वाहें लगी हुई हैं उनके भी बीवी बच्चे होते हैं जब नमाज़ जैसी पाक इबादत के बदले भी आप मुआवजा देते हो पूरी दुनिया में ऑनलाइन कुरान पढ़ाया जाता है वो भी तो मुआवजा लेते हैं अल्लाह का कलाम पढ़ा के आप पैसे लेते हो उनको तो कभी नहीं कहा आप दुकानदारों पे जाते हो सौदा लेने के लिए सब्जियां तो अल्लाह ने उगाई हैं अनाज तो आपको उनको पैसे क्यों देकर आते हो इसलिए कि उनकी मेहनत है मेरे दोस्त डॉक्टर्स जो हैं शिफा अल्लाह किन ने उनको दी हुई है तो वो पढ़े हैं तभी उस मकाम पे आए हैं कि आपसे पैसे लेंगे तो ये खुदा वास्ते इस दुनिया में कुछ भी नहीं है जंग भी बड़ी महंगी हो रही है दुनिया में इसलिए आप फ्री में देख लिया करो तो आपके लिए आसान हो जाएगा ठीक है और आ, बाकी तो हम आपके लिए दुआ गो हैं पूरी दुनिया के लिए फ़ौर ही इतना ब्लैक किसी को पेंट मत कर दिया करो और अपने आप को इतना मजलूम मत साबित कर दिया करो कि अल्लाह ताला आपको देखो स्मार्टफोन दिया हुआ है आप मुझे लाइव देख रहे हो इंटरनेट का पैकेज है घर में बिजली आ रही है शुक्र करो अभी मैं कुछ दिन पहले थर वाली साइड में हम लोगों का शूट चल रहा था हम वहाँ पे गए वहाँ पे घरों में खुदा की कसम बिजलियाँ नहीं थी लाल टैन थी अभी भी कुछ घरों में उनके कपड़े इतने कुछ शदीद किस्म के मैले थे मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कुछ साल डेढ़ साल से वो कपड़े बदले होंगे लगता आप वही के वो पहने होंगे और वो हैप्पी थी उनकी मुस्कुराहट थी तो जब भी कभी कोई तकलीफ हो आप थोड़ा सा अपने नीचे को देख लिया करो शुक्र अल्लाह शुक्र करने वालों और सब्र करने वालों के साथ है। मैं हमेशा दुआ करता हूँ शाकिरीन और साबरीन में से उठाना परवर दिखा ठीक है चलो आगे लेकर चलते हैं और जिन लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम है कि जी बातें ज्यादा नहीं करें क्योंकि बातें ही होती हैं शो में कोशिश करता हूँ कि कम से कम हो लेकिन आप लोगों के फायदे के लिए होता है ठीक है ओके या हम हैप्पी मैसेज पढ़ लिया थैंक यू हाँ जी हाँ जी सर हमने पढ़ लिया जी और ये सब प्रडिक्शन सीनियर सिटीजन पे भी लागू होती है देखो हफीज़ा बानो यहाँ उम्र की कोई कैद नहीं है अगर कोई सिटीजन बिजनेस कर रहा है कारोबार कर रहा है तो जो कारोबार की गुफ्तु है वो डेफिनेटली उस पर लागू होती है लेकिन अगर एक बंदा या बंदी रिटायर हो चुके हैं उन्होंने कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं की वो ऑलरेडी अमेरिका में सेटल हैं या यूके में बैठे हैं तो उनके लिए फिर ट्रैवलिंग बेमानी है उनके लिए हेल्थ वाला पोर्शन अहम है उन लोगों के लिए प्राइवेट मीटिंग ज़रूरी है जो आप लोगों ने मेरे साथ मिल के करनी होती है कि जी हमें ये बताइए कि अब हम लोगों को क्या करना है सही है तो लागू सब पे होता है डिपेंड करता है कि उसमें से किस किस चीज़ की प्यास है आप लोगों पे ये सवालों जवाबों वाला सिलसिला मैं लास्ट में रखूँगा कहीं अगर टाइम हुआ फिलहाल तो देखकर जा रहा हूँ मैं आप लोगों को जमन आए यानी जूजा वाले जो हैं हमारे प्यारे ओके जूजा वालों यहाँ एक चीज़ सबसे पहली आपको ये बता दें कि महीना आप लोगों का महीना है बिकॉज मरकरी एक पावरफुल तरीके से आपकी तरफ आ चुका है आप लोगों को खुशियाँ पैदर पै मिलना शुरू हो जाएंगी इसमें थोड़ा सा डिप्रेशन जो है वो सेकंड वीक में आपको फील होगा कि यार काम मेरे डिले हो रहे हैं लेकिन वो <coughs> माफ़ कीजिएगा वो बड़ा मामूली सा एक टाइम होगा तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है टू से थ्री डेज का एक पैच है जिसमें काम स्लो होते हैं तो आपको लगेगा यार यही तो ज़रूरी टाइम था वो वीकेंड्स की वजह से भी आ, कुछ चीज़ें हो जाती हैं और कुछ जो है जवाल का जो चांद की तारीखें उसमें भी वरना ये दोनों ग्रहण जो हुए हैं आप लोगों की ज़िंदगी को पेंट करके चले गए हैं अल्लाह की तरफ से सबसे पहले अगर फाइनेंस की बात करें तो अट्ठाईस हजार या चार परसेंट फाइनेंस बढ़ेगा आपका जो रुके रकमें आपकी रुकी हैं कहीं से पैसा वैसा आना है वहाँ से आएगा ज़मीन जायदाद अगर बेच रहे हो तो प्रॉफिट वहाँ से भी आ रहा है क्रिप्टो करेंसी या लॉटरीज़ वगैरह में हिस्सा डाला हुआ है तो वहाँ से भी 10.2 परसेंट तक आपको रिटर्न मिल सकता है एक बस ख्याल रखना कि लॉस पे कोई भी चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको ये लग रहा है कि बस अब पानी यहाँ तक आ चुका है हम तो जमन आए हैं और हमें घर बेचना ही बेचना है या कारोबार बेचना है गाड़ी बेचनी क्योंकि आगे हमें ज़रूरी है तो फिर तो लॉस पे भी जा रहा है पैसे की ज़रूरत है तो फिर आप लोग वो गिरवी रखवाओ या कुछ करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन अगर आपके पास बाकी जगहों पर पैसे हैं और आपको मजबूरन बेचना पड़ रहा है यही वाली चीज़ें तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप लॉस वाला कोई भी सौदा करो मुल्क से बाहर ट्रैवल और सेटलमेंट वाले लोग अच्छा ये वो लोग जो ऑलरेडी सेटल हैं उनके लिए नहीं होता जुमला थोड़ा सा अक्ल कभी इस्तेमाल कर लिया करो जो ज़ाहिर है वो सेटल है तो उस वो किस तरह से होगा बाकी दुनिया में टोटल बारह जोडी एक साइन है और सबकी ज़िंदगी एक जैसी नहीं गुजर रही होती उनमें से जो ज़रूरतमंद हैं वही ट्रैवल करेंगे जो भूखे हैं अमीर लोग तो डाइटिंग खुद ही कर रहे होते हैं गरीब लोगों की डाइटिंग कुदरत करवा रही होती है फाकों के ज़रिए तो दोनों में फ़र्क होता है आप लोगों की ज़िंदगी में जो ट्रैवल लिखा है ये इसमें किया जा सकता है अगर कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है लेकिन पॉलिटिक्स जो उस ख़ानदान वाली होती है डर्टी पॉलिटिक्स उसका हिस्सा कहीं ना कहीं बनोगे इसलिए करीबी रिश्तेदारों से रता करते हुए अपनी वो सीक्रेट थिंग्स जो आप शायद बहुत जल्दी बताने में माहिर नहीं हो आप दिल में रखते हो जब तक कि कोई बात ना हो फिर भी आप जल्दी नहीं बताना वरना नुकसान हो सकता टू टाइम मैजिक अलर्ट है एक लास्ट वीक में और एक फ़र्स्ट वीक में फर्स्ट वीक पाँच के बाद होगा पाँच से पहले नहीं है वो भी बुरी नज़र और जादू एक्टिवेशन है वो सिर्फ दो दिन के लिए है ज़ाहिर है पाँच के बाद छः और सात दो दिन हैं और फिर जो लास्ट डेज हैं आपके ट्वेंटी नाइन एंड थर्टी उन दो दिनों में अब वो पूरा वीक उसमें मुतासर हो सकता है आपका अगर वो शुरू की डेज में थोड़ा बहुत असर आपके ऊपर आ रहा है बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी स्कूल में एडमिशन आपको या आपके बच्चों को कॉलेज यूनिवर्सिटी में जहाँ भी आप लेना चाह रहे हो बड़ी आसानी से मिल जाएगा स्कॉलरशिप जोज़ा वाले जितने भी जमनाए वाले हैं उनको मिल रही है कहीं नई जॉब अपॉर्चुनिटी आप लोगों को अल्लाह की तरफ से मिल रही है ये ऑप्शन जो है ये उन तख्लीकी काम करने वालों के लिए है जो आर्टिस्टिक लोग हैं चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट हैं एक्टर हैं पेंटर हैं डायरेक्टर हैं राइटर कुछ भी हैं जो आर्ट से रिलेटेड हैं पॉलिटिशन्स जो हैं उनके लिए भी ये 25 परसेंट तक बेहतर है वो लोग जो बैंक में काम करते हैं या दरस व तदरीस पढ़ाने लिखाने का जो भी छोटे या बड़े पैमाने पे काम करते हैं या फिर सिक्योरिटी एजेंसीज में काम करते हैं उन लोगों के लिए नवंबर का महीना ना भूलने वाला महीना यानी आपकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियों के चराग लगाएगा और जो होप लगा के बैठे हो उसका जवाब बड़ी जल्दी आपको मिलने वाला और बड़ा पॉजिटिव वे में मिलने वाला है ओवर होने से बचने के लिए अलर्ट मरकरी में फिर से इन हुआ है ब्लैक होल यहाँ पर टेगरीज फिफ्टी सेवन ने आपको ये मैसेज दिया है कि ग्रहण खत्म हो चुका है अब ओवरवेट होने के चांसेस सिक्सटी डेज में ज़्यादा बढ़ेंगे इसलिए रिवर्स एक्सरसाइज जितनी भी कर सकूं, मौसम बेटर हो तो एक्सरसाइज ईजी हो जाता है सुानाबाथ या बहुत ज़्यादा ट्रेडमिल इस तरह की चीज़ें जो आपकी कार्डियो का खास तौर पर अहतमाम और जो कैलोरीज बर्न करने वाली चीज़ें हैं उनके इस्तेमाल से डाइट एंड एक्सरसाइज uh, दोनों का कॉम्बो जो है वो आपकी ज़िंदगी को बचा सकता है वरना बड़ी आंत के मसले आपको फ्यूचर में हो सकते हैं एक नई चीज़ रूहानी तौर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं आपके ड्रीम्स ख़्वाबों के जरिए परवरदिगार आपको बहुत सारे ऐसे मैसेज आएगा जो जो आपके सवाल हैं इबादत में अगर थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा डालना शुरू कर दोगे तो वो जो नेगेटिव थॉट्स की एक जंग आपके वजूद में चलती रहती है जो कि ऑपोजिट जेंडर में अपील करने वाली कुछ फीलिंग्स होती हैं लाइक अब मर्द हो तो औरत औरत तो है तो मर्द या जो भी जिसमानी जो ज़रूरत होती है उसका एक्टिव ज़्यादा दूसरे लोगों से ज़्यादा मरकरी वाले फील कर रहे होते हैं इसलिए उखाड़ पछाड़ की जरूरत नहीं है कनेक्शन विद अल्लाह इबादत जब होती है तो वो खुद बहुत बैलेंस हो जाती है और जो जो चीज़ है वो अपने हिसाब से रास्ता इख्तियार करके उस मकाम तक आ जाएगा क्योंकि आपको गैर निसाबी सरगर्मियाँ या लोगों की ज़रूरत नहीं है ऑलरेडी वो डन कर चुके हो सब कुछ अब आपको सिर्फ उसी डायरेक्शन में चलना है जो आपको एनर्जी दे रही है लोग आपको इस्तेमाल करें या आप लोगों को इस्तेमाल करो अब इन दोनों में से किसी एक चीज को चुनना है तो डेफिनेटली आप कहोगे कि लोग आपको इस्तेमाल ना करें हर अकले को यही चाहेगा लेकिन हम ये भी नहीं चाहेंगे कि आप लोगों का इस्तेमाल करो राइट वे का इस्तेमाल करो जो आपको दूर तक पहुंचाए बहुत ज्यादा दोस्तों की महफिलों में बैठने इज टाइम और आपका नाम दोनों खराब हो सकता है कोई भी छोटा या बड़ा टेस्ट अगर देते हो किसी भी कोर्स को करने के लिए तो कामयाबी है मेडिकल टेस्ट भी देते हो तो आप लोगों की सेहत के लिए बहुत अच्छा है इलाज मालजा हो या किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट ये आप लोगों को बहुत फ़ायदा देगी बच्चों की शादियों के सिलसिले में या उनकी एजुकेशन के सिलसिले में या बच्चे थोड़ा स्लो बोलते हैं आपका या स्लो सोचते हैं बेटियाँ बेटे या फिर उनकी ग्रोथ जो है वो वैसी नहीं है तो इस महीने आपको काफ़ी बेहतर हालात मिल सकते हैं इसमें कुछ एक खास नक्श बनाए जाते हैं जो ऑला को पिलाई भी जाते हैं अगर वो बनाना चाहो तो आप प्लीज मुझसे रहा कर लेना मैं आप लोगों को आज दो तीन चीज़ें और भी दिखाने वाला हूं जो मेरी न्यू प्रोडक्ट है वो आप लोगों के पास होना बड़ा जरूरी है तो वो जयमनाए हैं बाकी स्टार्स हैं उनको भी हम बताते हैं अभी थोड़ी देर में ठीक है तो ये वाली जो चीज़ है मोहब्बत का मामला आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग है शादी के लिए परफेक्ट मैच अगर आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी है तो फिर मम्मी को चाय पे बुला लो या अपनी मम्मी को भेज दो ये टाइम आपका बड़ा कीमती है लेकिन अगर आप शादीशुदा हो और आप लोगों की खटाई चल रही है तो इस महीने आपको फाइनल डिसीजन की तरफ आना है वो कुदरती तौर पे आप आ जाएंगे लेकिन फिर भी आपके पास फिफ्टी डेज अभी भी हैं यानी दो महीने का टाइम है जिसमें आप उस झगड़े को कॉम्पैक्ट करके री करना चाहो तो कर सकते हो लेकिन यहाँ ऑलरेडी मरकरी डन डर्न पोजिशन पर है नहीं तकमील के मराइल हो गया वो हो गए पहुँच गए जी बस अब खत्म हो गया सारी चीजों को सरंजाम दे दिया तो आपको जो भी सोच समझ के फैसला करना है वरना स्क्रीन पर लिखा है दर, डॉट कॉम हम आपको मशवरा ज़रूर दे देंगे और नए लोग जहाँ आ रहे हैं वो बड़े मुख्तर टाइम के लिए आपकी ज़िंदगी को हिलाने के लिए आएंगे और रीमैरी करने वालों के लिए भी ऑप्शन यहाँ पे आ, कुछ हैं जो कि सिक्सटी टू परसेंट तक आपको बहुत बेहतर रहेगा अगर आप तलीम के सिलसिले को दोबारा जारी रखना चाहो तो आप लोगों को बड़ा फ़ायदा होने वाला है जुजा वालों ये था आप लोगों का सिलसिला लेकिन कितने परसेंट आप लोगों को अब फायदा होने वाला है और क्या होने वाला है पहले स्क्रीन पे देखो लव होने वाला फिफ्टी सेवन परसेंट एंगर है ट्वेंटी सेवन रिलेशनशिप एटी एट परसेंट मनी है सिक्सटी सेवन <coughs> माफ कीजिएगा हेल्थ एटी नाइन <coughs> रूहानियत अट्ठारह स्टडी एंड एजुकेशन 66. दुआ करो मेरी खांसी नछड़ पड़े वरना शो गया दिल लेने और गुड लक आपकी उनसठ परसेंट है सिक्स, फिफ्टी नाइन और तस्वीरें आपको पढ़नी हैं या खाले को या सलाम ये दो तस्वीरें हैं शुगर जो है सदक़े में दे सकते हो आप चौदह रोटियां दे सकते हो खीर दे सकते हो कैश दे सकते हो ऑरेंज रॉयल ब्लू एंड डी पिंक ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद होने वाली हैं और ये थे जवेनाई वाले और आप जेवनाई के बाद आ रहे हैं कैंसर और कैंसर वालों से पहले हम स्लाइड दिखा देते हैं कि ये वो हैं और ये हूँ मैं राजा हैदर ठीक हो गया जी और यहाँ ये जो हमारा आ, महीना चल रहा है नवंबर का और इसमें आप लोगों को ये बता रहे हैं हम कि नवंबर का महीना बता रहे हैं जो जो अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं उन लोगों को हमने बताया है कि नवंबर का महीना नवंबर का महीना देख लें थैंक यू वेरी मच लेडीज जेंटलमैन आप लोगों ने ये देखा है तो आप लोग साथ, साथ हमसे बात कर सकते हैं और मैं आपको कुछ ख़ास चीज़ें भी आ, दिखा देता हूँ होल्ड रखिएगा जी तो अब आ रहे हैं क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को कैंसर से पहले हम डिस्कस करेंगे लेकिन इससे पहले कि हम डिस्कस करें हमारे साथ कोई और भी मौजूद है मालूम नहीं वो कौन है लेकिन आपको उनके आने से पहले आईडी डी दिखा तो आपने देख लिया कौन है हमारे साथ मैं हेलो फ्रेंड असलम क्या हाल जी सबके ठीक ठाक हैं और दुआगो हैं कि अल्लाह तब सबको अपनी रहमत बरकतों के सहाय में रखे खुश रहें सलामत रहें आबाद रहें अल्लाह सब की जायजा हाजात को पूरा करें मुश्किल को दूर करें जिंदगी में दुख गए थक गए हैं परेशान हाल हो गए तो अल्लाह तला जल्द से जल्द आपकी परेशानियों को आसानियों में तब्दील कर दे और दिल से बहुत सारी दुआएं जी आप भी हमें दुआ में जरूर याद रखा करें जरा सेहत ठीक नहीं है और नज़ला से ज़ुकाम खांसी बुखार चल रहा है और हैदर भी जो अभी बहुत आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे हैं तो गले में बहुत पेन है साथ बुखार भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है मगर क्योंकि फिर आप लोगों का गिला शिकवा शिकायत आ जाती है कि जी आपने अपडेट नहीं दी तो नवंबर आने वाला है तो इसलिए बीमारी की हालत में अगर कोई बैठ के आपके लिए कुछ आसानी कर रहा है तो प्लीज़ से थैंक यू और अप्रिशिएट किया करें सपोर्ट किया करें प्यारा सा एक जुमला एक प्यारी सी बात ज़रूर ज़रूर लिख दिया करें आ, ये फिर हमारे लिए हमारे लिए एनर्जी ड्रिंक का काम करता है ठीक है और अभी जैसे आप तो दिखा रहे थे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़र्स्ट पाकिस्तानी हूँ मेल फीमेल कोई पाकिस्तान में अभी तक ग्रेफलॉजिस्ट नहीं है अभी तक कोई नहीं है जो आपको सिग्नेचर एक्सपर्ट मिलेगा हैंड रइटिंग एक्सपर्ट मिलेगा कोई भी नहीं है मेरे से बाद में आए तो आएंगे मुझसे पहले कोई भी नहीं है तो फ़ायदा उठा लें और ये भी एक इल्म है जैसे बाक़ी बहुत सारे इल्म हैं ये भी है कि आपका सिग्नेचर जो है वो भी आपकी पर्सनैलिटी है आपकी हैंड राइटिंग आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो बताती है और मैं बहुत दफ़ा कहती हूँ कि अगर आपने पता करना है कि आपका बिजनेस पार्टनर कैसा होगा लाइफ पार्टनर कैसा होगा आपकी दोस्त सहेली आपके साथ कैसी है आगे जाके धोखा तो नहीं कोई देगा तो आप उनकी हैंड राइटिंग भेजें दी तस्वीर भेजें और आप उनका जितना भी हाल हवाल है वो आपको बता देंगे और बता देंगे कि ये आगे जाके आपको धोखा देंगे काटेंगे या फिर आपके साथ लॉयल रहेंगे रिश्तों में पार्टनरशिप में वो भी पता चल जाता है और दस्तखत के हवाले से भी आपको गाइड करते हैं आपको कलर्स के हवाले से बताती हूँ कलर थेरेपी के हवाले से बताती हूँ प्लांट्स के हवाले से बताती हूँ घर में नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी क्या है वो आपको बताते हैं आपके बच्चों के हवाले से बहुत कुछ गाइड करती हूँ तो आप मेरे शो को भी ज्वाइन करें जी सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें <laughs> चैनल को अच्छा मैंने कहा अभी एक आई थी वो कह रही थी कि कैंसर के हवाले से बताएं जी लव लाइफ के हवाले से तो आ, अभी जो आपको सर तो बताएंगे लेकिन मैं अगर दो जुमलों में कहूँ तो नवंबर का महीना आपकी लव लाइफ के हवाले से बहुत बहुत अच्छा है दस्तखत दस्तखत दस तक होगी नोक नॉक कोई करेगा तो आप जो है अगर कोई लॉयल है अगर कोई आपके साथ सच्चा है अच्छा है अगर रिश्ता निभाने वाला है और आगे तक रिश्तों को लेके चलने वाला है तो प्लीज प्लीज उस मौके से फायदा जरूर उठाना अगर थोड़ी सी अना है अकड़ है अगर नाराजगी है जिद है कुछ ऐसा है तो आप उसको एक तरफ रख के उन रिश्तों को जरूर आजमा लेना हो सकता है वो आगे जाके आपके लिए अच्छे हों तो लव लाइफ के हवाले से जी बहुत अच्छा बहुत अच्छा सारे लोगों को ये शिकवा था कि जी फेसबुक पे हमारा लाइव शो नहीं जा रहा है मैं फेसबुक पे हमारा लाइव शो भी जा रहा है और उसमें एक बात यह है कि जिन लोगों को बहुत आसानी से आ, हमारी उर्दू समझ नहीं आती स्क्रीन तो स्क्रीन वहां पे हम स्क्रीन पे सब टाइटल चला रहे हैं चल है। कि अगर आपने म्यूट भी किया हुआ है तो आपको उर्दू का पूरे का पूरा वो सिलसिला मिल जाए और कैंसर अपने फैमिली को ये टाइम दें अपने घर वालों के साथ अपने माँ बाप बहन भाइयों के साथ हस्बैंड वाइफ जो भी हैं आपके करीबी रिश्तेदार आप अपनी फैमिली को टाइम दें बहुत अच्छा टाइम है आपका लियो जो है लियो के लिए लियो ने बहुत बहुत मुश्किल वक्त देखा है बहुत सारी बुरी बातें देखी हैं बुरे रिलेशन को बर्दाश्त आपने किया है तो ये आने वाला जो मंथ है आपके लिए बड़ा अच्छा है और वर्गो जो है देखिए एक एक लाइन में बता रही हूँ मैं सबका सब 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 मैं, सब मैं। सब आपकी जगह नहीं ले रही राजा नहीं, नहीं।, नहीं, आप, वर्गो के लिए पैसा बनाने का महीना है नवम्बर का महीना पैसा बनाने का महीना है तो आप फोकस करें जी आप अपने पैसा बनाने के जो मौके आपको मिल रहे हैं आपको जो ऑप्शन मिलेंगे आ, उन पर तोज्जो दें और उन उनपे काम करें और कैंसर जो है कैंसर के हवाले से भी ये कहती हूँ मैं कि जैसे आपकी लव लाइफ के हवाले से है तो आपको अगर जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं हार्ड वर्क नहीं छोड़ना आपने काम करना नहीं छोड़ना आपको अगर आगे बढ़ने के कोई मौके मिल रहे हैं तो उनके लिए जरूर जरूर मेहनत किया करें बैठ ना जाया करें कोई भी स्टार है है ना स्टार के बारे में यही है अगर आप बैठे रहेंगे मेहनत नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे पहले कदम नहीं उठाएंगे तो राजा हैदर चाहे आपको कितना भी अच्छा बताए आपकी लाइफ बेहतर नहीं हो सकती जी जी आपने खुद हिम्मत करनी है ठीक हो गया जी तो बाकी <laughs> वो नहीं मिलेगी कभी शबनम कैप्रिकॉन को कभी लॉयल्टी नहीं मिल सकती वालेकुम जी थैंक यू सो मच आती हूँ थोड़ी देर बाद और आपको कोशिश करूंगी किसी वजीफे के हवाले से कोई और बात आपने को क्वेश्चन करना है तो आप ये हम कर सकते हैं आ, मैं नेक्स्ट जब आऊंगी तो आपको जवाब दे दूंगी ठीक हो क्या जी तो चलें जी चलती हूं ठीक है जी और मैं... जिन लोगों को ये बातें ना पसंद आए प्लीज स्किप करके अपना स्टार सुन लिया करें हु? बुरा कमेंट लिखने की बजाय कोई दुआ दे दें कोई प्यार की बात कर दें कोई अच्छी बात कर दें कुछ तो आपको शो में अच्छा लगता होगा कोई एक अच्छी बात और शेयर भी करें अभी जो लाइव चल रही है ना इसको आप शेयर करें सबको मेरे चैनल पर भी जाए और उधर भी जाके लाइक करके आए द गेम चेंजर सीमी हैदर और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कल मैं एक देख रही थी टिकटॉक पे कोई बंदा बातें कर रहा था बहुत अच्छी बातें कर रहा था कि बहुत ज़्यादा जो है वो फजूल किस्म का कंटेंट अब यूट्यूब पे आने लग गया है या टिकटॉक पे आने लग गया है जहाँ पर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर ही ज़्यादा लोग हैं उन्हीं के सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं जो बैड ऐसे ऐसे बोल रहे होते हैं या गंदा बोल रहे होते हैं या बकवास कर रहे होते हैं उन्हीं के चैनल मैं भी बोलता हूं, गंदा तो, तो क्यों नहीं आए मेरे ज्यादा लोग मैंने बोल दिया गंदा। अच्छे अच्छे कंटेंट वालों के शो को नहीं, नहीं तो देखते तो आ, मैंने कहा मैं वहां जाके लिखू जी अल्हमदल्ला मेरे चैनल पे आओ मैं मोटिवेट करती हूँ मैं गिरोहों को उठाती हूँ कि उठो नहीं हिम्मत करो आप हिम्मत करोगे तो अल्लाह की ये दुनिया हमारे लिए ही बनी है अल्लाह ने नहीं चलानी महलों में अल्लाह ने खुद आके नहीं रहना यह इंसानों के लिए बनाई ये, ये।, ये रुपया पैसा हर चीज इंसान के लिए हाँ मेहनत कितनी इंसान कर रहा है उसके दिल में तलब कितनी है जस्तुजु कितनी है पैशनेट कितना है उस पर डिपेंड करता है तो वो करेंगे तो सब कुछ अल्लाह देगा और जरूर देगा और बाकी दुआएं तो जी हैं आपके साथ तो चले मैं चलती हूँ आती हूँ थोड़ी देर बाद अल्लाह हाफि ओके जी थैंक यू वेरी मच और वो कोई लिख रहे हैं आप लिब्रा का तो बताती जाए हिरा कितनी कुछ सेल्फिश हो यार मतलब बाकी सब कुछ छोड़ के सिर्फ आपको बताएं। क्योंकि चलो आप अगले अगले फेरे पे आके मैं लिब्रा लिब्रा स्कॉर्पियो पे बताना को सजा देना चाहता हूँ स्कॉर्पियो और सैजिटेरियस आपका बताऊंगी ठीक है ओके okay, चलो ओके okay, जी थैंक यू अभी बारी है हमारे सरतान वालों की कैंसर वालों की जिन्होंने अभी तक आ, कुछ पूछना नहीं है लाइफ से कि हमारी लाइफ आगे कैसे गुजरेगी एंड थैंक यू दो इंडिया से चैट आई हैं तजसिया तजसिया बख्शी थैंक यू टू हंड्रेड रुपीज़ आपने का भेजा है शादाब आप, बख्श आपने भी हंड्रेड भेजे एंड थैंक यू वेरी मच अल्लाह ताला आपकी तरक्की करे नौकरी दे बहुत सारी खुशियां दे आपको और आपके लिए आसानियाँ पैदा करे ठीक है थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी बहुत शुक्रिया चलिए अभी आ, जो हमारे आ, प्यारे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं सरतान वाले देखो सरतान वालों के लिए वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशानियों वाला सिलसिला रहा बहुत सारे लोगों को शायद इस चीज़ का इल्म नहीं है कि अभी जो ये चांद ग्रहण हुआ है इसने सरतान वालों के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा की हैं और ये वाद इस वक्त सितारा है वैसे तो इसके साथ सेजिटेरियस जुड़ा है लेकिन ये वाद सितारा है कि जिसने अपना ये वाला साल जो, जो अब ख़त्म होते हुए सिक्सटी डेज रह गए हैं ये पूरे का पूरा इंजॉय करेगा यानी हर तरह से आपको खुशी नसीब होने वाली है ख़ास तौर पर जो नाम के लिए भाग रहे हैं या जो मीडिया शोबिस से जिनका ताल्लुक है जिनका ताल्लुक पॉलिटिक्स से है या वो लोग जो थोड़ा मुल्क से बाहर जाके इंजॉय करना चाह रहे हैं या सेटल होना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त टाइम है तो आप लोग परेशान ना हो तो हमारे प्यारे जितने भी कैंसर स्टार वाले हैं जूडी एक्साइन जिनका है उन लोगों के लिए सबसे पहले फाइनेंशियल जो इश्यूज हैं उसके ऊपर अगर हम रोशनी डालें तो आपके फाइनेंस की परसेंटेज 85 परसेंट को टच करेगी इस पूरे महीने में जो रुकी हुई रकम है वो आपको वापस मिल जाएगी चांद ग्रहण के बाद ज़ाहिर है जो एक सपोर्ट आपको नसीब हुई है वो एक्स्ट्रा मनी जहाँ पर आपको मिल रही है वो नसीब होना शुरू हो जाएगी अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हो क्रिप्टो करेंसी में अगर अगर आप लोग चाह रहे हो गोल्ड में डॉलर में इन्वेस्टमेंट चाह रहे हो या आप स्टॉक मार्केट जो इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट होती है उसमें जा रहे हो तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ट्वेंटी फाइव परसेंट से ज्यादा हिस्सा नहीं डालना है बिकॉज अगर आप इससे ऊपर जाने की कोशिश करोगे तो कोलेप्स हो सकता है सब कुछ आप लोगों का जो एक फाइनेंस का एक सिलसिला बूम की तरफ जा रहा है वो एक जगह रुक जाएगा दूसरों से हट के डेफिनेटली आप नज़र आना शुरू हो जाओगे इस रेस में आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है इसमें बहुत बिजी शेड्यूल आपका दिखाई दे रहा है इस पूरे महीने में चाहे वो फैमिली को टाइम देना है या फिर आउट ऑफ फैमिली आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें आप जाना चाह रहे हो तो आपको अच्छा लगेगा फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये एक पूरा मैप बनाना है अपना लाइफ मैप उस मैप में होगा क्या कि आप लोग तफरी के लिए टोटल सेवन डेज पूरे महीने में आपको रखने होंगे नॉट अ होल मंथ ऑफ नवंबर जस्ट सेवन डेज और अगर आप लोग अपने काम काज के हवाले से करना चाह रहे हो तो टोटल 15 टू 18 मैक्सिमम डेज ये नंबर ऑफ़ डेज है जिसका आपको हिस्सा बनना है इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो और हेल्थ और बाकी की जो आपकी अपनी चाह होती है जिसमें आप अपने आप को बहुत रिलैक्स फील कर सकते हो उन लोगों के लिए भी ये पूरा महीना अच्छा है इसमें थ्री टाइम आपके ऊपर ब्लू मैजिक अटैक हो सकता है सो ब्लू मैजिक अटैक फॉर फाइनेंस स्टॉपिंग के तो तौर पे ब्रेन कंट्रोलिंग के तौर पे लोग ये करते हैं और ये आपको नॉर्मली फूड स्मोक या किसी भी ड्रग के जरिए दिया जाता है वो जिस भी चीज को आप रेगुलर बेसिस पे लेते हो ये कौन देता है क्या करता है इसमें दो तरीके होते हैं एक होता है जो वादी अमल होता है जिनको ये पता है कि रात के इस पहर से इस पहर तक आपने सिगरेट का धुआं लेना है या फिर आपने चाय पानी या कुछ पीना है लोगों को रूटीन का पता होता है कि खाना खा रहे हो कितने बजे तो टू आवर्स का टाइम होता है 120 मिनट जो सातों में आते हैं उसमें ब्लू मैजिक एक्टिवेशन के लिए आप जिस भी बोन पे पढ़ाई करते हो और उसको जलाते हो उसका स्मोक हवा में उछालते हो सो वो बाद यानी हवा के जरिए वो आप इन्हील करते ही करते हो वो मौक़िला के जरिए लिया जाता है तो उस पर या तो आप नंबर वन अटैक होता है ब्रेन कंट्रोल जिसके आपको जो मैसेज पास किया जाए जो कहा जाए वो आप करो चाहे वो ड्रीम्स के ज़रिए शैतानी ख्वा का एक सिलसिला हो जो बड़ा शुगर कोटेड होता है कि अच्छे खाब दिखाए जाते हैं बड़े रूहानी तौर पर आपको लगेगा या अल्लाह की तरफ से खाब है वो रहमानी नहीं होते शैतानी होते हैं बिकॉज डिस्ट्रैक्शन ऑन करने के लिए डिस्ट्रैक्शन मोड ऑन करने के लिए और दूसरा होता है आपके फाइनेंस का गलत जगह पर इस्तेमाल या फिर आपके रिलेशनशिप में कोई फूट ड जाना किसी एक छोटी सी बात पे बहस होना और रिश्ते का ख़त्म हो जाना इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल इसी तरह होता है और एक तो ये तरीका है और दूसरा है आपको कोई चीज़ दे फिजिकली ये लेंजी सिगरेट पीनी आप ये खा लें जी कुछ ऐसा कर लें तो कोशिश करना कि ये जो अच्छा ये किन किन तारीखों में ज़्यादा होने के चांसेस हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए ये है दो तारीख़ में पहले तारीख वो लास्ट वाली अलग बताऊँगा लेकिन किस किस पर ख़तरा है दो सात ग्यारह चौदह इक्कीस सत्ताईस और तीस ये वो तारीखें हैं कि जिसमें हंड्रेड परसेंट अगर कोई चीज़ आपको दे रहा है तो ये आप कहीं कैलेंडर पे या अपने नोट्स में मेमोज़ में कहीं भी डाल दो ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए अच्छा ये याद रखना कि मुझसे बाहर जाने वाले जो फर्स्ट टाइमर हैं सेकेंड टाइमर वीज़ा नहीं लग रहा है उन लोगों का वीज़ा बड़ी आसानी से हो जाएगा आप लोगों के काम के मामलात जो हैं वो आगे बढ़ेंगे मुल्क से बाहर जाके सेटल होना जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लेना शादी के लिए जा रहे हो तो हर चीज़ खैर वाफियत से हो जाना ये कैंसर वाले के लिए ये फर्स्ट टाइम है नहीं करेगा रिलेशनशिप में, में आग लगाएंगे आपकी तख्लीकारी जो है उसको रोकेंगे सो आप लोग रुकने वाले नहीं हो अगर आप टेक्नोलॉजी का कोई काम करते हो इंजीनियर हो आईटी स्पेशलिस्ट हो आप कोई साइंटिस्ट हो डॉक्टर हो टीचर हो या फिर एक्टर सिंगर या डायरेक्टर हो या फिर आप पॉलिटिशियन हो आप लोगों की पांचों उंगलियां घी में होने वाली हैं क्योंकि ये नवंबर दिसंबर दोनों जुड़ चुके हैं ये सिक्सटी डेज आपकी ज़िंदगी में जो रूहानी हल्के होते हैं उसमें आपको एक बड़ा सुकून मिलने वाला है आप जाहिर है वो वैसे इबादत गुजार अगर नहीं भी हो ना वो जो पांच वक्त वाले या जुमा जुमा या वो वाले तब भी आपको बहुत ज़्यादा फैज़ मिलने वाला है तो आप थोड़ा सा कनेक्शन अल्लाह के साथ अगर स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो मेरे हिसाब से आपको बड़े फ़ायदे होने वाले हैं मेडिकल अगर कोई टेस्ट करवाना चाहो कोई रिपोर्ट लेना चाहो अगर आप अंडर कंट्रोल जा रहे हो तो थोड़ा बहुत वेट को ऊपर ले जा सकते हो लेकिन कंट्रोल करने के लिए हाईलाइट यहाँ दिया गया है कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को फ़ायदा देना शुरू कर देंगी जैसे कि मकान की तब्दीली फ़ायदे में जाएगी किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी को तब्दील करना इदारे को तब्दील करना फायदा देगा जहाँ आप मुलाजमत पेशा अफराद हैं वहाँ पर आपको एक मौका मिलेगा पेपर की हद तक या जबानी कलामी कि आप अपना बिजनेस या अपनी इन्वेस्टमेंट से भी कोई काम शुरू कर सकते हो जिसके लिए मुबारक आ रहा है कि जल्द अज जल्द उसको फाइनलाइज पोजिशन पर डालना होगा मजीद डिले किया तो आपके वो पैसे वैसे हर चीज़ अपनी जगह पर रुक जाएगी कोई भी सौदा करने से पहले आप डे का इंतखा कर लीजिएगा कि इस दिन आपको सेल करना है या नहीं करना है तो जितने भी हमारे कैंसेरियर हैं वो रेडी हो जाए क्योंकि आपके लिए गोल्डन महीना आने वाला है लव ये है एक मेन सवाल कि हमारा लव कैसा रहने वाला है जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है जिनकी शादियां हो चुकी हैं उन लोगों को बहुत एहतियात करनी होगी क्योंकि यहाँ पे 16 तारीख के बाद रिलेशनशिप ख़त्म होता लड़ाई झगड़े का उरूज होता किसी भी एक दूसरी पार्टी की वजह से ये सब कुछ ख़त्म हो सकता है तो आपको एहतियात करनी और जो नहीं है किसी मतलब शादीशुदा ज़िंदगी में नहीं है एड्डा कोई लकी है कैन <laughs> जो <laughs> अभी तक शादीशुदा नहीं मुझे उन लक्की लोगों को देखना है ना प्लीज मम्मी <laughs> तो प्लीज़ मुझे अपनी अपनी शक्ल दिखा दीजिए और जो नहीं है वो भी लकी नहीं रहेंगे क्योंकि आप लोगों के पास आउट ऑफ फैमिली कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो एक खुशखबरी और एक अच्छे रिश्ते में बनते हुए आप दिखाई दे रहे हो तो सरतान वालों आप लोग लकी हो क्योंकि इस महीने में आप लोगों के लिए लव परसेंटेज और बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं लव फोटी है आप देख सकते हो एंगल थर्टी एट है आप लोगों के लिए रिलेशनशिप सेवेंटी टू परसेंट है मनी फोर्टी वन हेल्थ एटी वन स्परिशुअलिटी थर्टीन स्टडी एंड एजुकेशन सिक्सटी टू परसेंट और लक आपका साथ दे रही है फोर्टी नाइन परसेंट जो कि बहुत अच्छा होता है बट आप लोगों को पढ़ना क्या है जो इस चीज़ से आप निकला हो तस्बियाँ हैं आपकी या जब्बार हो या गफ्फ़ार हो ये दोनों तस्बियाँ हैं आपकी ये पढ़नी है आपने और खुला दूध या पैकेट वाला दूध जो है वो सदके में हसब तोफीक जितना देना चाहो दे सकते हो कम से कम चार लोगों को खाना खिला सकते हो दाल मसूर अनकुकड हालत में हसब तोफ़ीक दे सकते हो और कैश भी दे सकते हो कलर ऑफ द मंथ है वाइट येलो एंड सी ग्रीन जब ये पहनोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारी बहुत सारी दुआएं किसी के साथ हैं और रब भारी है हमारे शेरों को सिंह राशि यानी असद वाले जितने भी हैं वो हो जाएं तैयार लेकिन उससे पहले हम आपको आ ये बता दें फिर से जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है कि आप है हमारे साथ नवंबर के महीने में कि नवंबर का महीना कैसा गुजरने वाला है ठीक है और मैं कुछ चीजें आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा जैसे मैंने पहले कहा कि ऑलरेडी बहुत सारी चीजें जब आप मेरे पास आते हो तो हम आपको दे रहे होते नवंबर दिसंबर जो महीना है ये कनेक्ट कर रहा है दो के साथ इसमें ज़्यादातर आपने देखा होगा सुना होगा कि मुख्तलिफ चैनल्स पर भी लोग शायद ये बता रहे हैं कि जो अभी वो हम भी अपने लिए एक अलग से प्रोग्राम करेंगे कि जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं जादू है जो वो वोज पे होगा 98 डेज यानी 100 डेज थे अभी 98 डेज रह गए हैं उसमें उरूज पे होने वाला है सो यू हैव नाइनटी एट डेज के जिसमें आपको अपना हिसार एक खास सूरत में कराना है नाता हिसार बंदी ये डिफरेंट है अगर आप चाहते हो कि अनलॉक हो जाए आपकी तकदीर की वो चीज़ें लाइक आप शादी के लिए कुछ करवाना चाह रहे हो कि आपको अच्छा रिश्ता मिल जाए और नाहस जो सूरत हाल है जादू वादू वो चीज़ें खत्म हो जाए और बूस्ट करो तो मकलात ने जो हिसार किया होता है घर का उसको किस तरीके से ख़त्म करोगे अगर आप फाइनेंस के लिए चाहो के फाइनेंस हमारा बहुत ज़्यादा हो जाए रोजगार के तरीके बढ़ जाए, तो गैप से तरीके बनेंगे और आप खुद हैरान होंगे कि रिस्क बढ़ना कैसे शुरू हो गया उसके लिए भी कुछ चीज़ें हैं इसी तरह आपका ट्रैवल है टूर है और एक है ओवरऑल लाइफ को बूस्ट करने के लिए इसके लिए नॉर्मली स्मॉल बी का वैक्स इस्तेमाल होता है जो छोटी मक्खी का जो शहद है उसकी कैंडल्स पूरी दुनिया में आप कहीं से भी ले लेते हो एक होती बड़ी मक्खी का शहद की मक्खी का जो वैक्स होता वो नहीं जो स्मॉल बी वैक्स होता वो लेने के बाद उसमें आपके उस काम से रिलेटेड स्टोन्स ऐड किए जाते हैं जो कि स्पेशली राजा हैदर जो कंपनी है राजा हैदर प्रोडक्शन वो ऐड करती है फिर उसके बीच में कुछ खास सीक्रेटली वो इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं जो मार्केट में कोई और नहीं करता वो होता है फार हिसार बंदी वो स्परिचुअली होता है जिसमें कुरान और मुख्तलि चीज़ों को एक लिक्विड फॉर्म में आप करते हो और उसमें उस बैग्स उस के साथ मिक्स करते हो असल कीमत होती है उसकी सो so, हमारे पास इस वक्त फोर डिफरेंट टाइप की जो कैंडल्स हैं वो आपको मिल रही हैं वो जब चाहो आप लोग मंगवा सकते हो स्पेशली जो पाकिस्तान में लोग बैठे हों उन लोगों को बहुत मुश्किल होती है उन लोगों के लिए है जो बरतानिया में या यूरोप में है उन लोगों के लिए बड़ी आसानी से है जो अमेरिका में है कैनेडा में है लेकिन फिलहाल हम पाकिस्तान एंड यू के एंड यू ए ए के लोगों के लिए ये सहूलत दे रहे हैं कि आप लोग विद द स्टोन क्योंकि वो आपने जलानी है कब कब जलानी है उसकी डिटेल विद द हिसारबंदी मिल जाएगी मेरे पास इस वक्त एक अब ये ख़ास जार है इसके ऊपर पूरा डिटेल uh, में मेंशन भी होता है वो आपको मिल जाएगा इसके अंदर रोज़ यानी जो फूल है और ऊद की खुशबू के साथ इसको मिक्स किया गया है जब आप इसका ढक्कन ओपन करते हैं मैं आपको करीब थोड़ा दूसरा कैमरा टू ऑन करके दिखाता हूं ताकि आप लोगों के लिए थोड़ी आसानी हो जाए ये जो आप देख रहे हो इसके बीच में आ, वाइट बहुत सारा शायद आपको फील हो लेकिन स्टोन्स अगर आपको पिंक कलर के थोड़े से दिखाई दे रहे हैं क्योंकि लाइट थोड़ी ज़्यादा है लेकिन नजर आएगा फोर डिफरेंट स्टोन हैं जो रोज़ क्वार्ट्स हैं ओरिजिनल पत्थर हैं जो बड़े हैं और इसमें एक लकड़ी है जो कि संधल की लकड़ी है इसको जलाना है ये नॉर्मली कपड़ा नहीं है और इसको खोलते ही आपको जलाए बगैर ही आपको खुशबू आना शुरू हो जाती सो एक बहुत बड़ा जार है जो आप इस्तेमाल करते हो तो आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चाहे वो शादी ब्याह के मसले हैं या बाकी हैं वो हल हो जाते हैं दूसरा एक पार्ट है जो हमारे पास है वो डिफरेंट पर्पल कलर का है जिसके बीच में द माइंड आइज ये जो बातनी आंख होती है उसको ओपन करने के लिए है ये स्पिरिचुअली हीलिंग के लिए है अगर आप अल्लाह के साथ कनेक्ट करते हो आपकी दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही को मैजिक बहुत ज्यादा है तो ये उस चीज को क्लीन करता है और इसके बीच में जो स्टोन्स हैं अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो ये संग सुलेमानी और मुख्तलिफ पत्थर हैं ये फोर बड़े स्टोन्स विथ वही लकड़ी संदल की जिसको आप जलाते हो ये असल चीज़ इसका होना नहीं है असल चीज़ है कि इसके ऊपर जब आपके नाम की हिसार या पढ़ाई होती है तो वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है और न, न, लास्ट पे हमारे पास एक और है लेकिन ये क्योंकि हायर पावर के लिए होती है ये मैं हमेशा सेलेक्ट करता हूँ इसमें मैंने पूरी डिटेल ऐड कर दी है और इसकी खूबसूरती ये है कि इसके अंदर आ, जो नॉर्मली स्टार डस्ट होती है वो ओरिजिनल स्टार डस्ट के साथ ये ग्लीटर आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत ज़्यादा और ब्लू स्टोन्स विद संदल वुड के साथ है इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी है और जितनी भी कैंडल्स हैं ये आप लोगों क्योंकि ये मुझे मुझे मेरी फेवरेट सारी हैं वैसे लेकिन ये दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगती है लाइक इसके बीच में ये जितने भी कलर आपको दिखाई दे रहे हैं ब्लैक और वो मिक्स गोल्डन ये है वो चीजें जो आप अगर लेना चाहो तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी कांच है है थोड़ा सा बड़ा इसको पैक करके दिया जाता है। इसके साथ और बहुत सारी चीजें आपको छोटी छोटी मिलती हैं जो हिसार के साथ हम देते हैं सो अगर आप लोग लेना चाहो तो स्क्रीन पर लिखा है दवराजा हैदर एट हॉटमेल डॉट कॉम आप लोग ले सकते हो उसकी मालूम हमारे जो पीए हैं साहब वो आपको पूरा दे देंगे तो ये थोड़ा सा ऐड क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जी हमारे बारे में थोड़ा हमें इन चीजों के बारे में बता दें तो बाकी भी आपको चीजों का बताते रहेंगे और बाद में आप मुझे ईमेल कीजिएगा जिससे भी पूछना है पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी सबसे पहले असद वालों आप लोगों को यह पता होना चाहिए यहां जो इस वक्त की कहानी चल रही है आप लोगों की जिंदगी में आ, बहुत सारे लोगों को शायद ये इल्म नहीं है कि आप लोगों के पास एक खास टाइमिंग के बाद कुछ बड़ी तब्दीली आने वाली है कुछ लोग हैं जिनको ये पता नहीं है कि जी हमारी लाइफ कैसे चेंज होने वाली है उन लोगों को मैं ये बताता चलूं कि जितने भी हमारे आ, आ, असद वाले हैं नवंबर का महीना उनको टोटली अपनी ग्रिप में लेने वाला है ये पहली बार है कि असद वाले कुछ भी प्लान कर रहे हैं और वो हंड्रेड परसेंट सक्सेसफुल हो रहा है फर्ज करें आप ने कोई एक सफर का सोचा है मकान की तब्दीली का सोचा है कहीं पे इन्वेस्टमेंट का सोचा है औलाद के लिए किसी अच्छे रिश्ते का सोचा है और आप थोड़ी सी एफर्ट करोगे थोड़ी सी मतलब कि 100 परसेंट नहीं सिर्फ जस्ट 5 परसेंट एफर्ट करोगे तो बाकी 95 परसेंट आपके सामने प्लेट में सजा हुआ आ जाएगा ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है असद वालों आप लोगों के लिए ज़िंदगी में ये वाला पोर्शन ज़ाहिर है अभी नवंबर में ही नसीब होने वाला है जहाँ अच्छी चीज़ें हैं वहाँ थोड़ी बहुत बुरी हैं क्योंकि जो बहुत करीबी लोग हैं वो जैलसी या मैजिक की वजह से आपकी ज़िंदगी को तेरह दिन के लिए हेल्प भी कर सकते हैं लेकिन उसका हल ये होता है कि जो तस्बीहात हम बताते हैं वो आप पढ़ लोगे तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी यहाँ पे इस चीज़ का जहन में रखना बड़ा ज़रूरी है कि कोई भी काम करने से पहले यानी फाइनलाइज पोजीशन पे जाने से पहले आपने उसके पत्ते खोलने नहीं है यानी वो किसी से डिस्कस नहीं करना कभी ये होता है कि जैसे आप एक ही फैमिली में रह रहे हो जॉइंट फैमिली सिस्टम है कुछ भी है और आप बात कर देते हो आपकी नीयत तो साफ़ है ना कि हम ये करने वाले हैं सामने वाले अरे वाह बहुत अच्छा है भाई जान या बात जी जो भी कोई होता तो लेकिन वो रिएक्शन आपको बड़ा ख़तरनाक उसका मिलता है आपको नहीं पता कि आपने किसके आगे क्या कह दिया इसलिए दीवारों के कान नहीं होते कुछ लोग जो नेगेटिव आपके ऊपर जादू टोना कर रहे होते हैं उनके मौकेलात भी वो सुनते हैं एक चीज याद रखना है कि जो जिन्नात हैं वो लैंग्वेज रीड नहीं कर सकते हैं अक्सर आपने देखा होगा कि को मुर्शद जो पहले होते थे तो वो कहते थे अगर आप मियाँ बीवी ने को बात करनी है तो आप लिख के एक दूसरे से बात करें यानी अब तो खैर पहले जमाने में लिख के करते थे अब चैट पे बात करें यानी चैट के ऊपर को मैसेज लिख के आप उसको मियाँ को सेंड कर दें और उसको बताएं और वो ये नहीं ऑडियो में नहीं जाना चाहिए लिख के वो लिख के वो रीड नहीं कर सकते वहां एरर आ जाता है अगर आप लोग बिलीवर हो और मुसलसल कोई इबादत कर रहे हो या तस्वीर पढ़ रहे हो तो वो ऑलमोस्ट वहाँ पे एरर आता है जैसे इवन लैंग्वेज आप नहीं पढ़ पाओगे अगर हम मायन कल्चर की कोई लैंग्वेज आपके सामने ले आए आप कहोगे नहीं है लेकिन अगर वो कुछ एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो किसी न किसी हवाले से टूटे बूटे लफ्जों में आप समझ जरूर जाओगे उनके एक्सप्रेशन से वो कहना क्या चाह रहे हैं इसलिए बहुत एहतियात करनी है बे औलाद लोगों के लिए महीना बहुत मजेदार है यानी पूरे महीने में बहुत सारे दिन है जिसमें आप कंसीव कर लोगे हेल्थ आपकी जहां अच्छी हो रही है वहां पर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको आपकी स्किन का आपके हेयर्स का और आपके अंदर की एक फीलिंग्स का जो भी बीमारियां या कमियां रही हैं वो खत्म हो जाएंगी फाइनेंस के लिए आपके तीन डिफरेंट सोर्सेज ओपन हैं आप अगर बीसी जो कमेटी विमेटी डालते हैं आ, या कि जो भी जो बोलते हो आप लोग वो डालते उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है इनामी इस्कू कोई फ़ायदा नहीं दिखाई दे रहा है इसलिए डोंट विस यू मनी और दूसरी चीज़ आप लोगों ने अगर लैंड एंड प्रॉपर्टी अपार्टमेंट या किसी और गोल्ड वग़ैरह में इन्वेस्ट किया तो उसका भी आपको थर्टी एट परसेंट रिज़ल्ट बड़ा अच्छा मिल सकता है सवारी के ऊपर पैसा मज़ीद नहीं लगाना है इस महीने में अगर आपको बहुत अशद ज़रूरत है तब लगा सकते हो यानी अगर गाड़ी कोई अपग्रेड करनी है तो इस महीने नहीं करना है मकान की तब्दीली आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी मकान का साइज छोटा है या बड़ा इससे फर्क नहीं पड़ता है जो ही आप प्लानट को तब्दील करने के लिए यानी एक अच्छी जगह पर मूव करने के लिए जो ही मूव करोगे तो आपके सितारे और जल तरंग के साथ एक्टिव होंगे और उसमें न सिर्फ जिस्मानी तथहर होगी यानी पाकिजगी का आपको एहसास होना शुरू हो जाएगा आपके अंदर की पावर भी जाग जाएंगी आप कहोगे कि हाँ यहाँ पे दो चीजें एक है दिखलावा और एक है आपकी अंदर की सेटिसफेक्शन दुनिया को अगर दिखाना है कि हम कोई भी एक गाड़ी ले रहे हैं हम एक सेल ले रहे हैं हम एक घर ले रहे हैं या कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो उसमें आपको जो परसेंटेज सक्सेस का दिखाई दे रहा है वह सोलह है और अगर आप अपनी इनर सेटिस्फेक्शन के लिए ले रहे हैं तो सेवेंटी है फर्क देख लो दुनिया को दिखाना है या खुद को दिखाना है खुद के लिए बहुत बड़ी परसेंटेज फाइनेंस की भी मिलेगी अल्लाह की तरफ से भी सपोर्ट मिलेगी एक और चीज़ आप लोगों को हम क्लियर करते जाएं कि ऑपरेशन या इलाज मुआवजे के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है वीज़ा इमिग्रेशन आप लोगों का बहुत आसानी से लग जाएगा और आपको खुशखबरी भी मिल जाएगी आप हैरान हो गए कि यार ये हमारे लिए कैसे हो गया सारे का सारा कर्ज बैंक से लेना चाहो तो ले सकते हो लेकिन अगर कोई मांगे तो दे नहीं सकते हो आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी एक बात और जो लोग सरकारी मुलाजमत चाहते हैं उन लोगों को एफर्ट नहीं करनी चाहिए इस महीने एक्स्ट्रा एफर्ट पर जाने की जरूरत नहीं है हाथ पांव मारेंगे तो वो आपकी वो जो मायूसी है वो डिप्रेशन में बदल जाएगी क्योंकि इस महीने चांसेस कम है वो ऑलरेडी जिन लोगों ने भारी रकमों का इंतजाम किया हुआ है अंडर द दे टेबल देने का उनके लिए नहीं है जो जायज़ तरीके से आगे जाना चाह रहे हैं उन लोगों को हम बताएंगे बहुत सारे आपको मौके मिल रहे हैं लोगों से मेल मुलाकात पार्टीज आना जाना ये सारा बस इसमें नजर बद वाला जो एक सिलसिला है वो बहुत हाईलाइट हो रहा है जब भी जब जाएँ ये कलर ऑफ द मंथ जो मैं बता रहा हूँ ये पहन के आपको जाना है या वीकली जो भी आप चीज़ें पहनते हो आ, उसका इस्तेमाल भी आप लोगों के लिए बड़ा जरूरी है डेज जो हैं आप लोगों के लिए लकी वो हैं वन टू फोर फाइव सेवन नाइन अलेवन ट्वेल्थ थर्टीन फोटीन सेवनटीन नाइनटीन ट्वेंटी टू ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी नाइन एंड थर्टी ये वो तारीखें हैं जो आपकी पूरी लाइफ की गेम को बदल देंगे और वंडरफुल एक्सपीरियंस होगा आप लोगों को अब हम बताते हैं जो हमारे आ, प्यारे असद वाले हैं कि परसेंटेज ऑफ लव रहने वाला है फिफ्टी थ्री परसेंट एंगर रहने वाला है थर्टी टू परसेंट रिलेशनशिप सेवेंटी नाइन मनी है फोर्टी सिक्स परसेंट हेल्थ 86 परसेंट रहने वाली है आप लोगों की रूहानियत स्पिरिचुअलिटी एटीन परसेंट स्टडी एंड एजुकेशन सिक्सटी सेवन परसेंट और आप लोगों के लिए लक रहेगी फिफ्टी थ्री परसेंट तस्वीर जो पढ़नी है आप लोगों को वो स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं या रऊफ हो या समी हो ये दोनों अल्लाह ताला के इसमाय मुबारक हैं जरूर पढ़ने हैं आपने सदके में आटा दे सकते हो रेड किडनी बीन्स दे सकते हो स्वीट्स टॉफियां चॉकलेट मिठाइया कुछ भी दे सकते हो एंड कैश भी दे सकते हो ब्लैक रेड एंड ब्लू ये कलर ऑफ़ द मंथ है आप लोगों के लिए ये पहनोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारी बहुत सारी दुआएं आप लोगों के साथ है लेडीज जेंटमैन और असद के बाद कन्या राशि वर्गो सुमला वालों की बारी है जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे होंगे इस वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पे आ, किसी और का यहाँ को मैसेज हो साथ साथ हम एक एक मिनट के लिए देखते हैं और जितने लोग अभी आए प्लीज़ आप लोगों से गुजारिश है कि लाइक को हिट कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए चैट uh, uh, करने वालों से गुजारिश है कि आज सुबह चैट बिल्कुल नहीं हो रही है प्लीज़ डू सुपर चैट मंथली हॉर्स्कोप आप देख रहे हो तो अपनी जो भी डोनेशन हैं वो दें uh, यासिर गुजर कह रहे हैं सर यूर ग्रेट मैन यासिर गुजर साहब ग्रेट आप देखो जो किसी की तारीफ करता है ना आजकल के इस दौर में जहां नफसा नफसी का आलम है लोग कहते हैं रोजे हशर नफसा नफसी का आलम होगा क्या तो हूँ ना 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 ये है वो दौर ये रोज़े हशर से भी ज़्यादा बदतर है जिसमें सिर्फ तुझको पर आई क्या पड़ी अपनी नबेड़ बेड़ तो आप किसी के लिए कोई अच्छा कलाम करते हैं तो ये आपके ख़ानदान के खून के, के सुच्चा होने का सबूत होता है कि आप किसी को वो दे रहे हो आप किसी को प्यार से सलाम करते हो या किसी को कहते हो आप बहुत अच्छे हैं तो बड़ा अजीब लगता है दूसरों को कि यार ये आजकल के दौर में ये हवा में शमा जलाने की कोशिश कौन कर रहा है तो आप हो अच्छे थैंक यू वेरी मच इस मोहब्बत के लिए और आप जितने प्यार से लिखते हो जितने भी लोग हैं ही नूर हीरा नूर अच्छा हीरा नूर थैंक यू वेरी मच एंड मैं कहता हूँ नाम के ऑपोजिट मत चला करो जैसा आपका नाम होता है ना लड़कियाँ आफ्ताफ़ता नहाती नहीं है, तो आई डी पे नाम देखो तो लिखा होगा महक <laughs> खुशबू बंदा <laughs> पूछे कब ना आई थी मुझे याद नहीं शायद जनवरी <laughs> एडियो से अंदाजा हो जाएगा कि मैं एक लास्ट टाइम कब ना आई थी अच्छा यहाँ जो मैं कह ना ये उनकी बात नहीं हो रही यहाँ मेरी बहन जो भी कोई होगी ये उनकी बात हो रही है जो हमारा शो नहीं देखते हैं पापा की परियाँ ठीक <laughs> है और लिबरा लव सब सब जो भी है जी जितनी डिटेल मेरे पास होती है मैं ज़रूर बताता हूँ और आप लोग कोशिश किया करो कि जितना भी मैं बता रहा होता हूं उसका हिस्सा आप दूसरों के साथ शेयर जरूर किया करें अगर आपके बाकी स्टार्स वाले आपका साथ देते हैं क्या कहा साथ निभाएगा मोहब्बत में मेरा देख इस वक्त तो जज्बात में आया हुआ है तो जो लोग जज्बात में आए हुए होते हैं ना वो साथ निभाने का वादा करें तो बोल दो कि प्लीज ऐसा मत करो वो एक बहुत अच्छी लाइन थी तेरी कोई दुआ न रद्द होगी तो वजह पूछी महबूब ने कि तुमने इतनी बड़ी लाइन बोली है क्यों कहा कि तेरी कोई दुआ रद्द होगी तो जवाब आया तेरे तो हाथ इतने प्यारे हैं कि जिनके हाथ प्यारे हों उनकी दुआएं रद्द होती ही नहीं मेरी थी फिर, <laughs> <मात्ती मारी> है मेरी मत्ती मारी गई तो आप लोग साथ साथ कभी कभी अपने पास्ट पे नजर जब डालते हो ना तो बड़ा अच्छा लगता है लेकिन कभी कभी अपने किरदार की वो खामियां जो आपको उस वक्त नहीं करनी चाहिए थी वो, वो एक साथ से मेरी वैसी मुख्तर चिटचाट जहाज में हुई मैं आपका बड़ा फैन हूँ आपकी शायरी की वजह से मैं पूरा प्रोग्राम देखता हूँ स्टार्स तो चले हैं ही हैं लेकिन मुझे और कुछ नहीं चाहिए होता वो पोट्री मेरे मुझे हर बार बड़ा लगता है लेकिन मैं सारी सबकी देखता हूँ पोइट्री अपनी नहीं सबकी आगे आगे करके देखता हूँ तो मैंने कहा आप आपको पसंद है शायरी उन्होंने कहा हाँ पसंद है मैंने कहा फिर तो ज़ाहिर है शायरी करते हो तो मोहब्बत मोहब्बत भी की होगी उन्होंने कहा जी हाँ मोहब्बत होगी मैंने कहा अंजाम क्या हुआ तो बहुत दुखी हो कहा सर शादी <laughs> दिल में कहा बड़ा जीव आदमी है मोहब्बत का अंजाम शादी पर इतना दुखी अच्छा ये भी वो दुनिया का सच्चा <laughs> और मुखलिस आदमी है जिसको दुखी मिला तो कहने लगा जी पहले मेरा बड़ा मोहब्बत वाला एक मौसम नकवी साहब का शेर था कि मुद्दतों बाद उसे पाके उस रात मुद्दतों बाद उसे पाकर उस रात इतना रोया था कि सोचूं तो हंसी आती है कभी कभी आप जो बहुत ज्यादा रो हो धो रहे होते हो ना तो एक मकाम आता है कि जब आप सोचते हो तो आपको हंसी आ रही होती है यार ये हमारे साथ हुआ क्या है वो भी गिनता नहीं जख्म देते हुए सच्चे इश्क की पहचान वो भी गिनता नहीं जख्म देते हुए मैं भी कमज़ोर हूँ रियाजी में तो जिनसे आप इश्क करते हैं वो तकलीफ भी दे रहे होते हैं तो आप गिनते नहीं हो वरना को मारे शोर गिनता है आज कल की मोहब्बत है तो भैया ऐसे थैंक यू थैंक यू अली जी आ, आपकी इस मोहब्बत का बहुत शुक्रिया फिफ्टी क्या से डॉलर आपने भेजे एंड सलाम सलामत रहिए आपकी ज़िंदगी दराज हो अल्लाह कभी किसी कमीने का मोहताज ना करे और अल्लाह आपके रिस्क में इजाफ़ा करे आपको हर बीमारी और आफत से बचाए और सबसे ऊँचा नाम हो एंड थैंक यू वेरी मच एंड मोर सुपर चैट का हमें इंतज़ार रहेगा और थैंक यू वेरी मच साथ साथ हम लोग गपशप लगाते रहेंगे और मेरी आप, पहले अगर आप मेरे शोज़ देखते थे तो बड़ा चटचैट गपशाप कॉमेडी सेगमेंट भी शायरी सेगमेंट भी अभी सिर्फ खा गए हो आप मुझे दिमाग की तरह खुदा की कसम आप लोगों के पास टाइम नहीं और मैं आदत से मजबूर हूँ आपको खुश करने के लिए लेकिन आगे चल के मैं भी डीट हो जाऊँगा आपकी तरह मुझे भी वही करना है जैसे मैं खुश रहता हूँ तो मेरी खुशी मेरी है आपकी खुशी आपकी है अब आप उसमें से चुनोगे अपनी खुशी आगे आगे करके और मैं पूरे शो अपनी खुशी के लिए करूँगा ठीक है चलो लेकर चल रहा हूँ आपको आम, जितने हमारे वर्गों वाले हैं वर्गों वालों के लिए ख़ास एक तो प्यार दूसरी चीज़ क्योंकि नवंबर का महीना आप लोगों को दो ग्रहण जो सूरज जो चांद ग्रहण हुआ है उसके बाद एक मकाम सुकून जो आता हुआ है ये आपको कल से अंदाज़ा हो जाएगा आपके जो नॉर्मल बैट स्टार्स जो मरकरी को खाए जा रहे थे दीमक की तरह वो अब कमस कम से कम थर्टी डेज के लिए आपके करीब नहीं आएंगे ये याद रखना कि ये शुरू के जो दो वीक्स हैं टू वीक्स हैं इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा रूहानी तौर पे होने वाला है वो लोग जो ख़ास तौर पे मराकबा करने वाले हैं जो रब को पुकार रहे हैं जिनकी दुआएं कबूल नहीं हो रही उनको इन टू वीक्स में बहुत बड़ी अचीवमेंट मिलने वाली है आप दूसरों से हट के अगर कुछ करना चाह रहे हो तो ये पूरा महीना आपका है आप लोगों की जॉब अपॉरचुनिटी या बिज़नेस कम्यूनिटी के लोगों की अगर हम बात करें तो नॉर्मल मंथ में मैक्स थर्टी तक फ़ायदा फाइनेंस की ग्रो जो भी हुई है वो नज़र आई है लेकिन इस महीने 75.2 सबसे हाईएस्ट नंबर अगर वर्गों वालों को मैं दूंगा तो आप ही को बारह जो डी में मिल रहा है और ये ट्विस्टी नहीं है मतलब ऐसा नहीं है कि आज है और कल नहीं है ये 30 डेज तक एक पूरा सर्कल होना है सो आपको मनपसंद चीज़ों को सेल करना उससे प्रॉफिट ख़रीदना उससे प्रॉफिट कहीं से अगर कोई इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ कर रहे हो तो उसमें भी प्रॉफ़िट दिखाई दे रहा है वर्गो वालों से एक गुज़ारिश है क्योंकि अपना जो प्रोफाइल है उसको लो रखना पड़ेगा बुरी नज़र आपकी हेल्थ को अटैक करेगी ऑलरेडी आपने देखा कि जो चांद ग्रहण हुआ उसके बाद से बहुत सारे वर्गो वाले लमलेट हुए लेकिन यहाँ आपको वो बैड आई बुरी नज़र जो लगेगी उसके लिए आपको अपनी हिसार बंदी करवानी है नहीं करवाई तो आपके लिए ज़रूरी हो जाएगी वो लाइफ टाइम के लिए इसलिए ज़रूरी है कि बार बार आप अगर हंड्रेड परसेंट अपना दे रहे हो और फिर ज़ीरो पे हो तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई फ़ायदा हो रहा है आप अपनी एनर्जी के लिए पहले शैतानी वो डोर्स को लॉक करोगे फिर भागोगे जितनी देर में वो डोर खुलेगा तब तक आप बहुत दूर जा चुके होगे यही एक तरीका है इस दुनिया में जंग जीतने का वरना ऐसा होता कि अल्लाह हो अकबर कहने वालों को तलवार उठाने की ज़रूरत नहीं है तो ना जंग बदर होती ना जंग खैबर होती है ना तो कहीं कहीं जहाँ उठाने का हुक्म है वहाँ उठाना है आपने यहाँ लोग आपके मुखालफी की एक लंबी कतार जो दिखाई दे रही है उसमें से 50 परसेंट लोग साइड भी हो जाएंगे और जो बाकी लोग हैं वो आपके हामियों में शामिल हो जाएंगे तो ये भी अल्लाह की एक बड़ी ब्लेसिंग है, बुरी नजर एक अलग चीज है कि जो करीबी लोग हैं, उनको भी तकलीफ हो रही है। हेल्थ के लिए 77 परसेंट तक आपको अलर्ट रहने की भी पेशेंट गोई हुई है और ये हुई है 21 से लेके 28 नवंबर तक के बीच में आपको हेल्थ का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। ये वो पोर्शन है जिसमें आप अपने आप को हल्का नहीं ले सकते हैं डाइट डाइट प्ला, प्लान शेड्यूल वेट रिड्यूस ये सारी चीज़ें अब आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गई हैं देखो एक तो ये याद रखना कि नवंबर के महीने में तीन बड़ी खुशखबरियाँ आपको मिल रही हैं आपकी जात से रिलेटेड लव कर रहे हो लव मैरिज होने के चांसेस बहुत हो जाएंगे वो लोग जो गैर शादीशुदा हैं उनको अपनी डेस्टिनेशन उनको मंजिल मिल जाएगी उनको लगेगा कि भाई हमारी ज़िंदगी ये कंप्लीट हो गई है जो सफ़र करना चाह रहे हैं किसी एक मकाम पर जाके हमेशा के लिए सेटल होना चाह रहे हैं वो उसको छू के आ जाएंगे छू के चले मतलब छू के आ जाने का मतलब कि हाँ जी हमने देख लिया ये प्रॉपर्टी या ये जगह हमारी है उस जगह को कोई ले नहीं पाएगा और तीसरी चीज़ है आप लोगों की रूहानी जैसे मैंने इब्तदा में बताया उसमें एक मकाम मुर्शदों वाला मकाम अगर अल्लाह ताला आपको देना शुरू कर दे तो बहुत बेहतर है बहन भाइयों के साथ तल्लक बहुत स्ट्रॉग हो जाएंगे आप लोगों के शरीफ के शरीक सफ़र के साथ स्ट्रॉग तल्लक़ के बिना पे आप लोगों के बहुत ज़्यादा मसाइल हल होते हुए नज़र आ रहे हैं बस ये याद रखना कि बहुत सारे जो हेल्थ ईशूज़ हैं उसमें डिले में नहीं जा सकते आप अगर आपको डॉक्टर से मिलना है आपको ऑपरेशन करवाना है आपको सर्जरी बूटॉक्स कुछ भी करवाना है तो वो ये महीना आप लोगों को आजमाई से नहीं गुजारेगा बहुत ज्यादा फायदा देगा तो आप लोगों को जल्द अज जल्द इस चीज को निपटाना है दूसरी चीज़ कि आपकी पर्सनालिटी में कुछ मुतासर कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो मीडिया सोशल मीडिया के लोग हैं जो पॉलिटिक्स में हैं जो साइंस और आर्ट से रिलेटेड लोग हैं उन लोगों को बहुत फायदे होंगे उन लोगों के नए कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे आप लोगों का नाम जो है वो हवा में ऊंचा होता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन जाहिर है एक होता है ना कि यार हमें किक नहीं मिल रही हमारी लाइफ का होगा क्या तो ये समझ लो नवम्बर किक देने के लिए आ रहा है ये है तो सेकेंड लास्ट मंथ पर आप लोगों के लिए दो हजार चौबीस तक यादगार रहने वाला है क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे इवेंट या बातें होनी हैं जो आपको हमेशा याद रहेंगी होता है ना जिंदगी में जी हमारी बर्थडे है हमारी शादी की तारीख है हमारी औलाद पैदा हुई थी हमें पहली जॉब मिली थी इसी तरह ये नवंबर भी आपको सदियों याद रहने वाला है कुछ लोगों के ट्रू फेसेस आपके सामने आ जाएंगे कुछ रिलेशन जो हैं वो ज़मीन में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं लेकिन फ़र्क आपको नहीं पड़ेगा ये याद रखना क्योंकि जो लोग आपको छोड़ के लाइफ से जाने की कोशिश करेंगे आपको अलग करने की कोशिश करें अगर आप किसी जगह एम्प्लॉय हैं जॉब कर रहे हैं और आपको हटा के आपकी जगह लेना चाहेंगे फ़ायदा उनको कुछ भी नहीं होने वाला आप ही फायदे में रहने वाले इसलिए दिल को छोटा नहीं करना घरेलू माहौल में जो रही है वो आप ख़त्म हो जाएगी बैरूनी आपके रहेंगे और हो सकता है छोटे और बड़े सफर के लिए अचानक कहीं जाना आना पड़े जिससे आपको माली तौर पर बड़ा फायदा हो सकता है ये याद रखना कारोबारी लोगों को जितने भी लोग ऑनलाइन स्टॉक मार्केट

सबर करना होगा और रिलेशनशिप एटी नाइन मनी सिक्सटी एट हेल्थ एटी वन स्पिरिचुअलिटी नाइनटीन स्टडी एंड एजुकेशन सिक्सटी वन परसेंट लक है आपकी सिक्सटी थ्री परसेंट जो कि बहुत ज़बरदस्त रहने वाली है वर् आप लोगों के लिए जो तस्बियाँ हैं या गनी हो या नाफे हो ये दोनों तस्बियाँ हैं आटा सदके में दे सकते हो दाल मूंग दे सकते हो खजूर दे, दे सकते हो कैश दे सकते हो लाइट ब्लू ब्राउन एंड ब्लैक ये तीन कलर हैं जो कलर ऑफ द मंथ है जो आप पहनोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए वो थैंक यू वेरी मच बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए एंड वेलकम कहते हैं द ग्रेटर पीपल ऑन अर्थ द बैलेंस पीपल ऑन अर्थ लिब्राई यानी कि मीज़ान वाले लेकिन हम यहाँ पहले देखते हैं कि आप लोगों की कोई सहूचत आए या नहीं कोई भी नहीं आए है और अच्छा जी आपने लिखा है सर या जिम्मे से कैसे बात हो सकती है अगर आप हमारा शो टिक के नहीं देखती या नहीं देखते तो आपको फिर कोई पता नहीं है स्क्रीन पे लिखा हुआ है ईमेल द राजा हैदर एट हॉटमेल डॉट कॉम आई एम राजा हैदर द के साथ द यूनाइटेड स्टेट हो सकता है तो द राजा हैदर नहीं हो सकता सो दैट्स वाई आई एम द राजा हैदर एट हॉटमेल डॉट कॉम ई मेल करो आपको मेरे पी ए का नंबर दिया जाएगा फ़ोन पे मीटिंग होगी पे करोगे एंड दैट्स इट और क्या है जी ये हमारी टीम लिख तो रही है आपको शाइस्त जी महविश भट रोह भाई ये आ, आगे आगे हैं आज और ये आपको पूरी डिटेल दिए जा रहे हैं ठीक है और दोनों दोनों चैनल्स पे आपको जवाब मिल रहे हैं दूसरा द गेम चेंजर मैम का चैनल है उस पर भी जाके आप सवाल जवाब पूछ सकते हैं आपको मिलेगा ओके जी और कौन कौन है हमारे पास सवाल जवाब वाला सिलसिला आखिर रखेंगे आ, नो डेट डेट ऑफ ऑफ बर्थ बर्थ ना करें क्योंकि फ्री फंड में कुछ भी नहीं बताने वाले हैं वो अक्सर होता है तारीख के असल में आप लोग पता है क्या सूट करते हो रिकॉर्डेड शो जैसे बाकी जितने भी हमारे ज्योतिष हैं पूरी दुनिया के वो रिकॉर्ड करते हैं बाईस बाईस हज़ार रीटेक्स के बाद एक छोटा सा शो निकलता है और वो मार्केट में फेंकते हैं और उनके थ्री हंड्रेड 500 फाइव हंड्रेड के देखने वाले भी लोग होते हैं वो ठीक रहते हैं तो ना, कुछ ना कोई सवाल पूछे ना कोई साड़ी ज़ात बचाड़ें जितने सारे होन गए अन्य हैं हम यहाँ वाहिद एक बंदा हूँ मैं पूरे वर्ल्ड में जो लाइव स्ट्रॉलोजी के चार चार घंटे आपको देता है और बजाय मोहब्बत से कुछ लिखने के आप लोग डेट ऑफ बर्थ लिख रहे होते हो कि चलो ये भी अंडे ऐसी ना को ले पकवा ली नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड मेरे दोस्त असर जादू से कैसे फाइट करें फाइट नहीं की जाती उसको क्लीन किया जाता है उससे हिसार पना मांगी जाती है ना अल्लाह ताला जैसे फरमाते हैं कि मुझे गंडों पे पड़ पड़ के फूँक लें वाली से बचा कैसे बचना है उसके लिए हिसार है क्लिनजिंग है रिमूविंग है वो होता है और बाकी अगर आप पे असर नहीं है जादू का तो आप बस दुआ किया करें चार कुल जैसे आप पढ़ते हो नादे अली पढ़ो हयातुल कुर्सी पढ़ो फूंक दिया करो हिसार कर दिया करो और नहीं है तो आप मुझसे रबता कर लो हिसार बंदी के लिए कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं दे देता हूँ वो लेटेस्ट गैजेट्स की सूरत में होती हैं वो फ़ायदा होता है ताहिर अफजल साहब ने हमें भेजे हैं फिफ्टी पाउंड सदक़ा फॉर द मंथ मी एंड माई फ़ैमिली सर जी ताहिर अफज़ल साहब द ग्रेट ग्रेटन परसन, पर्सनैलिटी हैं जी और ये बड़े कम टाइम में अचानक ही कोई आपके करीब होते हैं और जब भी मैं यूके मौजूद होता हूँ ये हमेशा से एक भाई की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं और कहते हैं जी एयरपोर्ट पे तो आप हो नहीं सकते हो और ये बहुत दूर व्हील से आते हैं मुझे पिक करने के लिए और कहते हैं अब हम आपके साथ हैं कुछ लोगों को परवर दिगार चुनता है आपकी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए और ये कोई फारिग आदमी तो है नहीं बहुत बिजी हैं और अगर आप लोगों को यूज़ में कोई मर्सडीज़ चाहिए होती है सिर्फ मर्सिडीज चाहे वो कोई भी है कार में है तो ताहिर साहब एक बेहतरीन चॉइस है आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और आप बरतानिया में कहीं भी हैं गाड़ी आपके डोर तक पहुँच जाएगी सस्ती में सस्ती में समझ सम, सम, समझ रहे हो ना बहुत महंगी भी नहीं होगी मार्केट से बहुत सस्ते में सिर्फ मर्सिडीज को डील करते हैं भाई हमारे और अल्लाह इनके रिस्क में इजाफ़ा करें और बहुत ही अच्छे इंसान हैं शरीफ इंसान हैं और ये वाहिद आदमी है जो शरीफ बंदा से बाकी बंदों की मैं गारंटी नहीं लेता ओके और इनकी जो बेगम साहिबा हैं उनके हाथ के हमने पराठे खाए नाश्ता वो करते हैं और माशाल्लाह गर्मी इनका यूके में आप जाओ तो मतलब दरवाजे जो बड़ो तिकार ख़त्म ज़्यादातर तो लोगों के ऐसे होते हैं वो गाँव वाले कहते हैं सोटियाँ तो बढ़िया ज़मीन ने कहता झूठ ना बोल तू मंजी तले पैर रखे तो तेरी टोटे खत्म ते ये वायद है कि जिनके घर को मैंने देख के कहा सर आपके घर में शूटिंग और ड्रामेंगी तो दो हजार लोग भी आए वो खप जाएंगे इतना माशा से आ, बड़ा घर है और हर बंदे को एक एक बड़ा बड़ा बेडरूम दिया होता तो बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच सत्कार आपकी भलाओं को खा जाते हैं आप जितनी भी कोई एफ़र्ट कर रहे होते हैं परवरदिगार उसकी ज़िम्मेदारी ले रहा होता है और सदका होता है अजब तोफ़ीक जो भी आप थोड़ा सा देते हो तो कई बार आप ये सुन भी चुके हो कि नबी करीम सरसलम के पास एक शख्स आया उसने कहा कि मेरे वालिद साहब फोत हो गए हैं तो हम चाहते हैं उनका सदका करें तो गोदाम में ले गए आप अपने हाथ से लोगों को दें और बोरियों की बोरियों खजूरों की खजूरें और दुनिया की नायाब खजूरें थीं वाल साहब के फोत होने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला सुबह से खड़े हुए रात हो गई वो खजूरें ना ख़त्म हुई और आखिर पे ख़त्म हो गई सारी और आखिर पर एक मरी हुई बुझी हुई खजूर कोने में पड़ी हुई थी तो सरकार ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हारा बाप अपनी ज़िंदगी में वो जो खजूर है जो रह गई है वो अपनी ज़िंदगी में अपने हाथ से सित के दिल से ये सदका कर जाता तो जितनी ये तुमने अंबार दिए हैं ना उनसे वो अफजल थी अब आप समझ रहे हो कि अपनी ज़िंदगी में अपने हाथ से दे जाओ बाद में चालीस चालीस कुरान ख़त्म हो रहे हैं और आपकी पसंदीदा डिशेस मस्जिदों में बांटी जा रही हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं और मुर्दे को नहीं मिलती है इस साले सवाब के लिए आप जितनी भी एफर्ट कर लो सिवाय औलाद के वो जो आपकी जितनी भी नमाज़ें जो आपने नहीं पढ़ी होती हैं वो पीछे औलाद पढ़ रही होती हैं वो उसका फ़ायदा भी बड़ा कम है फ़ायदा उसी का है जो आप लेकर गए हो अपने साथ बाकी तो अल्लाह कबूल करे ना करे ठीक है तो अल्लाह आपके लिए आसानी करे जी और यहाँ माला जी माशा मेरे ख़्याल से कोई आए ना आए कहते हैं जिस वक्त माला इस दुनिया में आए तो पी पी बजा देनी चाहिए माला आपने हमारी आंखों में दिया यह नाला ये आंसू ये दुख ये कोई आणदा टाइम है साढ़े सित जानता टाइम है <laughs> अगर मैं उधर होता मेरे बस में होता ना ऐसे जो भी हमारी टीम मेंबर ऐसे पकड़ के ऐसे उल्टा करके हैंग कर देता थोड़ी देर के लिए यूट्यूब पे और वो जैसे इमोजीज होते हैं डिफरेंट आ रहे होते हैं इमोजी बना के थोड़ी देर के लिए उल्टा हैंग कर देता तो बहुत ज़रूरी था <laughs> उसको छुट्टी ना मिली इसने सबक याद नहीं किया है ना चलो आ, अब बारी है हमारे पास उन लोगों की जो लिब्रा वाले हैं जो प्यारे आ, असद वाले हैं और असद वालों आप लोगों के लिए इस महीने में दो चीजें बड़ी अहम होने वाली है सबसे पहले आप लोगों के फाइनेंस या हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों की अगर हम बात करें जो हमारी बहनें हैं जिनको हारमोन्स 27 परसेंट तक अपडेट पोजीशन पे नहीं रहे हैं वो ज़ाहिर है स्ट्रेस लेवल के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई थी स्ट्रेस लेवल की वजह से आपके मंथली सर्कल हैं हारमोन्स हैं या हार्ट बीट हैं वो, वो उस विधम में नहीं चल रही होती है इसी वजह से परवर दिगार ने इस नवम्बर को इन किया है चांद ग्रहण के बाद हर चीज़ बैलेंस खुद ब खुद होगी आप ख़ुद हैरान हो कि हमारी हेल्थ को क्या हुआ सबसे बड़ी अचीवमेंट इस महीने की है जान है तो जहान है दूसरी चीज़ कि आप लोग अगर कोई भी इलाज मालजा करवा रहे हो बड़े से बड़ा ऑपरेशन है ख़ुदा न खास तहार करनी है तो अगर आप करवा रहे हो तो आपके लिए आसानी होगी आपको कोई लॉन्ग नहीं जाएगा घर की बुनियाद अगर रखने वाले हो निकाह करने वाले हो मंगनी करने वाले हो तो तूल नहीं पकड़ेगा कि यार ये लटक गया आप हम क्या करें ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगी हमारी ज़िंदगी ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है ये नहीं फायदे में रहोगे ख़ास तौर पर जो स्टूडेंट्स हैं जो लोग एजुकेशन हासिल कर रहे हैं और वो चाहते हैं मुल्क से बाहर या मुल्क के अंदर किसी जगह आपको स्कॉलरशिप मिल जाए उनके लिए बड़ी आसानी दिखाई दे रही है आप लोग किसी भी जगह पे जाके झंडे गाड़ सकते हो नेम एंड फेम की जंग में जितने भी लिब्रा वाले हैं वो इस महीने भी सबसे अव्वल आने वाले हैं आप लोग अपने नाम की लाज रखते हुए दूसरों को बीट करते हुए उस मकाम पे जाओगे जहां दूसरों को टाइम लगता है पहुंचते पहुंचते ये याद रखना कि आप लोगों को एक मैप बनाना पड़ेगा अपने आप को डिस्कवर करने वाला मैप आप ऑलरेडी जानते हो कि आप क्या हो इस बार जो होना है वो दूसरों से हटके होना है बिकॉज अब ये नवंबर और फिर दिसंबर ये दो महीने आपके 2024 शुरू हो चुका समझ लो यहाँ से आप आपने जो भी शेड्यूल बनाना है प्लान बनाना है कि नेक्स्ट ईयर हम ये करेंगे वो इसी महीने आपने कंट्रोल करके करना होगा जो बहुत ज़रूरी होगा ये याद रखना कि ये बार बार मौके नहीं मिलेंगे एक ही जैसे रूटीन में चलते रहोगे तो कोई टेक ओवर कर जाएगा और नए लोगों की तादाद बड़ी लाइन में जुड़ के बैठी है कि कहाँ आप कोई छोटी सी मिस्टेक करें और आपको चबा जाए क्योंकि जैसे आप नए थे उसी तरह बहुत सारे लोग इसी फील्ड में बैठे हैं जिस भी जगह पे आप हो सोर्स ऑफ इनकम का बहुत घपला रहा पिछले कई महीनों में कि आप एफर्ट तो कर रहे हो लेकिन जाहिर है अर्निंग वैसी नहीं हो रही इस पूरे नवंबर के महीने में आपको बहुत सारे फ़ायदे दिखाई दे रहे हैं सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा डेफिनेटली आपके इर्द गिर्द से भी आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा अगर आप ज़मीन जायदाद वाले हो कोई सेल एंड बाय कर रहे हो गोल्ड कर रहे हो या डॉलर वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर की है या करने वाले हो उसमें भी आपको फ़ायदा होने वाला है सबसे अहम चीज़ है दूसरा हिस्सा इस महीने का जो है वो है आपका लव एंड रिलेशनशिप लव अगर आप है तो ठीक है नहीं है तो रिलेशनशिप की अगर बात करते हैं कि जिनकी शादियां नहीं हुई उन लोगों के लिए आउट ऑफ फैमिली से दो मज़बूत रिश्ते आते हुए दिखाई दे रहे हैं डिपेंड करता है कि आपको मुकम्मल जहां मिल जाएगा कि नहीं है क्योंकि इस दुनिया में शरीफ आदमी और डायनासोर दोनों ही नहीं मिलते हैं तो आपको कम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि यार ये ठीक है मेरी ज़िंदगी अच्छी होगी और जो रिस्क लेंगे वो ऑलमोस्ट अच्छा होगा मैच करवाना ज़रूरी है ज़रूरी नहीं है कि आपने बस ज़ाहरी चीज़ें देखी कि रिश्ता अच्छा है बाहर है या जॉब अच्छी है या शक्ल अच्छी है बहुत सारी चीज़ों में शक्ल मैटर करती है कि आप कहते हो यार हर चीज़ के बगैर रह सकते हैं शक्ल अच्छी होना ज़रूरी है बहुत सारी चीज़ों में आपको जहानत चाहिए होती है एक अंदाजे के मुताबिक जो बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई हैं उसमें यह कहा जाता है कि शक्ल हमेशा औरत की देखी जाती है जो अच्छी हो और जहानत हमेशा मर्द की देखी जाती मैं हमेशा इस चीज़ के अख्तलाफ में रहा कि औरत का हक नहीं बनता एक हैंडसम या एक खूबसूरत आदमी या जिनसे वो शादी करने जा रहे हैं वो आंख खुले तो उसका अच्छा चेहरा उनके सामने हो और उनको लगे कि वाह ये मेरा है इस टाइप का जैसे मर्द ये चाहता है गुड़िया जैसी हो उसके चांद जैसी हो दूध जैसी धुली उसकी आँखें हिर पता नहीं हिरनी नहीं इंसान वाली कोई चीज़ी <laughs> हिरन जैसी आंखें हो और चाल भी सुराहीदार गर्दनों पर

नादान दोस्त से या महबूब से तो यहाँ फैसला करते हुए आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा कि आपकी कमज़ोरी क्या है आप सिर्फ डुल न जाना कि हाय इसके तो टिकटॉक पे दो मिलियन फॉलोअर हाय मेरी जान है ना वो टिकटॉक वाले फिर छिक पट के रखो उस्ताद जी <laughs> जैसे बस मैं में कंडक्टर चढ़ता है ना आखिर में जितनी भी बस भरी हो वो अपनी जगह खुद ही बना लेता <laughs> वो टिक टॉक है अपनी जगह ऐसे ही आपकी जिंदगी में बनाएगा चेक कर रखो उस्ताद जी तो जरा आप सोच समझ के फैसला करना होगा आपको जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड काम करने वाले आईटी स्पेशलिस्ट हैं जितने भी इंजीनियर हैं आ, जो जमीन जायदाद की टेक्निकल डिपार्टमेंट में काम करते हैं जो सीक्रेट एजेंसीज में हैं जो पॉलिटिशियंस हैं और ख़ास तौर पे जो मॉडल्स एक्टर्स सिंगर्स या फ़नून लतीफा के जिस किसी फील्ड में हैं उन लोगों को परवर देगा एक ख़ास ट्रैक पे लगा देगा कि यहाँ से अब आपने अगर इधर उधर होना है तो आप मारे जाओगे कोशिश करो कि अपना स्परिचुअल पावर अपना मुरशद है तब नहीं है तब परवरदिगार पे भरोसा करो कहीं ना कहीं वो आपको आप जैसा कोई शख्स मर्दुजन मिला देगा जो आपकी रहनुमाई करेगा वो आप उसमें बहुत ज्यादा सक्सेस रेट देखोगे वरना आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी तो आप अपनी लाइफ को कुछ बेहतर बनाना चाह रहे हो तो प्लीज अपने ट्रैक से हटना मत थोड़ा स्पिरिचुअली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो खुद से शनासा हो जाओ ना बहुत सारे लोग कहते हैं लिब्रा वाले खुद पसंदी का शिकार होते हैं उनको अपने अलावा किसी और की सूरत अच्छी नहीं लगती उनको अपने टैलेंट के अलावा ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है ऐसा बिल्कुल नहीं है वो दूसरों को सपोर्ट करने वाले होते हैं वो दूसरों को रोटी खिलाने वाले लोग होते हैं वो दूसरों के लिए जिंदा होते हैं ऑलमोस्ट अगर ये देखा जाए लेकिन इस दुनिया में कौन है भाई पागल है हंड्रेड परसेंट पागल है फर्ज करो उसको झटके लगते हैं बिजली के कि पागल है जब खाने का टाइम आता है भूख तो लगती है ना पागल को भी तो कहां डालता है कान में नाक में वो मुंह में ही डालेगा यानी पागल को भी पता है कि इस नवाले की जगह मुंह है तो जो नॉर्मल लोग हैं अकल वाले है, वो ये बात करेंगे जी, ये तो सिर्फ इनको अपनी पड़ी हर एक को अपनी पड़ी होती है हर बंदा अपने सर्वाइवल मोड के लिए ऑन है तो किसी एक स्टार को आप ये नहीं टैग लगा सकते कि जी वो ही ऐसे होते हैं ऐसे नहीं होते हैं जिंदा रहना सबका हक है ठीक है ये जरा ज्यादा सेंसिटिव होते हैं इनकी दुश्मनी क्यों होती है नॉर्मली वालों की बिकॉज़ मुंह पे शायद बोलना नहीं चाहते लेकिन इनके अल्फाज ऐसे होते हैं कि दूसरा कहता अच्छा so शरीफ़ फ्लेवर मिक्स के साथ थोड़े कड़वी गोली होती है लेकिन इलाज पूरा करते हैं समझ रहे हो तो इसीलिए बड़े फ्यू पीपल इनकी जिंदगी में रहते हैं आप, आप उस हसास मकाम से निकल गए हो जहाँ पे चीदा चीदा लोग आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं हेल्थ आपकी इम्प्रूव हो रही है जो औलाद की तरफ से सक्सेस के सारे रिकॉर्ड हैं चाहे वो एजुकेशन के हैं चाहे रिश्तों के हैं वो आपकी तरफ़ आ रहा है अगर आप बे औलाद हो तो कंसीव आप कर रहे हो नवंबर के महीने में और अगर आप गैर शादीशुदा हो तो फिर आप अपनी पसंद के हिसाब से किसी एक शख्स को चुनने के बाद मैच करवाना ये याद रखना कि आपकी ज़िंदगी में जो अभी भी पूरे दो साल लिखे हैं उसमें गलत मैच को आपने अगर दावत दी फिर ज़ाहरी तौर पर आपने देखा ये है ये है ये सब चीज़ें सही है कर लो शादी और कुछ ही दिनों के बाद आप कहोगे ये हो गई गलती अगर हमने इस पहलू पे भी गौर किया होता ये है वो सदमे वाली चीज़ जिसका आपने हिसाब लगवाना ही लगवाना है खुद ही अकल कुल नहीं बन जाना है जितने भी आ, लोग डरे हुए चल रहे थे हादसाती तौर तो पे कुछ हो जाएगा फ़ला बहुत सारे इधर उधर के ज्योतिष जो आपको ख़बरें बता रहे होते हैं उसमें कोई हादसा नहीं है ख़ुदा न खास्ता कोई एक्स्ट्रा केयर करने वाली चीज़ नहीं है कि आप डर डर के घर से निकलें बहुत आपको पता है वो कहीं भी हों आपका पीछा करते हुए आपसे टकराती ज़रूर है लेकिन कहीं कहीं होता है कि एड़ियाँ आप बड़ी एहतियात से रख रह रहे होते हो तो ओ, ये ना हो जाए ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ तब्दीलियों का सिलसिला है आपके जो साइंस में तो आप चाहे एड़ियाँ पटक के चलो या स्लो रखो कवायद जवाब जो हैं उसमें तब्दीलियाँ अल्लाह ताला खुद ही लेकर आएगा आपका करियर आपका रोमांस आपका लव लाइफ आपके जितने भी रिलेशन है वो काबिल जिक्र है इस पूरे महीने में इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है एंड मसरूफ़ है ये पूरा महीना खानदानी मसाइल हल हो रहे हैं किसी चीज़ में ज़बरदस्ती की घुसने की कोशिश मत कीजिएगा वरना आप ही मुद्दा बन जाओगे कि ये सारी खराबियाँ इसकी वजह से वही लो, लोगों की तवज्जो आप पे आ जाएगी कानूनी कोई कार्रवाई करना चाहें या कानूनी कार्रवाइयों का शिकार हैं तो आपके हिस्से में फैसला होने वाला है और किसी बड़े कॉन्ट्रैक्ट में बनते हुए आप नज़र आ रहे हो डेट्स जो आप लोगों के लिए अच्छी हैं वो हैं वन टू फोर फाइव सेवन नाइन अलेवन टवेल्थ 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 27, 29 ट्वेंटी 30 एंड ये वो तारीखें हैं जो आपकी पूरी लाइफ को बदल के रख देंगी और यहाँ थोड़ा परसेंटेज भी बताता हूँ हमारे घर में कोई होता ही नहीं है पानी की बोतल भी लोगों की खत्म हो जाती है और कोई पूछने वाला नहीं होता अल्लाह पूछेगा बच्चू <laughs> लिब्रा 58 परसेंट है आप लोगों का लव एंगर जो है वो है 36 परसेंट रिलेशनशिप 76 है आप लोगों का मनी uh, 53 थ्री परसेंट है आहिस्ता लो होता जा रहा हूं पर फिक्र नहीं करना शो पूरा करेंगे हेल्थ एटी सेवन परसेंट है uh, रूहानियत पंद्रह परसेंट है आप लोगों के लिए स्टडी एंड एजुकेशन सिक्सटी नाइन परसेंट है और लक आपका साथ देने वाली है फिफ्टी सिक्स परसेंट और ये रही जनाब आप लोगों के लिए आ, जितने भी लिब्रा वाले हैं तस्बीहात तस्बीहात है या शकूर हो या कबीर हो ये दोनों तस्बियाँ हैं आपकी दाल माश आप अनकुक्ड हालत में सदक़े में दे सकते हो पांच फल मौसमी जो हैं वो आप सदके में दे सकते हो राइस दे सकते हो आप और कैश भी दे सकते हो डार्क ग्रे ऑरेंज एंड ब्लैक ये कलर अगर आप पहनोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारी बहुत सारी दुआएं हैं लिब्रा वालों के साथ और लिब्रा के बाद जिसकी बारी है वो बाद में आएगी उससे पहले कोई और है जिसकी बारी आ गई है और वो माइक हाथ में पकड़ के बैठे हैं लगा नहीं रहे उनको लग रहा है माइक खुद ही आएगा और शायद ए सी आप कह रहे हैं तो बंद करना नहीं नहीं ए नहीं बंद करना आप गर्म कपड़े

और वहां जाकर भी लाइक करके आए ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और दोनों चैनल पे जो शो हो रहे हैं इनको शेयर भी किया करें ठीक है थीक। तब आपकी मोहब्बत का पता चलेगा कि आप हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं बिल्कुल सही ठीक हो गया अच्छा जी किसी ने औलाद के लिए लिखा है हर शो में आपको बताते हैं सुर मायदा आयत नंबर सेवनटीन अलाकुल्ले शाइन कदीर के अल्लाह तू हर चीज पर कादर है उसके कुदरत में सब कुछ है आपको दे सकता है तो आप ज़रूर मांगा करें सुर मायदा का वजीफा बताया हुआ है मायदा आयत नंबर सेवनटीन अवल आखिर द्रूद पाक पढ़ें पांच बार या सात बार और उसके बाद तीन तस्वीं आपने पढ़नी हैं उस आयत की कोई भी मीठी चीज़ सामने रख लें आदि हसबेंड को खिलाएं आधी खुद खाएँ फोर्टी वन डेज़ का है इकतालीस दिन पता भी नहीं चलते गुजर जाते हैं और जब नागे के दिन आते हैं तो जहां पर रुक गए आप वो दिन बाद में काउंट करके पूरा कर लें तो अल्लाह ताला आप सब की मुरादें पूरे करे जी और आपको सेहत और जिंदगी वाली औलाद से नवाजे अपनी रजा से अपनी खुशी से बहुत सारी सबके लिए दुआएं हैं जी और उसके अलावा अभी जब पहले बता के गई तो हेरा कहती है जी आपने मेरा क्यों नहीं बताया लिब्रा का क्यों नहीं बताया अच्छा हेरा पूछ रही थी किसी ने मुझे बताया है कि जी आई के साथ हीरा मत लिखा करो तुम ई के साथ लिखा करो पहली बात तो ये है कि यहाँ पर तो जी नीम हकीम खतरा जान अब इतने ज्यादा हो गए हैं ना आपको क्या तो कल भी मैं अदर को कहती किसी ने मुझे कहा कि कोई आदमी सोफे पे लेटा हुआ स्ट्रॉलेजर था अब उसको भी याद आ गया है कि लेट के उसने ये बताना है कि जी पायसिस की खुबिया खामिया क्या हैं या बहुत बड़े स्ट्रॉलेजर हैं तो उन्हें भी अब याद आ गया है पहले तो सिर्फ दो दो चार ही आप करते थे तो जी वही करें ना अब आपने सीमी को पहले तो आप कुछ समझते नहीं थे अब आप सीमी को आपने भी कॉपी करना शुरू कर दिया और आपको भी समझ में आ गया है कि स्टार्स की खूबियाँ और ख़ामियाँ भी कोई बंदे पे अफेक्ट या रिफ्लेक्ट करती हैं तो अपना अपना काम करें जी और मेरा काम मुझे कर लेंगे अच्छी <laughs> बात है तो लिब्रा के वाले से जी अभी सर ने आपको डिटेल तो बता दिया मैं क्या बताऊँ आपको मैं यही बता सकती हूँ कि वीनस आपको पता है कि वो जा रहा है जी लिब्रा में उसका टाइम है और वीनस जो है वो प्लान होता है लव का होता है रोमांस का होता है और उसके अलावा मनी का होता है बिजनेस का होता है तो आपके लिए बहुत सारी ऑपरचुनिटीज जो है वो ओपन हो रही है या, आपका टाइम है है ना सही बता रही देख लें फिर तो आप लोग मुझे हल्का ना लिया करें तो ये टाइम अच्छा है जी आपका और उसके अलावा एक बात जरूर जरूर कहनी है कि अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखें और अपने आप को मोटिवेट किया करें मोटिवेट कैसे हो सकते हैं आपके सिर्फ वेट में मोटा नहीं होना है या या भी मोटी लड़की का वेट नहीं करना <laughs> आपने वो नहीं करना आपने ये करना है कि अच्छे से तैयार होना है जो आप में है लिबरा में है कि वो बहुत अच्छा तैयार होते हैं उनको पहनना ओढ़ना आता है उन्हें तैयार होना बनना संवरना उनको पता है स्टाइलिश कैसे नजर आना है स्मार्ट एक, या अट्रैक्टिव कैसे नजर आना है ये लिब्रा की क्वालिटी होती है तो आप वो सब करें अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखें क्योंकि आप ठीक होंगे तभी काम हो जान तो है जो जान है हाँ, सही तो बिल्कुल सही बात बिल्कुल और अपने जॉब के हवाले से और कुछ अरसे से आपका जो पैसा आता है वो चला जाता है आ, वो कहते हैं ना हाथ में सुराख वो वाला काम आजकल लिब्रा के साथ हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता बस अब आप अपने आप को मोटिवेट करेंगे कोई बात नहीं अगर वो चला गया तो मैं और कमा लूंगा मैं और मेहनत कर लूंगा और मेरे पास फिर से पैसा आ जाएगा तो आप कर लें जी सब ठीक हो जाएगा माला कह, कह रही है सर जी लोगों ने आपका थम भी कॉपी कर लिया तोबा क्या कह रहे हैं आप सोचे एक वो टुलटशा खातून है कल मुझे कोई बता रहा था सिर्फ मैं मेरा लाइव गई हुई थी और सेम आप वाली बातें करी थी मैं तैयार हो जाती हूँ तो अच्छा फील करती हूँ जिस दिन मैं तैयार नहीं होती तो अच्छा फील नहीं करती आप तैयार हुआ करें ताकि सुबह शीशे में उठ के जब अपने आप को देखें तो आपको अच्छा अच्छा लगे सेम मेरी बातें बहन कोई तो इधर उधर कर देती कोई जुमला ही इधर उधर करके हटा देती पता चलता क्या आपने कुछ कहा है तो तुम्हें हो मोटिवेशन स्पीकर भी बन गई वाह वाह थमसपा जी और स्कॉर्पियो के हवाले से बताएंगे क्योंकि आपका टाइम आ रहा है आप राइज कर रहे हैं ये जो मंथ है ये आपका है नवंबर आपका महीना है और आपका ये पिछले खास तौर पर एक दो साल में जो आप में एक चेंज आया है और अच्छा चेंज आया है ना आपने लोगों को हैरान किया है कि आप सब कुछ कर सकते हैं चाहे पैसा है मोहब्बत है कुछ भी है हासिल करना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है और आपका ये नवंबर का मंथ जो है इनशाला आप देखिएगा जो इसके लास्ट वाला एक हफ्ता आएगा ना उसमें आपका रूहानियत की तरफ बहुत रुझान होगा रूहानियत जो है तो रूहानियत से अपने आप को जरूर मेडिटेशन की तरफ लेके जाए आपके अंदर बहुत सारे दरवाजे खिड़कियां खुलेंगे और आपको बहुत सारी चीजों का पता चलेगा अब मैं हर एक अगर बताऊंगी तो राजा क्या कर मैं, मैं हाँ, हाँ, रहा हूँ हाँ, मैं बता थोड़ा, थोड़ा थोड़ा एक एक हवाले से बता रही हूँ जैसे सेजिटेरियस का बता रही हूँ कि आप मूव करना चाहते हैं किसी और जगह जाना चाहते हैं किसी और शहर मुल्क में अगर आप सेटल होना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छा टाइम है okay. आप कर सकते हैं और बिजनेस के हवाले से ये जो हैं वो आपके लिए भी आ रही हैं और हम आपको हमेशा मैं या हैदर हैदर खास तौर पर क्योंकि ये तो बहुत सालों से बता रहे हैं जब भी चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण आता है हम लोगों की तरह आपको डराते नहीं है mm -hmm. क्योंकि हम हक हलाल की रोजी कमाना चाहते हैं हमें पता है कि जब हम अगर नेगेटिव थंबनेल डालेंगे तो हमें लाखों में व्यूज आएंगे बट हम वो नहीं कर सकते क्यों तो है, है थोड़ा सा ही बोलें बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है आ, देखो दो चीजें हैं अगर आप सिर्फ गुमराह करके लोगों को रोटी कमाना चाह रहे हो कि देखो इस वीडियो में तबाही मची है और जो भी कुछ आपने लिखा है और वो कहीं एक छोटा सा हिस्सा है जो आपने जितना क्रिएट किया उतना नहीं है तो फिर उस रोजी से आने वाली हर चीज आप पे हराम आ, तो करार दी जाएगी आप देखो हमारे तो मजहब में ये है कि कोई भी चीज बेचने लगो तो उसकी तो तो गुमराह करके बर्बादियां हो जाएंगी तबाहियाँ हो जाएंगी आग बबूला और ये और वो तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो भी कोई होता है कोई अच्छाई बुराई होती है तो वजीफा करते हैं नफल पढ़ते हैं दुआएं करते हैं तो वो चीजें टल जाती हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता जो हम बताते हैं आप उस पर फोकस किया करें और पॉजिटिव सोचा करें अच्छी अच्छी दुआएं किया करें अल्लाह भी यकीन आंख बंद करके यकीन करेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा हिरा अः देखो मैं नामों के वाले से हमेशा बताती हूँ आप खुद भी अकल समझ लगती हो बगैर किसी के भी कहे पे आप अपने नाम का अल्फाबेट चेंज कर लेते हो तो फिर आपकी लाइफ में अगर कुछ भी गड़बड़ होती है बुरा होता है चाहे आपकी हेल्थ है आपका फाइनेंस है या आपके रिलेशन है अगर उसमें बिगाड़ आएगा खराबी होगी तो आपका अपना खुद किया धरा होगा ही ना कि आप किसी पढ़े लिखे से पूछें कि अल्फाबेट चेंज करना है कि नहीं करना और ई तो होता ही नहीं है आपको पता है हे के नीचे जेर है और जेर होगी तो आपको आई डालना पड़ेगा और आई डालेंगे तो आपका नाम बैलेंस में होगा बैलेंस में होगा तो आपकी लाइफ बैलेंस में होगी अदरवाइज सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा ठीक है तो चले चलती हूं मैं आऊंगी थोड़ी देर बाद कोई और वजीफा कोई और दुआ कोई और चीज पूछनी भी आप लिख दीजिए वहाँ पे ताकि आपको आप लेकिन लेकिन मोहब्बत के लिए प्लीज मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोग बाद में भी कमेंट किया करें ठीक हो गया अल्लाह हाफिज हाफिज अल्लाह जी थैंक यू एंड लोग जितने भी इस वक्त देख रहे हैं उन लोगों को मैं ये बता दूं कि ये हमारी जो ट्रांसमिशन है आ, ये फोर के रेजोल्यूशन पे जा रही है अगर आप लोगों को सही नज़र नहीं आ रहा है आप लोगों के इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करता है तो जो जो स्क्रीन आप देख रहे हो उस पे ऐसे करके जब आप क्लिक करते हो तो उस स्क्रीन के ऊपर ही एक ऐसे गोल सा निशान है जो सेटिंग का होता है उस पे जाके आपने दबाना है तो वो सब रेजोल्यूशन आ जाएगा 360 है 720 है तो सबसे ऊपर आप जाओगे फोर के रेजोल्यूशन पे क्लिक करोगे वो डिपेंड करता है कि आपका क्या आ रहा है तो आपके ये बड़े आसानी से आप हमारी फोर के ट्रांसमिशन इंजॉय कर सकोगे फेसबुक पे 720 है तो आप उसी हिसाब से देखोगे 1080 है तो आप उस हिसाब से देखोगे ठीक है टिकटॉक मेरी जो हाइडी है वो है द रियल राजा हैदर रियल राजा हैदर ये आपने फॉलो करना है इस पर मतलब कोई टिकटॉक पे अभी मैं इसीलिए लाइव कोई अपडेट नहीं कर रहा जबकि मैं आ, जिस वक्त टिकटॉक स्टार बन जाऊंगा तो फिर मैं आपको सिर्फ वहाँ पे आपकी बहुत सारी चीज़ें बताता हुआ ही दिखाई दूंगा वैसे ही नहीं होता <laughs> पनिशमेंट करने और ये वो पता नहीं ये किसी और दुनिया के लोगों का काम है हर बंदा अपने कंफर्ट जोन में जा के काम कर सकता है तो ज़्यादा से ज़्यादा रियल राजा हैदर को आप फॉलो करोगे मैसेज भेजोगे तो आप लोग एक बहुत बेहतरीन और बढ़िया शो देख सकोगे और सिवी मैम की जो आई डी है सिमी हैदर राजा वहाँ पर आप टिकटॉक पर जा सकते हो इंस्टाग्राम पर मैं हूँ Uh, राजा हैदर मेरे स्पेलिंग है आर डबल ए जे ए राजा एच ए आई डी ई -e आर हैदर तो उस पर भी आप फॉलो कर सकते हो ताकि हम लाइव स्ट्रीम पे आपको दें सर जी आपके आ, वाली जैकेट आप कब डोनेट करेंगे मैम जी आ, प्लीज आप अपनी रिंग कब डोनेट करेंगे कौन सी जैकेट इस वाली जैकेट की बात कर रहे हो तो ये डोनेट अगर करनी है उसको करेंगे जो हकदार है जो ऑलरेडी बहुत सारी जैकेट्स और चीजों का मालिक है उसको तो मैं कभी डोनेट ना करूँ डोनेट का मतलब तो समझते हो ना हाँ अगर कुछ चाहे जी गिफ्ट कर दे हाँ उन लोगों को गिफ्ट की जाती है सो ये एक बहुत जबरदस्त जैकेट है ये वाटर प्रूफ है सबसे अच्छी चीज़ अब इस जैकेट की खूबियाँ तुम लोग सुन लो और इसके ख़ास तौर पे ये समझ लो ये मुझे बहुत मज़े की लगती है इसको मैं सारा दिन यही छेड़ता रहता हूँ इसको जितना टाइट करोगे एयर टाइट हो जाएगी ज़्यादातर नहीं होता और जितना लूज़ करोगे लूज़ हो जाएगा इसकी जो हुडी है वो बड़ी कामयाब है कि इसको आप पहनने के बाद अगर चाहो सर दवा न लगे तो आप इसको बांध भी सकते हो डबल जैकेट होने की वजह से ज़िप इसकी लेदर और वाटर के साथ है कि कभी इसको जंग नहीं लग सकती है सबसे अच्छी चीज़ के इसकी सीक्रेट जेब्स हैं यहाँ ये जो जेब्स हैं यहाँ पे भी आप कुछ छुपा सकते हो यहाँ पर जिबों के अंदर भी आप कीज फोन कुछ भी रख सकते हो अंदर भी बहुत सारी पॉकेट्स हैं और ये जो लिखा हुआ है ये एक आर्मी स्टाइल के जैसे होते हैं वो हैं बट सबसे अच्छी चीज़ है वो मेरे पीछे अब मैं पश्तो फिल्मों की हीरोइन तो हूँ नहीं कि आपको उल्टा होके खड़ा होके दिखाऊँ और फिर मैं बताऊँ कि हाँ जी एन जीवि डांग फिर दा सो पीछे जो बैकग्राउंड है उसके लिए मैं कोई एक तस्वीर या अपनी हाई स्पीड वॉक दिखा दूंगा तो फिर जिसको चाहिए होगी जिसका साइज़ मेरे वाला होगा तो उसको ये गिफ्ट मिल सकती है और अंदाजी करके अंदर मेरे पास बहुत सारी जैकेट्स हैं जो मैं वाकई में डोनेट करता हूँ मेरी शर्ट्स हैं वो मैं देता हूँ अभी भी हमारे थैले भरे पड़े हैं सीमी ने अपनी जो शर्ट्स और कपड़े निकाले हैं वो भरा पड़ा है कि ये अभी डोनेट करना मैंने कहा नहीं अभी अभी ना करो मेरे वाले सारे भी निकाल के वो दे दो तो जो जस्ट वन टाइम टू टाइम यूज हुए होते हैं बिकॉज़ मीडिया में ये बड़ा अजाब है ना कि आप रिपीट में नहीं जाते हो और बस यही है इस जैकेट की खूब <laughs> था, तो अच्छा आप आ रही हैं स्क्रीन है ये देखो ये खुद ब खुद बी मैं नहीं आप तो हैं तो सही लेकिन आपकी था था तो मुझे काट दिया आपकी गर्दन कटी हुई है रुको जरा सा नहीं नहीं मैं ऊपर कर देता हूँ ये देखो तो मैंने ब्लैक एंड व्हाइट पहना था तो इन्होंने भी ब्लैक एंड वाइट पहना है मुझे आपने कॉपी किया है और देख ले मुझे बुखार है मेरा गला खराब है खांसी इतनी शदीद पूरी रात मुझे सोने नहीं देती ठीक है लेकिन वो खांसी है जो आपको सोने नहीं देती <laughs> तो उसके बावजूद मैं अगर आपको इतनी फ्रेश इतनी हेल्दी और इतनी अच्छी लग सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं लग सकते यही चीजें हमें मोटिवेट करती हैं यही हमें आगे बढ़ने के लिए कहती हैं है। रोने धोने से मसाले हल नहीं होते दुख तकलीफें परेशानियां नहीं जाती जो वक्त है वो गुजारना पड़ेगा रो दो के गुजारेंगे तब भी गुजारेंगे अगर हंस के गुजारेंगे अगर खुश रह के गुजारेंगे अच्छे तरीके से गुजारेंगे तब भी वह गुजरेगा और ज्यादा अच्छे तरीके से गुजरेगा बिल्कुल ऐसा ही है तो ये आज की एक लाइन है जो सोचने की और समझने की आती है थोड़ी देर तो बाद मैंने कॉपी किया था आपको देखो जरा मतलब ओके लेडीज जेंटलमैन टाइम फॉर स्कॉर्पियो जितने भी हमारे प्यारे स्कॉर्पियो वाले हैं जो लोग ये कह रहे हैं कि जी हमारी बारी कब आएगी उन लोगों के लिए हमारे पास बहुत कुछ है और यहाँ थोड़ा सा आप लोगों को एक इब्तदा में एक जुमला दे दूँ बहुत सारे लोगों का है कि जी हम स्कॉर्पियो वाले क्या सारी जिंदगी मुश्किल में ही रहेंगे तो आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि नवंबर आपके महीने में चार चांद लगाने के लिए आ रहा है यानी आपकी फाइव डिफरेंट जो कि हार्ड टाइम चीज़ें हैं उनको पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए आ रहा है यानी पांच मुश्किलों से निजात पा जाओगे नंबर वन पे है आपकी हेल्थ जो कि इम्प्रूव नहीं हो पा रही थी आती थी और वो वहीं पे ख़त्म हो जाती थी उसकी इम्प्रूवमेंट में 39 परसेंट और 57 परसेंट के बीच में प्लानिटैक्स एनर्जी दे रहा है सो ब्लैक होल के दो और बड़े सितारे हैं जो आपकी ऑपरेशन को बड़ी चीज़ें कोई बड़ी अंदर इंटरनल बड़ी आँध के मसले चल रहे हैं आई साइड के मसले चल रहे हैं वो रिवर्स में जाएंगे यानी जो पहले सही थे वैसे हो जाएंगे वो खतरनाक नहीं होंगे नंबर दो पे जो चीज़ें हैं वो उन स्टडीज़ वालों के लिए जिनकी सेपलियाँ आ रही थी जो कामयाब नहीं हो रहे थे जिनको एडमिशन नहीं मिल रहा था स्कॉलरशिप के इंतज़ार में थे ये सारी चीज़ें क्लीन होने लगेंगी यानी ये दूसरी चीज़ है जो आप लोगों को अल्लाह ताला इसी महीने बहुत आसानी से दिखाएगा नंबर थ्री पे आपका रिलेशनशिप और ये सिर्फ सादा रिलेशनशिप नहीं है जैसे नान सादा होता है एक तिल वाला होता है एक आलू वाला, वाला होता है गोभी वाला होता है ये सब तिल वाला नान रोगी यानी लव रिलेशनशिप में बूस्ट मिलेगा आप लोग किसी एक ख़ास डगर पे एक खास नतीजे पे पहुंच सकते हो मंगनी हो निकाह या बात पक्की होना है मामे जामन का कमाना कुछ भी एक ख़ास उस जगह पर जा सकते हो और ये लव के लिए लेकिन ये जिनको लव नहीं है जिनको रिश्तों का इंतज़ार है उनके लिए भी ये महीना इसी हिसाब से ये बहुत बेहतर जा रहा है फोर्थ चीज़ आपके फाइनेंस बूस्टिंग यानी वैसे आप हर महीने स्ट्रगल करते हो और जो बचत होती है वो 7.2 हो रही है 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 इस महीने आपको 39.7 बजट तो इसका मतलब है कि एक महीना और फिर दिसंबर जो जुड़ेगा वो इसको और बहुत दूर तक लेकर जाएगा ये अथल पथल आपकी होगी कैसे होनी है आगे चल के हम पूरी डिटेल देते हैं आपको और फिफ्थ जो चीज है वो है आपकी हिजरत ट्रैवलिंग इमिग्रेशन यानी आपका जो सफर है वो ज़फ़र भी होगा और आपको किसी एक मुर्शिद की जो तलाश है या इंतजार है वो भी रब की तरफ से आपके दिल में उसका रास्ता भी मिलेगा और घर भी होगा लेकिन डिस्ट्रैक्ट होने से बचना है देखो पांचों चीजें इसका मतलब है कि आपको अपने मदार में घुमाएंगी लेकिन इसमें होना क्या है फैसले सब आपको बड़े सॉलिडली लेने हैं आपके दिल में जो दूसरों के लिए दर्द रहता है कि चलो यार ये बेचारा मस्किन है इसकी मदद कर दो उसकी और आप अपने मुंह पे ऑक्सीजन मास्क नहीं लगा रहे हो तो आप अपने पाव पे कुल्हाड़ी मार रहे हो स्कॉर्पियो ये याद रखना पूरी जिंदगी दूसरों के सिर पर टोपी पहनानी है आपने कि व्यो सर्दी से महफूज हो जाए और खुद अपना माइग्रेन करके बैठ जाओ ये कहीं की वो दानिशमंदी नहीं होती है या आपको वली अल्लाह तो हो नहीं आप दूसरे लोग आपको बेवकूफ बना के आपसे वो काम करवाते हैं जबकि वो डिजर्व नहीं करते वो चीज तो अब आपको उस डगर से हटना है 90 डिग्रीज का चेंज लेना है क्योंकि आप बहुत हो गए मिस अब आपको सिर्फ इस्तेमाल करना है उन चीज़ों को लोगों को नहीं, उन चीज़ों को जो आपकी कामयाबी के लिए बनाई गई हैं देखो फाइनेंस आते हुए जो दिखाई दे रहे हैं उसमें कुछ धचके नहीं हैं बैंक से कर्जा ले रहे हो लोगों के साथ बिजनेस कर रहे हो या जॉब अपॉर्चुनिटी है इसमें आपको चेंज नज़र आ रहा है जॉब चेंज करना चाहो तो बड़ा आसान होगा दफ्तर में आपकी इज्जत हो जाएगी और अगर आप कहीं बिजनेस कर रहे हो को बिज़नेस है ज्वाइंट बिज़नेस है तब भी फायदा आपको रहेगा लेकिन कुछ सीक्रेट चीज़ें जो डिस्कस नहीं करते અધર બિઝનેસર કે કોઈ ભી એક કਾਮયાબી કા ફોર્મ્યુલા યે હોતા હૈ કે હર સીક્રેટ ચીઝ હર એમ્પ્લોય સે ડિસ્કસ નહીં કરતે હો વા યે અપને પાર્ટનર સે ડિસ્કસ નહીં કરતે હો જ્યા આપકો લગતા હે વો બિલ્લી ને આખરી ઘુર શેર કો નહિ ઝગાયા હવલ તો ક કહાની ગલત હે કે બિલ્લી શેર કી ખાલા શેર અલગ નસલ કા હે બિલ્લી અલગ હમારે ના ઉર્દુ કે નિસાબ કુછ ભી મન દો ભાઈ કે ઇસરે એક યાર ટોટ બટૂટ નહીં ગઈ ઇસ ફન એન્ટરટેનમેન્ટ કે લિયે બિલ્લી કી કોઈ તાલુક નહીં શક્લે યા વો ઇસ તરહ કી એક જેસી નજર આયે तो 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 इसके मतलब नहीं खाल है है तो के खाल शेर का तो ये जो है ना आखिरी गुर ने सिखाया वो अल्लाह ने हर किसी के हाथ में कुछ चीजें रखी हर बंदा बहुत सारे जानवर दरख्त पे नहीं चढ़ सकते तो उनकी खालाओं ने भी उनको कुछ नहीं सिखाया खलाएं ऐसी नहीं होती खलाएं अच्छी होती तो जो लाइफ में अब एक बड़ा चेंज है आपके हवाले से सबसे पहले हम फाइनेंस को डिस्कस करते हैं और डिस्क्राइब भी करते हैं कि आपको क्या करना है पहले तो ये कोशिश करो कि अगर कहीं पे जॉब कर रहे हो तो उसके साथ एक ऑनलाइन या ग्राउंड बेस पे बड़े छोटे पैमाने पे कोई काम जो आपकी एक हॉबी है उसको आप टूल के तौर पे इस्तेमाल करो और ऐसा टूल के जो ऑनलाइन या ग्राउंड बेसिस पे ऑनलाइन का मतलब ये होता है कि ऑनलाइन प्रमोट करना होता है वरना आप बहुत अच्छे दर्जी हो बहुत अच्छे कपड़े डिजाइन करते हो और एक गली में बैठे 500 सौ सात सौ हज़ार रुपए लेते हो किसी को पता ही नहीं तो आप क्या करोगे ऑनलाइन एक पेज बनाते हो सोशल होते हो खातीन को ज्वाइन करते हो और अपना काम दिखाते हो कि ये देखो फ़ोन लो वीडियो बनाओ अपलोड करो इतने पैसों का बनता है वहाँ पे पैसे नहीं लिखने होते हैं क्योंकि डिपेंड करता है कि कौन कहाँ से ऑर्डर कर रहा है तो बाहर मुल्क से ऑर्डर है तो सात सौ रुपये में तो सिलाई नहीं हो पाएगी ना क्योंकि आपने पोस्ट भी करना खैर वो टेक्निकल चीज़ें तो आप अपने काम को ऑनलाइन प्रमोट करते हो इसी तरह जॉब है आपको सूट नहीं कर रही तो आप कुछ तब करोगे जब आपके हाथ में दूसरी नौकरी आएगी रूहानी तौर पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हो जिसकी वजह से मैंने कहा कि मुर्शद भी कहीं ना कहीं से आपके दिल पे दस्तक दे देगा या आपकी रसाई वहाँ तक हो जाएगी जहाँ से करियर बड़ा आसान हो जाएगा आपका करियर यानी फाइनेंस वाला सिलसिला और रूहानी सिलसिला दोनों इकट्ठे हो जाएंगे ख्वाबों की दुनिया में बहुत सारी कामयाबियाँ अल्लाह तला बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाएगा वो लोग जो किसी स्पोर्ट्समैन के हवाले से मशहूर होना चाहते हैं ah kisi social आ, आ, मीडिया के जो भी प्लेटफॉर्म है उस पर आप अगर काम कर रहे हो यूट्यूबर हो टिकटॉक हो इंस्टाग्राम और कुछ भी हो आप उस पर जाके कर रहे हो कोई वीडियो गेम में अपना नाम करना चाहते हो यानी आप वीडियो गेम प्लेयर हो और इंटरनेशनल मार्केट में इंट्रोड्यूस होना चाह रहे हो कुछ सॉफ्टवेयर डिवेलपर हो तो आप लोगों की ज़िंदगी समझ लो कि चेंज होने वाली है आप लोगों को नई राहें मिलना शुरू हो जाएंगी और करियर अच्छा है आप लोगों का कुछ नए सपोर्टर्स कुछ नए दोस्त या सहेलियाँ ताल्लुक वाली वो आपको मिल बहुत आगे लेकर जाएगी मजबूरन कोई काम नहीं करना ये इस महीने का हाईलाइट के जबरदस्ती अगर कोई आपको लग रहा है कि काम करना पड़ा मत करना वो आपकी हेल्थ को सक करेगा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देगा बुजुर्गों की तरफ से कोई फैज मिलने वाला है रोमांटिक अगर आप हो मतलब वो तो हो हो लेकिन बड़े कोने रोमांटिक होते हो तो आप साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं है ना तो अगर आप रोमांटिक हो तो आप लोग ये जहन में रखना कि आप लोगों का कोई जो एक पाया तकमील तक पहुंचने वाला सिलसिला है वो आपसे इम्तहान भी ले सकता है ये नहीं है कि गुड्डी-गुड्डी हैप्पी एंडिंग होगी जलें जी शादी कर लें कुछ कुछ अगराज मकासद होंगे लेकिन आप क्योंकि इमेजिनेशन की दुनिया में बहुत महारत रखते हो तीन चार सितारों के बारे में कहा जाता है उनमें से एक आप भी हो तो वो वो बड़ा कमाल चेर था वो है मेरे ख्याल से स्कॉर्पियन के लिए था तिरे आने से कुछ जरा पहले तेरे आने से कुछ जरा पहले बात तुझ ही से कर रहा था मैं तो आप वो लोग हो तो जिंदगी को आपने अगर अपने हिसाब से चलाना है तो बहुत ज्यादा मजहबी जुनून से निकलो जो एक्सट्रीमिस्ट होता है कोई सोशल मीडिया पे ऐसी पोस्ट लगाना जो आपको आने वाले दिनों में बहुत हार्ड टाइम दे दे अच्छा देखो एक मैं बात बताऊं आपको दुनिया जो है ना एक बड़ी खतरनाक चीज़ है ये सिर्फ स्कॉर्पियो के लिए नहीं कह रहा हूं मैं बाकी लोगों को भी ये याद आई बात तो मैं बता रहा हूँ मेरा फर्ज है आपको ये बताना बाकी तो आप करो ना करो कोई इमोशनली ब्लैकमेल हो जाना या फूल बन जाना हर चीज पे एहतजाज का एक तरीका होता है अब जैसे बहुत सारे सोशल मीडिया ने यह लगाया हो ना कि हम वॉच कर रहे हैं कि कोई भी बंदा जो हो रहा है रहान में उसको सपोर्ट करने वालों की अगर तादाद आएगी तो हम उनको बैन भी करेंगे ब्लॉक भी करेंगे उनका सोशल मीडिया अकाउंट भी बंद कर देंगे अगर आप लोगों की रोजी रोटी है ना अगर आप लोग ऑनलाइन रोजी रोटी कमा रहे हो तो फिर इन चीज़ों को अटैच मत करना ये वैसे ही एक एडवाइस दे रहा हूँ फिर आपकी उस पोस्ट से कोई इनकलाब नहीं आने वाला कि मुझे राजा हैदर साहब ने एक पोस्ट लगाई तो इनकलाब कोई इनकलाब नहीं आने वाला आप सोचो जहाँ यू यूनाइटेड नेशन जैसे इदारे बेबस हो जाएं, इस्लामी मालिक बेबस हो जाएं, तो वहाँ आपकी और हमारी औकात क्या एक छोटे से प्लेटफॉर्म पे? नहीं जी सबको अपना अपना हिस्सा डाल रहे है। भाई साहब मत आना उनकी बातों पे। ये वही लोग हैं जो सुबह सुबह आपको एक पोस्ट भेज देते हैं आय, आयत की सूरत में ये वही लोग हैं जो भेजते हैं कि भाई अगर तुमने बीस लोगों को ना भेजा तो तुम्हारी कोई दुआ कबूल नहीं होगी कुछ भी नहीं होता फॉर्म डिलीट किया करो ना डरा करो ना कुछ किया करो फेतो अल्लाह ठीक है तो अगर आप लोगों के बच्चों की रोजियां रोटियां है ना तो कोई दिल में दुआ मांग लो ना यार दिखावा क्या मतलब आप दिखा दिखा के हज करोगे हज पे जाके सेल्फी बनाओगे वो हज कबूल होगा या करके आ गए हो और अल्लाह के साथ आपका जुगाड़ी अलग हो गया है वह ज्यादा बेहतर है तो प्लीज इसको इमोशनली लेने की जरूरत नहीं है ये सिर्फ उन लोगों जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता जिनका चैनल बंद हो या डूबे जरूर करो लेकिन हम आपके भी बच्चों के लिए आपकी बेहतरी के लिए कह रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में अब ये नया बुलिस का पता है ना आपको जो फुटबॉल क्रिकेट हॉकी रकबी इंटरनेशनल गेम्स में जो बुली करते हैं उनको कैमरों के जरिए एफ बी आई सी आई एफ एम फिफ्टीन मुख्तु जितने भी इदारे हैं वो वॉच लिस्ट में डालते हैं उनकी फेस रिकिग्नेशन करके उनका पूरा बायोडाटा निकालते हैं और मुख्तलि इमिग्रेशन के जो इदारे हैं जो जब, जब आप एयरपोर्ट पर उतरते हो काउंटर पर जाते हो उनके सिस्टम में डाल दिया एट्टी फाइव परसेंट तक काम हो गया उनको वो बैन भी करते हैं सजाएं भी देते हैं बुलियों को अंदर भी जाने नहीं देते अब आया है सोशल मीडिया की बारी मेरे बहुत सारे शुभ इसके अदाकार जितने हैं। वो जब पहुंचते हैं उनको डिपोर्ट उन्होंने किया हुआ है भाई तुमने अपनी पोस्ट पे फला जगह पे ये लगाया था तो अगर तो ऐसा कोई सीन है कि आप बाहर जाके कुछ तुरम खानी करना चाह रहे हो और आप कहते हो हमें क्या फर्क पड़े हमें कौन जानता है तो आप बड़ी बहुत बड़ी भूल कर रहे हो ये मैसेज आप लोगों को देना जरूरी था बाकी ना करो वो करना तुसी हो ही है सत सतमुह वाला चक मारेगा तो तुम करोगे बाकी अपनी तकवियत के लिए जो करना है करो तो हमारे प्यारे स्कॉर्पियन जो है ये समझदारी की उस जगह पे आ चुके हैं कि अब ना गवारी आ, वाली पोजिशन से निकल चुके हैं कि कोई भी रिश्ता आपका टूटने वाला नहीं है सबसे अच्छी चीज़ यह है कि जिस रिलेशनशिप में हो वो अब लॉन्ग टर्म चलने वाला है बड़ा स्ट्रॉन्ग होने वाला है वहाँ पे आपका वो जो एक ग्रो है फाइनेंस का या हब का या औलाद की तरफ से एक सपोर्ट का वो बड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया है यानी वो जो बुरा टाइम था वो निकल गया और अब आप उस स्ट्रॉन्ग जगह पर हो जहाँ पर आपको ये काम करना ही करना मसरूफ़ महीना है स्कॉर्पियंस के लिए अपनी कारकरी का जायजा लेते रहो ताकि आप अपग्रेड पे जाते रहो बहुत ज़्यादा लोगों को पैसे नहीं देने और ट्रस्ट नहीं करना अगेन आप लोगों के लिए ये मैचेस मेंशन कर दूं क्योंकि जमीन जायदाद सेल एंड बाय करने वालों के लिए महीना अच्छा है मकान की तब्दीली वालों के लिए ये एक समझ लो फाइनल महीना अगर आप इस महीने भी मूव नहीं कर रहे हो तो ये समझ लो कि आप किसी परेशानी का शिकार हो सकते हो अगर जरूरत है मतलब فرض करें किराए के मकान वाले हैं उन्हें तो शिफ्ट अपने मकान वाले कहां जाएंगे उन, उनको वहीं रहना है आप लोग हिसार करवा रहे हो आप पढ़ाई कर रहे हो बिल्कुल ठीक है लेकिन वो लोग जिनकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है और वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाह रहे हैं लेकिन उस ताल्लुक को डिले किए जा रहे हैं आज देखेंगे कल देखेंगे उनके लिए आगे हार्ड टाइम हो सकता है तो प्लीज जितना बेहतर हो आप अपनी थकावट के बावजूद इन कामों को सबसे पहले कर दें अब आप लोगों को नए लोगों की एक आ, बड़ी सी तादाद भी आती हुई जिंदगी में दिखाई देगी कुछ नए लोग जो आपको ऑफर करेंगे आपके साथ बिजनेस या कोई भी काम मोहब्बत के मामला को भी आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे प्लीज़ उनकी बातों में मत आ जाना येस करने की ज़रूरत नहीं है ताकि आप लोग सेफ रहो ठीक है तो ये हो गया हमारे प्यारे स्कॉर्पियन वालों के लिए बहुत सारी चीज़ें अब मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि भाई साहब आप लोगों को परसेंटेज कितना रहने वाला है लव परसेंटेज फोर्टी नाइन है बहुत अच्छा है बुरा नहीं है आप जरूर इस्तेमाल करो इस खेल को एंगर फोर्टी टू है उसका तो कम करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा है रिलेशनशिप सेवेंटी वन है स्ट्रॉन्ग है इसलिए मसला नहीं है और मनी जो है फिफ्टी नाइन हेल्थ एटी थ्री स्परिशुअलिटी सिक्सटीन स्टडी एंड एजुकेशन वन लक जो है फोर्टी एट परसेंट है और आप लोग अगर ये देखना चाह रहे हो इसका प्य के तस्वीया क्या है तो वह है या मुकी तो या जलीलो सूजी सूजी का हलवा दे सकते हो हाँ, यूज क्लॉथ जो है इस्तेमालशुदा कपड़े वो दे सकते हो बारह रोटियाँ कम अज़ कम एंड कैश भी दे सकते हो वाइट डार्क ग्रीन एंड स्काई ब्लू कलर ऑफ द मंथ है ये पहनोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा गुड लक करते हैं हम स्कॉर्पियो वालों को एंड वेलकम कहते हैं उन शहजादे शहजादियों को जिनका ताल्लु है इसे जी से और फौरन ही इसे जी पे जंप भी मार देंगे कि आप लोगों के लिए यह महीना कैसा गुजरने वाला है और ये रहा जी कास का कज़ा के रंगों जैसे हमारे एंड थैंक यू सुपर चैट प्लीज डू इट जितने भी लोग हैं वो सुपर चैट कर सकते हैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया हमारा ये तीन डेस्टिनेशन पे ये प्रोग्राम जा रहा है फेसबुक पर लाइव देख रहे हो विद उर्दू सब टाइटल द गेम चेंजर सीमी हैदर चैनल पर भी लाइव देख रहे हो आप और दुर्राज है ऑलवेज मतलब ये जो हमारा चैनल है इस पर भी लाइव देख रहे हो और लेकर जाता हूँ मैं आपको बिना टाइम ज़ाया कि ये यानी यानि सजी चीज़ सजी देखो बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि आपके लिए ये महीना जो है ये बड़ा ही मुश्किल गुजरने वाला था क्योंकि चांद गिरन ने बहुत बुरी तरह से अटैक किया और चांद गिरन आपकी जिंदगी को नीचे लेकर जाएगा अब अकॉर्डिंग टू राजा हैदर वो जो एस्ट्रोलॉजी है ना जो अभी भी कोई एक बैन लिख रही थी कि जी मून साइन ये तो संसार ये वो उसका हमारे शो के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है अगर वो देखना है तो आप बाकी के नाइनटी जो लोग हैं उनकी स्ट्रॉजी को देख लें बिकॉज वो वैदिक या वेस्टर्न स्ट्रॉलॉजी कर रहे हैं दिस इज अ डिफरेंट स्ट्रॉलॉजी ये हजरत इद्री सलाम के जो सितारों से कनेक्ट कर रहे हैं मायान कल्चर की स्ट्रॉलॉजी जिसको आप लोग लोगी के नाम से देखते हो कैलकुलेशन

कारण से हो रहा है दोनों में फर्क आपको साफ लगेगा ओके okay, तो आ, ये आपका एक बेस्ट और बढ़िया महीना है सजिटेरियस आपकी लाइफ के वो पूरा देखो 2023 गुजर गया सिर्फ इंतजार में कि यार ये वाला कुछ बेहतर हो सकता था इसमें फोर मूव्स आए हैं जो बहुत अच्छे थे जिसमें आप अगर कुछ एफर्ट करना चाहते तो कर सकते थे लेकिन बंधे हुए रिश्ते और बंधे हुए हाथों की वजह से आप वो स्टेप नहीं ले सके हो। ये पहली बार है कि अब आपके पास फैसला करने की गुंजाइश भी है और अगर आप ना करो तो बार बार मौके तो अल्लाह की तरफ से मिलते रहेंगे लेकिन इतना भी नहीं है कि हमेशा सुनहरी मौका मिलेगा जैसा कि इस महीने में आपको मिल रहा है तो ये जो महीना है सुनहरी इसमें आप लोगों को दो फायदे होने वाले हैं सबसे पहले रिलेशनशिप की किसी एक खास जगह पर जाके आपने कुछ डिसीजन लेना है कि यस मैं इन हूं मुझे ये करना है मुझे ये शादी करनी करनी है आगे चल के देखा जाएगा क्योंकि आप गिराओं के हिसाब से वो जो गिरे लगती है ना उसमें एक और गिराह इस साल की लग जाएगी कि आपकी एज का एक और स्टार नीचे आया है सो स्टार नीचे आ रहे हैं ऊपर नहीं जा रहे तो अब आपको फाइनलाइज पोजिशन पे आके जो बेस्ट चीज है चीज़ से मुराद के आपको फाइनेंशियली कोई लड़की अच्छी लग रही है या लड़का अच्छा लग रहा है आपको उसकी किरदार की कुछ चीज़ें खास पसंद हैं उनका लव आ, करने का तरीका या बात करने का ढंग पसंद है आपको उनका स्पिरिचुअल होना पसंद है कुछ भी पसंद है तो आपको ये फाइनल करना पड़ेगा अच्छा फाइनल से मुराद ये नहीं कि शादी कर लेनी आप बात डिसीजन अपने माइंड में फाइनल करो आगे चल के आपके पास अप्रैल तक का टाइम है आप कभी भी उसको आ, ए, फाइनल पोजिशन पर लेकर आ सकते हो जिसको शादी बोलते हैं चलो तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है जिसमें आपको जो गैर शादीशुदा हैं जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं उनको ऑप्शन मिल जाएगा ये हम लव साइन वालों की बात कर रहे थे ऑप्शन मिल जाएगा खानदान और गैर ख़ानदानों के बाहर आपका दूसरे मुल्कों में ट्रैवल होता हुआ भी दिखाई दे रहा है रिश्तों के हिसाब से और जो बिना शादी या बग़ैर सिर्फ काम के जाना चाह रहे हैं कि जी शादी नहीं करनी हम तो बिज़नेस या जॉब के लिए मुल्क से बाहर जा रहे हैं उन लोगों के लिए वीज़ा बहुत आसान हो जाएगा सजिटेरियस आप लोगों के इमिग्रेशन के काम हो जाएंगे स्टैम्प हो जाएगी पासपोर्ट की वैल्यू आपकी बढ़ जाएगी आप लोगों को सॉलिड लोगों को साथ लेकर चलना है एजेंट्स के ऊपर भरोसा नहीं करना है क्योंकि अगर आपने बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो आप मारे भी जा सकते हो ये याद रखना कि इजाफी ताकत से जीते टेस वालों को खास वालों को अल्लाह ताला दो तारीख के बाद से देना शुरू कर देगा इससे इंप्रेसिव पर्सनैलिटी आपकी सामने आएगी अगर आप मीडिया सोशल मीडिया आई या दुनिया की किसी भी फील्ड में हो जहां आप चाहते हो कि आपके नाम को सबसे ऊपर रखा जाए तो ये योर राइट आप बिल्कुल सही सोच रहे हो कि आप ही आजमाइश का वक्त खत्म हो गया है और आपको वहां तक रखा जाएगा जहां अल्लाह आपकी पोजीशन प्लैनेट में रखी है कमजोर नहीं रहोगे अब आप पहले ये होता था कि लोग आपकी कमजोरी से भी फायदा उठा लेते थे अब आपके पास जो ऑप्शन होगा शटअप कॉल करने वाला भी है और आप लोग मोहब्बत से भी लोगों को अपना गर्विदा बना सकते हो अब आजमाइश वाला ताल्लुक़ ख़त्म हो गया मकान की तब्दीली बैंक से कर्जा लेना ये सब बड़ा आसान होगा स्कॉलरशिप मिल सकती है इसी महीने आप लोगों को जहां मैंने कहा वीज़ा अपनी पसंदीदा डेस्टिनेशन का आपको मिल सकता है उसके लिए पेपर वर्क का सही करने के बाद सबमिट करवाना दो तारीख़ के बाद अगर आप करवाओगे फाइल कंप्लीट होगी तो फिर आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे एक बात याद रखना कि जो कंप्यूटर में एंटी वायरस वाली चीज़ें जिस तरह आ जाती हैं एंटी हैकिंग के सॉफ्टवेयर भी लोग बना रहे होते हैं इसी तरह आपकी हेल्थ में भी कोई वायरस इंटर होते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये बड़ा मामूली टाइम के लिए होगा सेवन टू अलेवन यानी सात नवंबर से अलेवन नवंबर के बीच में आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा चाहे आप ट्रैवल कर रहे हो नहीं कर रहे हो छूती बीमारी जिसको कहते हैं कि आप को वो बीमारी होनी नहीं थी लेकिन किसी और से लगी है ये वो वाला है मजहबी तौर पे बड़े स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हो ये भाई साहब ये बड़ा कम लोगों का होता है कि जो लोग हुब करते हैं इश्क करते हैं दीदार इलाही का सफर कर रहे हैं उनको अचानक ख्वाब हाँ के जरिए अल्लाह ताला और, और बहुत सुकून कर देगा वो हलीम भी है वो रहमान भी है तो वो आपके अंदर वो एक अपनी सिफात भरना शुरू कर देगा कि पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप पूरी दुनिया पर छा सकते हो सिर्फ नेगेटिविटी नहीं है शॉर्टकट मारने के लिए दूसरों को काटना ज़रूरी नहीं होता है तो एक स्माइल वो जो किलिंग होती है ना कि यार इसकी स्माइल किलर है वो आप अपनी मुस्कुराहट के लिए अगर मशहूर हो पूरी दुनिया में अपनी अच्छे गुफ्तार के लिए मशहूर हो तो उसी को अपना सीक्रेट टूल बना के आगे जा सकते हो सो आपके अंदर जो पिछले कई महीनों में पिछले कई टाइम से वो हार्ट सा एक रिएक्शन आया कि अच्छी सूरत है लेकिन अंदर बड़ा पथरीला सा सफर था उससे निकलने की कोशिश करो तो आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे जादू टोना आप लोगों पर फोर टाइम अटैक करेगा डेट्स है सेवन मतलब सेवन और नाइन के बीच में ये दो दिन बड़े अहम हैं फिर अलेवन है आपकी और थर्टीन है फिर ट्वेंटी वन से ट्वेंटी फोर है फिर ट्वेंटी नाइन से थर्टी है यानी वन डे का वाजला ये वो तारीखें हैं जिसमें आपको एहतियात करनी पड़ेगी और ये याद रखना कोई इलाज मालजा कराना चाहो तो कोई मुश्किल चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं बहुत आसान है जो शादीशुदा लोग हैं जिनके केसेज तलाक वाली सूरत पे जा चुके हैं जो ख़तरनाक हद तक गए हैं आगे कि जी अब हमारे लिए बड़ा मुश्किल है आगे चलना उन लोगों का ये केस वाइंड अप हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा यानी आप लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटी शुरू हो जाएंगी इसे बचने के लिए भी कुछ नहीं कर सकते हो आप दावत घर पर हो या कहीं हो शादी ब्याह मंगनी ये रसूमा बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं और आप लोग से जी वाले अगर उम्र वगैरह की सादत हासिल करना चाह रहे हो तो क्विक डिसीजन लेना है और ये काम आपके लिए बड़ा बेहतरीन हो जाएगा औलाद की कामयाबी के साथ साथ आप लोगों को अपनी प्रॉपर्टी होते हुए देख रहे हैं हम और देखो कौन कौन सी डेट्स बहुत अच्छी हैं आपके लिए वो हैं दो तीन चार सात पांच बारह चौदह पंद्रह सत्रह उन्नीस इक्कीस बाईस सत्ताईस उनतीस और तीस ये वो तारीखें हैं सजिटेरियस वालों जो आप लोगों के लिए बहुत अहम है तो अब मैं थोड़ा सा आपको परसेंटेज भी बताई देता हूं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए सो लव परसेंटेज है मेरे दोस्तों 56 परसेंट जो नवंबर के महीने में रहने वाली है एंड एंगर रहेगा 37 सेवन सो जल रहा है ये गुलाब इसलिए एहतियात करो रिलेशनशिप 79 है ओके है गुड है बेस्ट है मनी 48 सॉलिड 48 है इसलिए पैसा बचा के रखना उड़ाना मत Health 81, spirituality 14, study and education 59, luck 45 लक परसेंट ये वो है जो आप लोगों के लिए सॉलिड है और स्परिशुअलिटी देख ली आपने उसी हवाले से आपको जो तस्वीरें हैं वो भी पढ़नी है या रकीब या हक को ये मेरे अल्लाह के खूबसूरत इस्माइल मुबारक हैं बेसन सद के में दे सकते हो हजब तोफिक बोर्ड फूड दूध खुला या पैकेट वाला एंड कैश इनमें से कुछ भी एक चीज़ दे सकते हो कलर ऑफ द मंथ है पर्पल बेबी पिंक एंड ब्लैक ये जो भी पहनोगे आपको होगा फायदा थैंक यू लेडीज लेडीजेंटमैन सेजिटेरियस वालों की होगा ये गुड लक वेलकम कहते हैं कैप्रिकॉन वालों को जो हमारे प्यारे हैं और इस वक्त आप यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं प्लीज डू सुपर चैट और आ, आ, थैंक यू वेरी मच बहुत शुक्रिया जो अभी आए हैं जिन्होंने हिट ना किया अभी तक लाइक को लोगों को हिट करना है। देखो जब मैं आया था तो बुझे हुए थे क्योंकि सेहत बहुत ख़राब थी सेहत अब भी ख़राब है लेकिन आप लोगों की मोहब्बत और एनर्जी भर देती है बहुत अच्छी चीज़ है ये मोहब्बत मैं कहा देखने से थकता हूँ मैं कहा देखने से थकता हूँ तेरी तस्वीर थक गई होगी कुछ इश्क़ इस तरह के भी होता है कि भाई मैं तो नहीं थका वो क्या है थकते नहीं तुम ये बात करते करते देखते देखता तो मैं कहाँ देखने से थकता हूँ तेरी तस्वीर थक गई होगी यूं ही रंगत नहीं उड़ी मेरी यानी कह रहा आपकी चेहरा खराब हो गया जी बड़ा खराब हो गया आपका फेस यूं ही रंगत नहीं उड़ी मेरी हिजर के सब अजाब चखे हैं वो अक्सर कहते हैं ना खाना अच्छा खा लें जी तो आपके चेहरे पे ग्लो आता है ये जो हिजर के अजाब खाने वाले लोग हैं ना कि भी उनके चेहरों को पढ़ने की कोशिश करना वो पीएचडी भी होगा ना कोई पढ़ा लिखा तो उसके चेहरे को देख के माप नहीं सकेगा उसके दुख की गहराई तो कभी कभी होता क्या है कि अपने अलावा भी किसी और का निब पढ़ लिया करो बड़ा आसान होता है बड़ी खुशी होती है और आप लोगों का शुक्रिया जो यहाँ हमें इतनी मोहब्बत देते हैं सजी चेयर इसके बाद द ग्रेटेस्ट पीपल हमारे कैप्रिकॉन वाले हैं कैप्रिकॉन वालों वेलकम सबसे पहले दूसरी चीज़ के दो ग्रहें ग्रहण जो लगे जो सूरज का हुआ फिर चांद का हुआ इस साल का लास्ट इसमें आप लोगों को जितनी एनर्जी मिली है यानी जितना फ़ायदे में आप रहे हो और किसी स्टार को इतनी एनर्जी नहीं मिली है बिकॉज अगर हम डेट के हिसाब से देखते हैं तो लॉक करते हैं दिसंबर और जनवरी के आगाज़ को सबके सब लोगों के साथ यानी कि जो भी कोई दिसंबर ट्वेंटी थर्ड को पैदा हुआ है या जैन नाइनटीन तक का सफ़र उसने देखा है वो लोग इस सफ़र में बड़े शानदार रहने वाले दूसरे नंबर पर पाइस आता है क्योंकि वो पाइस लास्ट किक है स्ट्रॉलोजी की उसके बाद फिर आप एरीज पर आ जाते हो जंप लगाने के बाद सो ये कैप्रिकॉन एंड पाइस इन दोनों की बीच में 19-20 का एक फ़ासला है पलड़े जो हैं इस तरह जा रहे हैं कि बिना एफर्ट किए हर चीज़ आपके दामन में खुद ब खुद आके गिरना शुरू हो जाएगी सो कैप्रिकॉन सबसे पहले वो जो शदीद स्ट्रेस में रहे हो आप काफ़ी महीनों में जो मुख्तलिफ़ परसेंटेज थी इस पूरे महीने में आपकी परसेंटेज जो है वो बहुत कम है आप दूसरों को इंप्रेस करोगे आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है आपके फाइनेंसेस जो हैं, वो 81 परसेंट तक बढ़ना शुरू हो जाएंगे अब वो जो बढ़ेंगे तो अब आप लोगों को कहां कहां वो इन्वेस्ट करना है लाइक आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो ज़मीन में कर रहे हो क्रिप्टो करेंसी में कर रहे हो स्टॉक मार्केट जो इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट है उसमें कर रहे हो तो आप लोग फायदे में रहोगे अगर आप कोई बिजनेस करते हो लाइक क्लॉथ का कॉस्मेटिक का कैटरिंग का बिजनेस करते हो कोई कपड़ों का जो भी कोई बिजनेस कर रहे हो उसमें परसेंटेज ट्वेंटी से ज़्यादा नहीं लगानी यानी अगर पैसा आ गया तो आपने कहा सारे का सारा लगाना है तो ये गलती नहीं करनी मसरूफियत बढ़ जाएगी उन कैप्रिकॉन वालों की जो जॉब करते हैं क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम दो होने वाले हैं एक वो जो सॉलिड आप कमा रहे हो एक वो जो हिडन है चलो वो भी थोड़ा बहुत लेकिन ये न्यू सोर्स ऑफ इनकम है चाहे वो ऑनलाइन है चाहे ग्राउंड बेसिस पे है आप लोगों को इसका फैसला बड़ा मुबारक रहने वाला है बहुत सारे लोग आप लोगों पे अटैक फूटो के जरिए जादू के जरिए करेंगे लेकिन थ्री डेज हैं जिससे आपको सेफ़ रहना सबसे पहले है ट्वेंटी ये नवंबर की बात कर रहे हैं फिर है 27 और फिर है तीस तो ये आखिरी अशरे के ही तीन दिन हैं इसलिए आप शुरू के बीस इक्कीस दिनों में सेफ रहोगे अच्छा वो भी अटैक ऐसा है कि उसको आची अमल कहते हैं उसमें होता क्या अच्छी अमल में कि कोई भी मिलने मिलाने वाला अगर पकी हुई फॉर्म में कोई चीज आपको देता है खाना पीना नहीं करते हो तो कुछ सिगरेट आपको देता है जिस चीज में पकना यानी आग का शामिल हो जाना शामिल होता है वो देते हैं या फिर कोई ऐसा इत्र देते हैं कि जो डे टाइम एक होता है ना नाइट को सेंट लगाते हो आप एक होता है डे टाइम में लगाते हो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका ताल्लुक़ सूरज के साथ है आतिश के साथ है वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है आपने उसके बारे में मेरे काफ़ी सारे शोज़ हैं जिस पर डिटेल बताई हुई है तो आप सेफ हो जाओगे बाकी बुरी नज़र इसलिए कि जितना आप अपनी पर्सनैलिटी को दूसरों के सामने लेकर आओगे वो नज़र एक होता है ना लग जाएगी तो अगर आपकी हिसारबंदी हो चुकी है तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता मकाम की तब्दीली ये एक बहुत बड़ी अहम जंग है जो आप लोगों के अंदर चल रही है तो कैप्रिकॉन ये मकाम क्या है मकाम आपके वजूद का एक शहर से या एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाना है या एक घर से दूसरे घर में जाना है ये एक शहर और एक मुल्क का जिक्र हम कर रहे हैं एक मकान से दूसरे मकान में चले जाना ये तब्दीली हम नहीं कह रहे हैं ये आपको साद रहेगी मुबारक रहेगी और बहुत बेहतर रहेगी अगर आप डिसीजन ले लेते हो तो फ़र्ज़ करो आप कहते हो अभी नहीं लेकिन हम फ्यूचर में देखेंगे तो आपके पास 122 दिन है टोटल इनको काउंट कर लो जितने महीने बनते हैं इनमें आपको ये फैसला करना होगा कि आपको जहाँ रहना है वहीं आपके प्लानट आपको अपने हिसार में रखेंगे या किसी नई डेस्टिनेशन पे जाने के बाद आप लोगों के सितारे आपको उस हिसाब से ट्रीट करेंगे कीमती चीज़ें आप लोगों की अपने हिफाजत में अपने पास अगर हैं यानी बहुत भीड़ भाड़ नहीं है जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं है लोगों का आना जाना नहीं है तो फिर तो आप सेफ़ हो यानी फिर आपको इतनी ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है वरना अपने दस्तावेज़ा का खास तौर पे आपको ख्याल रखना पड़ेगा पूरे इस महीने में आपको ख्वाब परवरदिगार की तरफ से कुछ स्परिचुअली दिखाएंगे जिसकी ताबीर का पता होना जरूरी है डिस्कस करना ज़रूरी है हर ख्वाब का एक सदका होना जरूरी है कि किस ख्वाब में क्या पढ़ना है कुछ के लिए अल्फाज सदका होते हैं अल्लाह तस्माय मुबारक और कुछ के लिए चीज़ें होती हैं अशिया होती हैं जो आप सदके में दान करते हो तो ये ख्वाब आपको आपकी लंबी जिंदगी की नवीद भी देंगे और लब, रब के करीब होने के लिए भी आपको बहुत सारी फजूलियात से निकाल के खास डायरेक्शन और डेस्टिनेशन भी दिखाएंगे ये याद रखना कि इलाज मालजे के लिए टाइम बहुत अच्छा है आपकी जो पेनफुल सिचुएशन है चाहे जितनी भी सीरियस किस्म की कंडीशन है उससे आप निकल आओगे एक मशुरा आपको मैं जरूर देना चाहूँगा कि जो पुराने आ, कोई अगर दुश्मन है या पुराने कोई लोग हैं जिन्होंने आपसे कर्जा लिया या ख़ुदा न खास्ता कुछ आपका बुरा किया हुआ है उन्हें दोबारा से सेकंड मौका अब आपने नहीं देना इस महीने तो कम से कम नहीं देना है और सब ज़ाहिर है आपने किया है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा वेट को थोड़ा सा कम करना होगा उन हमारे भाइयों और बहनों का जिनका वेट ओवर हो रहा है उन लोगों के लिए एक्सरसाइज और फूड के साथ उनका काम करना जरूरी है आधे सर का दर्द आप लोगों को 16 तारीख 21 तारीख और 27 तारीख को अगर होता है तो इसका मतलब आपके स्टार्स जो है आप पे अच्छा असर डाल रहे हैं इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है सर दर्द की कोई भी दवाई ले सकते हो कर्ज नहीं दे सकते हो स्टॉक मार्केट में मैंने जैसे बताया कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो और अगर आप कोई नशा करते हो चाहे सिगरेट है कुछ भी है तो उसको कम से कम इस्तेमाल करना है वरना आपकी जो हेल्थ है वो किसी किसी एक ऐसे ट्रैक पे जा सकती है जहां पे आपको लंग्स या सांस का मसला हो सकता है अच्छा एक चीज क्योंकि नॉर्मली देखा गया है कि जितने भी कैप्रिकॉन वाले हैं उन लोगों को शुगर वाला मसला हाई में नहीं जा रहा होता है लो वाले में चला जाता है क्योंकि उनको हमेशा मिठास की जरूरत होती है खुद बहुत मीठे होते हैं तो आप लोगों को बता दो जो तखलीकी शोबों में काम करते हैं फनून लतीफा में है आर्ट में है जितने भी लोग हैं आप लोगों को अपनी उस डाइट को बैलेंस रखने के लिए 11 तारीख से 21 तारीख के बीच के पोर्शन में कोई एक आ, मैप बनाना पड़ेगा कि अब हमें ये 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 करना है उन तारीखों में आपको इन चीजों की ज्यादा जरूरत होगी लव मैरिज करने वालों के लिए कामयाबियां दिखाई दे रही हैं लेकिन ये याद रखना कि अगर लव मैरिज करते हो तो ये फाइव ईयर तो आपका रिश्ता सेव है फाइव के बाद गेम चेंज होगी इसलिए आप लॉन्ग टर्म सोचो आपको मैच करवाना है कि नहीं करवाना है ये आपके ऊपर है अननोन लोगों के साथ भी आपके रिश्ते तय होते हुए हमारी बहुत सारी बहनों भाइयों के हो रहे हैं जो फर्स्ट टाइम भी मिले नहीं है फैमिलियों ने रिश्ते तय कर दिए हैं वो बहुत लॉन्ग टर्म भी चल सकते हैं डिपेंड करता है कि सितारा क्या कहता है आपका उस वक्त उस पोजीशन में ये एक और चीज़ है जिन्होंने मुकदमा किसी पर किए हुए हैं या कोई शादी का कोई मुकदमा चल रहा है तलाक वलाक का वो टल जाएगा यानी उसका कोई जवाब नहीं आएगा तालीमी सरगर्मियों में स्कॉलरशिप जहाँ मिल रही है वहाँ भी आपको सर अपना खम कर देना चाहिए और परेशानियों से आप बहुत बचते हुए दिखाई दे रहे हो जो डेट्स आपकी गोल्डन है कैपरिकॉन वालों वो है वन टू थ्री फाइव सेवन एट नाइन ट्वेल्व फोर्टीन सिक्सटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी फोर ट्वेंटी नाइन थर्टी ये वो तारीखें हैं जो आप लोगों की जिंदगी को बदल के रख देंगी अब मैं आपको थोड़ा सा परसेंटेज की जबान में भी समझा देता हूँ कि लव कितना रहने वाला है हमारे जद्दी वालों की जिंदगी में सेवेंटी फोर सो बड़ा हाई नंबर है ये बहुत अच्छा है एंगर थर्टी नाइन है इसको कम करना है रिलेशनशिप एटी एट मनी फिफ्टी सेवन हेल्थ एटी नाइन रूहानियत उन्नीस परसेंट स्टडी एंड एजुकेशन सिक्सटी थ्री परसेंट और इस तरह लक आपका साथ देगी कैप्रिकॉन सेवन परसेंट जो बहुत ही औसम नंबर है और जितने भी कैप्रिकॉन वाले उनके लिए जो तस्बिया हैं वो हैं या मतीनो या समदो आजादी परिंदों की सदके के तौर पे आप दे सकते हो आ, पांच लोगों को खाना दे सकते हो और दूध खुलाए पैकेट वाला सदके में दे सकते हो कैश भी दे सकते हो कलर ऑफ द मंथ जो है आप लोगों के लिए नवंबर में रेड कलर जितना आप पहनोगे फायदे में रहोगे एक्वा ब्लू पहनोगे फायदे में रहोगे येलो पहनोगे तो फायदे में रहोगे ये थी आप लोगों की इस महीने की अपडेट गुड लक कैप्रिकॉन और कोई आके बैठा माइक लगाए बगैर अब मैं हैरान हूँ बैठ भी नहीं सकती बोलना जरूरी है मेरा नहीं माइक लगा के बैठा करें ना आप दूसरों की बातें सुनने के लिए आ जाते हो किसी के <laughs> वैसे है? ही माइक लगा लो जी। अब माइक लगाना जरूरी थोड़ा एक दफा फिर वालेकुम वाले और तीन स्टार रह गए थे तो मैंने सोचा उनको भी जाके हेलो हेलो करा उन्हें तो फिर वो कह अभी दो रह गए

दूसरों की बहुत परवाह करते हैं दूसरों को खुश रखने की बहुत कोशिश करते हैं तो छोड़ दें उनको उनके हाल पर अगर कोई खुश नहीं रह रहा आप हर एक को खुश नहीं कर सकते आप ये दिल में बिठा लें कि आप हरे को खुश नहीं कर पाते और नंबर दो ये है कि प्लीज़ अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखें और उसके लिए ज़रूरी है कि आराम करें रेस्ट करें अब रेस्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप बेड पे लेट जाएं आपने दिमाग को भी फारिग रखना है हर वक्त की सोचें हर वक्त की परेशानियां हर वक्त का स्ट्रेस जो है ना वो चीजें जो है वो आपको सोने नहीं देती और जब आप नींद पूरी नहीं करते रेस्ट नहीं करते हर वक्त कुछ ना कुछ करने में लगे रहते हैं तो फिर आप जल्दी थक जाते हैं और जब थक जाते हैं तो फिर जिंदगी के मामला आप नहीं तय कर पा रहे ये कुछ अरसेकॉन्ग के साथ चल रहा है जैसे वर्गो के हवाले से अगर मैं कहूँ तो आप देखें लास्ट दो तीन साल से एक वर्गो की हेल्थ ठीक नहीं है आप में से बहुत सारे यहाँ वर्गो आके लिखेंगे उनको बैक की प्रॉब्लम है किसी को नेक की प्रॉब्लम है हड्डी की हड्डी की प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ हेल्थ के हवाले से वर्गो के साथ मसाइल है टॉरस के साथ हेल्थ के मसाइल लगे हुए हैं इसी तरह कैप्रिकॉन के साथ हेल्थ के मसाइल बहुत ज्यादा लगे हैं मूड स्विंग बहुत ज्यादा हो रहे हैं ये कैप्रिकॉन के साथ भी है तो प्लीज आप लोग जो है रेस्ट जरूर करें और अपने कैरियर पे फोकस करें जॉब पे फोकस करें यहाँ पर बहुत सारे लोग लिखते हैं जो सिंगल हैं आप उनके हवाले से नहीं बताते तो देखें ज्यादातर उनका जो लड़कियां उनका सिंगल का होगा कि शादी कब हो जाए और लड़के जो हैं वो पूछते हैं अपने कैरियर के हवाले से तो जो कैप्रिकॉन लड़के हैं मर्द हजरात हैं वो अपने कैरियर पे फोकस करें और अच्छे अच्छे आपके रास्ते खुल रहे हैं जी नए टाइम आ रहे हैं तो आप उनको जरूर अवेल करें एक्वेरियस के हवाले से अगर बताएं तो एक्वेरियस आप ट्रेवल करो घूमो फिरो जाओ एक्सप्लोर करो जहा घूमना जाना चाहते हो ये अच्छा टाइम है और अगर आपके साथ आपका कोई प्यारा कोई अपना है तो फिर आपका सफर बहुत अच्छा और मजे का गुजरेगा और एक और कि किसी को बांध के मत रखें अगर कोई आपसे जान छुड़ाना चाह रहा है आपको छोड़ के जाना चाह रहा है तो उसको जा लेने दो कौन कौन अगर मैं तो कहती हूँ दे, देखे आप तो खुद गंवाए इस तरह दो फूल लेके तो आए हाँ ये सब कि मैं तो चाहती हूँ मत आए अगर नहीं आना चाहते तो हमने तो आजाद छोड़ा हुआ राजा दर आप खुद ही आ जाते हैं तो एक्वेरियस आप सुनो छोड़ो इनको तो एक्वेरियस आप लोग भी प्लीज सोचें कि आप लोग भी कैसे कमाएं कहाँ खर्च करें क्यों खर्च करें ये सारी चीजों पे जरूर फोकस किया करें सिर्फ ये नहीं है कि पैसा कमाना कैसे है उसको सेव कैसे करना है सेव करना बड़ा जरूरी है मैं लड़कियों को भी हमेशा कहती हूँ सलीकाशारी कफाइश शारी जरूर अपनी ज़िंदगियों में शामिल रखें बेटियों को तरबियत जब दें सबसे पहले उनको यही सिखाएं कि दस रुपए अगर हैं तो आठ खर्च करती हैं दो बचा के भी रखें आज कल मामला ये है दस रुपये हाथ में होते हैं बीस रुपए खर्च देते हैं फिर कहते हैं जी हालात खराब है ये वाला काम नहीं करना पाइसेस आप लोग मेडिटेशन करें रूहानियत की तरफ़ जाएँ आपको प्लांट्स के हवाले से जो बताती हूँ घरों में प्लांट्स रखना शुरू कर दो मछलियाँ ज़रूर रखा करो मछलियों को खाना ज़रूर दिया करो आप पाइसेज हैं और उसके अलावा आप लोगों का भी जो है ये मोहब्बत के लिए बड़ा अच्छा रोमांस के लिए बड़ा अच्छा टाइम है और प्लीज़ प्लीज़ जो आँख बंद करके दूसरों की बातों पर आप यकीन कर लेते हैं अपनी आँखों को खुला रखें और ख़ुद देख सोच समझ के किसी भी चीज़ को उसका फैसला किया करें या उस पर अमल किया करें तो अपनी आंखों को खोलना पाइसेज आपके लिए बहुत जरूरी है लोग आप... आपकी आंखें खोल हाँ हाँ ये तो ये के साथ तो होता है ना पैसेज के साथ तो होता है तो इसलिए जरूर कर लिया करें आई होप कि आपको एक एक जुमले में जो मैंने बातें बताई हैं उस पर जरूर आप अमल करेंगे और बाकी हम दुआएं तो जी सबके लिए करते हैं और प्लीज ये भी जरूर कहते हैं कि बहुत सारे लोग आके पॉजिटिव लिखते हैं कि हाँ आपने जो बताया बहुत सारी चीजें उसमें ठीक होती हैं तो आपको हमेशा हर स्ट्रोलर ये कहता है कि ये रीडिंग है हंड्रेड परस ठीक भी हो सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल कुछ भी ठीक ना हो और हर चीज हर एक के ऊपर नहीं जाती यही बारह सितारे बारह पूरी दुनिया में हर एक के हैं तो कुछ चीजें आपको सूट करेंगी अगर आपके मोहल्ले में दो कैप्रिकॉन है तो एक अगर का वीजा लग गया तो दूसरे का नहीं भी लग सकता तो आप सोचे आपकी लाइफ में कहा है वो आ, एरर आया हुआ है ये हर्डल्स हैं तो आप उनको हटाने की कोशिश करें या पूछें कि ये हर्डल्स कैसे हटेंगी मेरा वीजा कैसे लगेगा शादी कैसे होगी कोई बंदिश तो नहीं है कोई नजर बद तो नहीं है किसी ने कोई मैजिक तो नहीं करवाया हुआ या क्या प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व किया करें हम आपको देखें साथ में गाइड भी करते हैं बताते भी हैं जो बाकी लोग नहीं बताते हैं कुछ लोग कहते हैं आपका शो लंबा हो जाता है तो इसीलिए हो जाता है कि हम यहाँ पर सिर्फ आके हाँ आपको हम आके अवेयरनेस भी देते हैं हम चीजों के बारे में बताते भी ये, हैं ताकि आप सोल्यूशन निकालने की आप में हिम्मत हो या सोच समझ भी हो बाद दफा ये होता है ना आप कहीं जाना चाहते हैं मगर आपको रास्ता बताने वाला कोई नहीं होता तो हम वो वाला काम भी करते हैं जिनको रास्ता पूछना है तो आप ये वाला सुने जिनको नहीं पूछना वो सिर्फ अपने स्टार पे जाए अपना स्टार सुने और वीडियो को बंद कर दे कोई जरूरत नहीं आप तीन और चार घंटे का शो क्यों सुनते हैं हमने तो कभी नहीं कहा आप चार घंटे का शो सुने ये किसी ने भी आपको पाबंद नहीं किया अब सिर्फ दो या तीन मिनट का अपना स्टार होता है वो सुने और शो बंद करके चले जाए तो ना डाले और दूसरों के लिए भी बुरा ना लिखे ठीक हो गया अच्छा और यहाँ पर और भी किसी ने एक दो सवाल किए थे अब वो पता नहीं कितने चले गए कितने चले गए मुझे क्या मालूम कहीं चले गए जी सब थम्सअप कर दे और मैं किरण फिफ्टी एट जो है वो आई हुई है इन्होंने रहमान रहीम का वजीफा किया था जी।, जी और इनका बहुत सालों से इनका काम जो है यूके में इमिग्रेशन का जो था परमानेंट का था वो काम नहीं हो पा रहा था इन्हें बिस्मिल्लाह का वजीफा बताया और इन्होंने किया है अल्हम्दुलिल्लाह अब इनका जो है वो काम हो गया है और ये यूके में परमानेंट हो गई हैं तो प्लीज आप लोग भी किया करें आप लोगों को इसीलिए बताया अब बिस्मिल्लाह का वजीफा इंस्टाग्राम पे भी है अगर आप मेरा सीमी कहानी पे जाएंगे वहां भी है Thank you, टिक टॉक पे मैंने पिन भी कर दिया है वो आपकी हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जो भी आपकी हाजत ख्वाइश फरमाइश होगी उसके लिए है ठीक हो गया दिए और दिए। बाकी आऊंगी जी एंड पे अगर दुआ करनी हुई तो तब और बाकी आप लोगों की मजा कर रहा हूं मैं दो में स्टार्थ। ये स्टार्स बताने लगा हूं जी और ऐसे ही आपने लगा लगा के ना फिर मैं नाक तो बंद हुई पार्टी ठीक है भी जिंदगी में ऐसी जरूरत नहीं होती है डीसी की जरूरत होती है या पीसी की जरूरत होती है ओके इक्वेस वालों आप लोगों के स्टार सामने आ, दिखाई दे रहा है जन्नत से आप लोगों का ताल्लुक है और एक बेस वाले जितनी आसानी से इस दुनिया में सरवाइव करते हैं लोगों को लगता है कि जी बड़ा आसान है इनका सरवाइवल मोड ऑन होना सबसे पहले दलो जो जैन थ्नि से लेके फैबेटीन तक जितने भी लोग पैदा हुए हैं वो चाहे सन या चाहे मून कुछ भी ताल्लुक है आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप सिर्फ और सिर्फ रोजोलॉजी पे फोकस कीजिए कि हम आपके लिए क्या लेकर आए इस दुनिया से चुरा के उस दुनिया तक के सफ़र को बेहतर करने के लिए इक्वेरियस वंडरफुल है ये महीना इस महीने में सबसे अहम चीज़ होने वाली है हंगामा खीजी जो है वो आपकी हेल्थ में आने वाली है वो जो एक सुस्ती तकलीफ़ या आपको जो साउंड इफेक्ट्स का आना का होना बुरी नज़र का लगना एब्सोल्युटली आप सिंगल स्टार हो जिस पे पूरे महीने में कुछ भी नहीं होने वाला है वो मुख्तलिफ़ डेट्स हैं जिसपे कुछ आवर्स के लिए है लेकिन उससे आप पे कोई मुतासर नहीं करेगा आपके सितारे को या आपकी लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है अब ये जहन में रखो कि दुश्मन की जो चाल है चाहे कोई भी दुश्मन है आपके अगेंस्ट जो भी चल रहा है बिकॉज आप लोग दुश्मन बनाने वाले लोग नहीं होते हो लविंग केयरिंग वाली पर्सनैलिटी के लोग हो लेकिन लोग हसद की बुनियाद पर पे, आपके पेरेंट्स या आपके हस्बैंड या आपकी बीवी या आपके बच्चे किसी भी एक टूल को पकड़ के उसको जद में लेकर आते हैं और आप उसके अटैक का शिकार हो जाते हो जैसे माँ के ऊपर अगर किसी ने जादू किया है तो जो भी गैर शादीशुदा बच्चे होंगे वो उसकी इज्जत में ज़रूर आएंगे या फिर कोई ऐसा जिसके सितारे ऑलरेडी जवाल में चल रहे हैं मैजिक उसके ऊपर है और उसके पेरेंट्स या उसके हस्बैंड के ऊपर हुआ है तो वो वाइफ के ऊपर बच्चों के ऊपर भी उसके असरात होना शुरू हो जाते तो दुनिया बड़ा आसान है किसी को भी इस वक्त मारना यानी आपको बम बारूद की जरूरत नहीं होती है इसीलिए इन चीज़ों को हराम करार दिया गया है कि ये जो जादू टोना है ये आप करते हो हम सारी जिंदगी ख़त्म कर, कर के मर जाते हैं लेकिन अभी भी लाइनें लगी होती हैं लोगों की कि बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट्स ऑफर कर रहे होते हैं कि आप फ़लां के लिए ये कर दीजिए फ़लां के लिए हम तो हाजिर हैं जमीन हैं जायदादें हैं परिगार ऐसी एक बूंद से भी बचाए कि पूरी ज़िंदगी आप आ, एक ऐसे सफ़र का हिस्सा रही हैं जहाँ पर आपको सिर्फ सुकून रहा है चाहे आपका अपना नुकसान बहुत सारे लोग हैं बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त भी लाइव देख रहे होंगे जिन्होंने झूठ बोल के अपने काम करवाए मेरे पैसे कार्ड से भी बहुत सारी चीज़ें उन लोगों की हेल्प भी की और वो इतना सो चोरी करने के बाद धोखा देने के बाद ये समझ रहे हैं कि उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी और मैं सिर्फ एक स्माइल देता हूँ ब्लॉक तो कर ही देता हूँ लेकिन उसके बाद स्माइल की मेरी जिंदगी का अभी पार्ट तो नहीं रहेगा क्योंकि अब इसके साथ जो होने वाला और वो मैं नहीं करता हूँ मैं कलमा मोहम्मद वाहल बैत की कसम खा के गया तो मैं नहीं करता हूँ मेरी वो सिर्फ मुस्कुराहट जो दर्द में डूबी हुई होती है वो मेरा मुरशद मौला अली मेरे परवरदिगार मेरा अल्लाह खुद ही समझ लेता है तो अल्लाह पे जब छोड़ोगे तो फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है पर आपका मसला नहीं है आप अगर खुद इंतकाम लेने वाले हो तो फिर ठीक है पर जिस तरीके से लेना सो मेरा इंतकाम यही है कि मेरा जो बदला लेने वाला है बहुत डर है उसके कहर से भी कोई बच नहीं सकता है तो उन लोगों के लिए जो इस तरह के चीट करके काम कर रहे होते हैं पूरी दुनिया में ठीक है आप लोगों के साथ सेम यही होता है एक क्योंकि आपकी वो जो एक मसरूफियत का सिलसिला है जिस दौर में आपने आसमान पे पहुंचना है बहुत सारे हमारे मुल्कों में तो ये होता है लड़की जवान हुई बाईस साल इक्कीस साल की माँ बाप को फिक्र शादी कर दी शादी कर दी शादी वो उसका करियर तबाह वो बचपन में जो माँ बाप स्कूटरों पर और साइकिलों पर ले लेके बच्चों को जाते रहे उनकी तालीम भी खटाई में पड़ जाए बस बी कर लिया तो अब ब्याह कर ले ना बी से ब्याह का क्या ताल्लुक है एम ए हो गया तो ब्याह कर ले खानदान वाले बातें करें कुड़ी कुछ वड्डी होगी तो अड्डी मतलब उनका अपनी कोई लाइफ ही नहीं है तो हमारे यहाँ लड़की का क्राइटेरिया कि बीस के बाद शादी कर दो उसको ठीक है अगर अच्छा रिश्ता मिल रहा है और समझ रहे हैं लेकिन आजकल कम उम्रियों की शादियां खत्म भी इसी तरह हो रही हैं क्योंकि उम्र कम होती है जज्बात तो बड़े होते हैं इसीलिए कच्ची उम्रों में बहकने का सबब है इतना उम्र कम होती है जज्बात बड़े होते हैं जज्बात बड़े हैं तो आप नहीं कर सकते सुकून नहीं रहता अब आप एक बात याद रखना अपनी जिंदगी में इक्वेरिस वालों अब वो मकाम है जहाँ पे फैसले सिर्फ आपको अपने दिल की सुननी है डर गए हो बहुत ज़्यादा आप ये नहीं करना वो नहीं करना अब सिर्फ दिल की सुनो थोड़ा सा अल्लाह के ऊपर भरोसा करो और जो बनने के लिए आए हो ना इस दुनिया में वो बनो देखो दुनिया बड़ी अजीब सी है इसमें हर कोई सब कुछ बनने के लिए तैयार है लेकिन आप अगर इजहार करोगे तो आप उसे बिल्कुल अच्छे नहीं लगोगे पूरी दुनिया में बहुत सारे लोगों से मिला अब यकीन करो कि अमेरिका में लोग जाने के लिए तरसते हैं मैं अमेरिका में कुछ ऐसे लोगों से मिला हूं जिनको 32 बरस हो गए हैं सिर्फ एक सिटी में एक दुकान चलाते हुए यानी एक ही शहर में एक दुकान चला रहे हैं दुकान पंद्रह साल रही दूसरी दुकान पे शिफ्ट हो गए अचीवमेंट ये हुई कि एक दुकान से दो दुकानें बना ली उसी शहर में खुदा की कसम उन्होंने कहा है बत्तीस सालों में ना तो हम अपने वतन गए ना ही हम न्यूयॉर्क स्टेट गए हैं हम यही इसी शहर में हमारा कोई है ही नहीं तो हम इसमें खुश हैं हम पैसे कमाएं हम हमारे बीवी बच्चे हैप्पी तो कुछ लोगों के लिए दुनिया बस इतनी होती है एक महबूब एक बच्चा एक बीवी एक खामिंद एक दुकान और एक वो शख्स होता है जिसको अल्लाह ताला कहता है डिस्कवर करो मुशर करो मेरी दुनिया को और मेरी कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे यानी डिफरेंट कंट्रीज़ के फूड तुम खा रहे हो ऐसे ऐसे नायाब फल हैं और मछलियाँ और खुराक हैं तुम किस किस नियमत को जुटलाओगे डिस्कवर करो मुसखर करो वो हैं जिनका मेरी तरह सफर ही ख़त्म हो रहा होता सो so, हिसाब तो होना है कि भेजो मैंने तुम्हें रंगीन दुनिया के लिए था वह क्या कुछ था तुम सफर करते तो मैं तुम्हारी कहानी और डिफरेंट कर देता पर तुमने इंतखाब किया कुएं का तो मेंढक मैंने वहीं रखा गलत नहीं अगर आप कंफर्टेबल हो तो okay. लेकिन व्हाई कंफर्टेबल हो मतलब तो बत्तीस बरस में काबा भी नहीं देखा किबला भी नहीं देखा बत्तीस बरस मतलब मेरे लिए बड़ी हैरत की बात दुबई में जब वैसे तो फैमिली मुझे ड्रॉप करती है बेटा मुझे छोड़ा लेकिन कभी अगर मैं टैक्सी में आ रहा हूँ तो ज़्यादातर यहाँ हमारे पठान भाई हैं या इंडिया से कुछ हैं उनसे ज़्यादातर पठान से पूछे आप कब से नहीं गए पाँच साल हुआ है हमारे हम नहीं गया है वो पैसा कमाता है ना इधर बस फिर जाऊँगा के लिए जाएगा तो वहाँ अपना घर वार शुरू किया पाँच साल एक ही जगह पर वो आपका अपना फैसला है जबकि आपको यहाँ गवर्नमेंट छुट्टी देती साल में एक बार या दो बार समझ आ रही है कुछ चीज़ें तो लाइफ बहुत हसीन है मैं कुछ जगहों के बारे में इंशाल्लाह भी आगे कुछ व्लॉगिंग करेंगे हम बताएंगे आपको कि दुनिया में ही अगर आप जन्नत जिस जगह को कहते हो वो सिर्फ ये नहीं है आप स्कॉटलैंड चले जाओ स्विट्जरलैंड चले जाओ अमेरिका जन्नत तो हर जगह पर वह जन्नत है क्या वहां आपको सुकून कैसे मिलेगा आपको मेरे साथ रहना उस जर्नी में नया सफर है नई चीजें होंगी आप बहुत इंजॉय करने वाले तो मेरे इक्वेरिस वालों तीन चीजें अब आपने कंट्रोल करनी है सबसे पहले आपके ऊपर जो जादू टोना ये क्लीन है उस दिमाग से वहम को निकाल दो क्योंकि इस वक्त वहम जो है एट्टी फाइव परसेंट है एक वालों को कि जी हमारे दुश्मन है लोग हम पे जादू कर रहे हैं नो no, नथिंग जादू ठीक है क्योंकि इस महीने क्लीन होगा आगे अगर आपने हिसार नहीं किया हुआ तो फिर तो डेफिनेटली अटैक होगा और हिसार है तो फिर कभी भी नहीं होगा दूसरी चीज रिलेशनशिप को फाइनल मोड नहीं देना है मतलब वो होता है कि जी इस बार भी हमने एफर्ट कर दी और शादी नहीं हुई बाढ़ में गया छोड़ दो उसको ईजी कर दो अपने आप को बिल्कुल लाइट कर दो क्योंकि इस महीने अगर नॉर्मल शादी करना चाहते हो तो आप लोगों के पास दो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज होंगी जिसमें आप शादी कर लोगे तो नॉर्मल जिंदगी गुजारोगे आउटस्टैंडिंग नहीं लव मैरिज करना चाहते हो तब भी आपके लिए बात पक्की हो सकती है दूसरी चीज आप अगर आप बिजनेस इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो कहीं जॉब स्विच करना चाह रहे हो अपनी कारकर्दगी को बेहतर करके मीडिया सोशल मीडिया पॉलिटिक्स ग्लैमर किसी भी फील्ड में हो तो आप लोगों का नाम दूसरों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ नजर आ रहा है फिर इस वाले कम अज कम अगर एक दो बार सेप्लियां आई हैं हुए हो तो अब अगर आप ट्राई करोगे तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि ब्रेन बूस्टिंग बहुत गजब की और बला की यादाश्त आपकी होने वाली है तलखियां जिंदगी से रिमूव होती हुई दिखाई दे रही हैं सो नवंबर मैंने कहा जैसे आपका महीना है आपकी पर्सनालिटी में एक ऐसा मैग्नेट लगने वाला है कि अब आप जिस भी महफिल में जाओगे वहाँ सिर्फ आप ही दिखाई देगे और लोग आपसे हसद भी करेंगे जाहिर है सामने सामने नहीं वो रिएक्शन आएगा लेकिन आप वाइब्स को रीड करना सबसे आसानी से आप लोग जानते हो कोई तीन सितारों के बारे में ये कहा जाता है कि वो दूसरों की वाइब्स को महसूस कर लेते हैं और वो आखिरी तीनों स्टार्स होते हैं कैप्रिकॉन एकवेरियस एंड पाइसिस बाकी लोगों की परसेंटेज 50 परसेंट है कि उन्होंने कभी सही जज किया और ना किया ये वो हैं जिनकी परसेंटेज नाइट सेवन परसेंट होती है कि ये लोगों की आंखें लोगों की बू लोगों के एक्सप्रेशन या लोगों के स्टिल होने की आवाज से भी ये बता देते हैं ये सही है ये गलत है और वो गलत नहीं होते हैं क्योंकि इनकी स्परिचुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थिंकिंग होती है लेकिन सबसे ज़्यादा पेला ही नहीं को जाता तो आप लोगों को आप लोगों के हाथ में रगड़ा नहीं आना है आप लोगों की हेल्थ अच्छी है वो हमारी बहनें और भाई जिनके मुकदमे अदालत में थे कि जी तलाक होनी है चल रही थी उनकी तलाक हो जाएगी फिर नई अपॉर्चुनिटी आएगी आपकी जो ख़ास चीज़ें हैं जैसे कि आप लोगों को इम्तान में कामयाबियाँ होंगी वीज़ा इमिग्रेशन में कामयाबियाँ होंगी किसी मुल्क में सफ़र पर जा सकते हो हज उम्रा या ज्यारात प्लान करना चाहो तो बहुत आसान होगा माली मुश्किल ख़त्म हो जाएंगी और एक अदारे से दूसरे इदारे जाना बहुत आसान होगा यानी जॉब स्विच करना एक मकान से दूसरे मकान आप शिफ्ट हो सकते हो ये भी बड़ा आसान रहेगा और बे औलाद जो हमारी बहनें उनको अल्लाह ताला की तरफ से एक नवीद मिल जाएगी क्योंकि इसमें सेवनटीन डेज़ ऐसे हैं जिसमें आप कंसीव कर सकते हो सो रूहानी एतबार से भी आप बहुत ज़्यादा दलों वालों इस्ट्रॉग पोजिशन पर हो डेज़ जो हैं आप लोगों के लिए कमाल वो हैं जी वन थ्री सेवन नाइन अलेवन फोरटीन फिफ्टीन सेवनटीन नाइनटीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी नाइन एंड थर्टी ये वो तारीखें हैं जो साफ़ से बेस्ट डेट्स आपकी मानी जाती हैं अब मैं थोड़ा सा आपको अपनी जबान में समझा देता हूँ कि हमारे इक्वेस वालों के लिए लव परसेंटेज कितना है फिफ्टी वन सॉलिड सॉलिड मतलब बहुत स्ट्रॉग लेकिन एंगर है थर्टी थ्री और ये खुद पे गुस्सा है आपका दूसरों के ऊपर बस नहीं चलेगा रिलेशनशिप 76 है क्योंकि आप मिलीजुली रिएक्शन के साथ इस महीनों को गुजारोगे मनी 48 हेल्थ 76 परसेंट आप लोगों के लिए स्परिशलिटी है आ, आ, 17 परसेंट स्टडी एंड एजुकेशन 69 परसेंट लक आपका साथ देगी 44 परसेंट जो कि बहुत ही सॉलिड रहने वाला है और तस्बीहात आ, आपकी यहाँ हैं इक्वेरियस वालों की आ, या मुकदमों या अव्वलों

मैसेज पढ़ नहीं रहे और आपकी टीम बता नहीं रही थी तो मैंने बत, सोचा बता दूं एक तो कुछ लोग कैंडल्स लेना चाह रहे हैं ठीक है जी पाकिस्तान में आप डिलीवर कैसे करेंगे ये बता दें दे है, है, और दूसरा उनको बता दें, दें मीटिंग कैसे होती है लोग आपसे कैसे और वो डिटेल में थोड़ा सा बता दे तो ये दो तीन बातें थी मैंने आपको मैं बता देता हूँ आपको बिल्कुल सही बता दूँ मैंने कहा मैं सामने आ जाओ और प्लीज आप आप चाय की तैयारी करें क्योंकि लास्ट आर है और उसके बाद फिर चाय भी पक जाएगी मेरी गुफ्तु चाय जो है <laughs> बनाएं ये मौसम जो चेंज हो रहा होता है तो आपको पता है हर घर की ये अब कहानी है नजला ज़ुकाम बुखार वायरल जो है ये फैला हुआ है तो कोशिश करें मैं जो चाय बनाती हूँ उसमें ये होता है कि अदरक का एक हाफ इंच का टुकड़ा लेती हूँ एक दार चीनी अच्छा दार चीनी अब जो हम अक्सर हमारे गर्म मसाले में होती है ना जो ऐसे सीधी होती है वो ओरिजिनल दार चीनी नहीं होती दारचीनी होती है हमेशा गोल होती है जो ऐसे राउंड में होती है वो जाके आप पता करें आप हर जगह से वो मिल जाती है अरब में तो बहुत होती अरब है अरब में तो आसानी से मिलती है आपने दारचीनी का एक टुकड़ा डालना है एक दो इलायचिया डालनी है और उसको थोड़ी देर के लिए आपने कड़ाना है पकाना है फिर उसके बाद उसमें आप पत्ती डालें आप पत्नी डालें पत्ती ना डालना जरूरी है डालना पड़ता है पत्ती को खूब कड़ाए कड़ाए पकाए उसकी चाय बनाएँ और वो चाय पिया करें वो जबरदस्त है बहुत है। अच्छी है अच्छा मैंने एक यखनी की वीडियो डाली थी जो सबने बहुत पसंद की बनाई तो राज राजादर ने थी और अभी जो मौसम चल रहा है वो वाली यखनी जो मैंने तरकीब बताई है प्लीज़ वो वाली बनाएं जो अक्सर बाजार में भी आपको मिल जाती है बाजार में तो वो एक ही चूज़ा टांगा होता है और उसी के ऊपर पानी डालते हैं आपको मिलाते हैं घर में बड़ी आसानी से बनती है क्योंकि आजकल कल फैशन क्योंकि हो गया है सूप का और सूप के अंदर जिस वक्त आप सिरका डालते हैं या सोया सॉस डालते हैं ये चीजें डालते हैं तो जिनको थ्रोट प्रॉब्लम होती है गला खराब होता है वो ज्यादा हो जाता है खांसी उससे ज्यादा हो जाती है उन लोगों को बिल्कुल भी वो वाला मत दें हाँ जिनको ठंड लगती है नजला वगैरह होता है जुकाम होता है आप उनको तो सूप दे सकते हैं लेकिन यखनी बनाया करें यखनी बना के और वो वाली दें वो बड़ी सिंपल सी आसान सी तरकीब है जाके उसको भी वीडियो को देख लो अल्लाह वास्ता है लाइक शेयर कर दो बिल्कुल सही टिक है टिकटॉक पे भी चले जाएं सिमी हैदर और सिमी क्या इंस्टाग्राम ठीक है तो हैदर आप प्लीज कैंडल्स के वाले से मैं बिल्कुल अभी बता देता हूं और जो हैदर ने आपको बताया ना वो पिंक वाला आपने जो बताया था जी उसका ये है कि वो आपका लव रिलेशन को बढ़ाएगा रोज रोजकॉर्ट से रोजकॉर्ट का जो है उसका उसकी ज्वेलरी भी होती है उसके कैंडल्स भी होती हैं हमारे पास उसकी ज्वेलरी भी है अगर आप लेना चाहते हैं उसका ब्रेसलेट भी मिलेगा उसका नेकलेस भी मिलेगा अगर रिंग में आप एक उसका स्टोन सिर्फ लगवाना चाहते हैं वो भी मिलेगा वो आपका लव रिलेशन को बढ़ाता है जिन लोग जो लोग कहते हैं हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा या महबूब के साथ अच्छा नहीं है आपका रिलेशन और आप चाहते हैं कि मोहब्बत में गिरफ्तार हो आप जरूर जरूर वो अपनी जिंदगी में शामिल करें वो आपकी लक को ओपन करेगा वो आपके फाइनेंस को ओपन करेगा तो जबरदस्त है जी और इनके बारे में भी हम आपको इसीलिए बताते हैं कि बाहर की दुनिया में ये चीजें बहुत बहुत आम है मगर हमारे लोगों में ना तो कोई बताता है ना किसी के पास ये इल्म है और लोगों को यही लगता है कि हमें अगर जो कह रहे होते हैं ना तीन चार घंटे की आपकी वीडियो थी बाकी स्टॉल तो तो बाकी स्टॉलजर क्या करते हैं वो तो मक्खी पे मक्खी मार देते हैं ना आके तो हम तो इतना कुछ आपको आके फ्री में दे रहे हैं उन लोगों के लिए जो मीटिंग अफोर्ड नहीं कर सकते ये सारी आसानियां उनके लिए करते हैं तो ठीक है To say thank you. तो थैंक यू थैंक यू जी ओके okay, जी ओके अल्लाह हाफिज थैंक यू प्लीज डोनीट कर दीजिए और uh, ये जो सिलसिला हमारा आप ने लोगों ने के ने साथ ने। ये चल रहा है और ये अभी मैं आपको बता देता हूँ ओके मैम ने अभी जो दो चीज़ें कही हैं पहले आप लोगों को मैं एक बार फिर से बता दूँ कि जो कैंडल विथ स्टोन्स कैंडल के अंदर ही फोर डिफरेंट स्टोन्स होते हैं जो आपकी हीलिंग पावर लक मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए डिपेंड करता है आप किसके लिए बना रहे हो तो मैं आपको वही सेंड करूँगा पाकिस्तान वालों के लिए बड़ा ईजी है इसमें तकरीबन टू वीक्स जाहिर है पूरा हिसार और उसके लिए लग जाता है और अगर आप लोग मियाँ बीवी हो तो फिर आप लोगों के लिए कैंडल काफ़ी होती है लेकिन अगर आप फैमिली में और भी कोई लोग हैं तो फिर उसके लिए अलग कैंडल होती है क्या प्राइस है कैसे है वो आप ई करोगे तो आपको पता चल जाएगा और सिर्फ कैंडल ही नहीं होती उसके साथ आपको और भी कुछ गिफ्ट यानी हिसार करके दे दिए जाते हैं और ई ये लिखा है तो राजा हैदर डॉट कॉम उन लोगों के लिए जो अभी हमें ई करते हैं और वो हमारे पीए है जो हैं वो पूरी डिटेल उनको बता देंगे मिस्टर शिकील और बाकी आप को बता देंगे ठीक है इसमें क्योंकि आप जिस वक्त इस्तेमाल करोगे हर दुनिया का एक अलग तरीका है कि आप सेंटेड कैंडल जितनी भी लोग इस्तेमाल करते हैं कहते हो बहुत मज़ा आ रहा है चाहे आप उसे वॉशरूम में रखोगे चाहे आप उसे बेडरूम में रखोगे नॉर्मली बेडरूम में या घर के दरवाजे के करीब या किसी लिविंग में आप जब रखते हो तो आपको ख़ुद पता चलेगा कि रोज़ाना अगर आप आधा घंटा लगाते हो या हर थर्सडे को आप आधा घंटा उसको लगाते हो तो आपकी ज़िंदगी में कितना बड़ा चेंज आता है आपको ख़ुद फील होगा कि जो नेगेटिविटी है या जो जादू है या जो मौक़िल की वजह से है वो इस तरह से आपसे दूर भागेगा क्योंकि ये एक वाद चीज़ है कि आग आग को जलसा देती है वो मिक्स करके उसको उड़ा देती है तो असल चीज़ उस कैंडल की कमाल नहीं है उसके अंदर इस्तेमाल होने वाली चीज़ें और पढ़ाई है जिस जो आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा कैंडल तो कहीं से भी आप स्मॉल भी वैक्स उठा लोगे स्टोन्स भी लोगे लेकिन जो कि आपके नाम की पढ़ाई नहीं होगी उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा लाइक मैं सबको कहता हूँ ये हमारा बर्थ स्टोन कौन सा है कोई भी ले लो जो भी आपका बर्थ स्टोन है कहीं से भी ले लो क्योंकि मैं जो स्टोन्स देता हूँ वो ज़ाहिर है आपको हिसार के साथ मिल रहे होते हैं सो हिसार बंदी इज फ्री विद द रिंग एंड लॉकेट एंड एवरी थिंग ठीक है तो वह आप उसके लिए भी रब्ता कर सकते हो दिज नॉट प्रमोशन फॉर माई बिजनेस अल्लाह का शुक्र है जो भी चल रहा है वो आप लोग नहीं भी करते हो तो बहुत सारी uh, पूरी दुनिया में जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पर ये चीज़ें चली रही होती मेरी बट ये आप उन लोगों के लिए है जो घरों में बैठे हैं और उनके लिए आसानियाँ हो जाएंगी ठीक है और आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको मेरी किताब अकल है मैव तमाशा चाहिए जो कि स्परिचुअली बेसिक्स आपको समझने के लिए कि रब से कैसे आप रहा करें अगर आप किताब पढ़ने की शायक हो तो आप जब भी मीटिंग करते हो आप मुझे ज़रूर बता दिया करोगे जी हमें वो किताब चाहिए तो वो भी आप के घर तक हमारी तरफ़ से डिलीवर हुआ करेगी एंड थैंक यू चलो अब लेकर जा रहा हूँ पाइसेस लास्ट आ रहा है हमारा जाहिर है मस्किना बच्चे बट ये मस्कीना के बच्चे नहीं है ये सबसे एक डिफरेंट पर्सनलिटी का आ, चार्ट होता है जिसमें स्टार्स अल्लाह ताला ने अपने हिसाब से रखे होते हैं कि ये जो पाइस है फैप नाइन्टीन से शुरू होता है मार्च ट्रेनी तक ये रहता है इनके लिए नवम्बर कैसा है देखो पर्सनैलिटी बिल्कुल डिस्क्राइब करना ज़रूरी नहीं है कि क्या है क्योंकि अगर लास्ट पर रखा है मेरे परवरदिगार ने तो इनके अंदर जो एनर्जी और मैग्नेट पावर है वो दूसरे से ज़्यादा यानी अगर आप लोग बहुत जल्दी थक जाते हो किसी काम को करते हुए तो ये सेवेंटी परसेंट ज्यादा माइलेज देंगे आपको इनके अंदर एक ताकत होती है कि ये किसी भी एक चीज को अगर हासिल करना चाहते हैं चाहे ये पी बन रहे हैं डॉक्टर बन रहे हैं इंजीनियर बन रहे हैं ब्यूटिशियन बन रहे हैं फैशन डिजाइनर बन रहे हैं मॉडल बन रहे हैं कुछ भी बन रहे हैं और ये मुकम्मल उस जहां को समझ लेते हैं इसकी वजह से ये नवंबर का महीना इन लोगों को बूस्ट कर रहा है ये एक इनामी महीना है इन लोगों के लिए जितने भी पाइसेस वाले होत वाले उन लोगों को क्या फायदा हो रहा है इससे कि इसमें आपकी तीन चीजें ग्रो कर रही हैं सबसे पहले आपका ट्रैवल यानी हिजरत के सारे सबब बनना शुरू हो जाएंगे वो हमारे भाई वो हमारी बहनें जो मुल्क से बाहर जाके सेटल होना चाह रहे हैं काम करना चाह रहे हैं पढ़ना चाह रहे हैं अपना फ्यूचर देखना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए नवंबर स्टार्ट यानी फर्स्ट वीक का अख्ताम होते ही आप लोगों के लिए ताक़त आना शुरू हो जाएगी एनर्जी आना शुरू हो जाएगी स्पिरिचुअल अगर आप लोग हो तो फिर दुआ रोज़ा नमाज उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व रहोगे तो आप लोगों का ये काम बाकी जो ग्यारह अफजो ड हैं उनका नहीं होगा लेकिन आपका हो जाएगा आप लोग दूसरे मुल्कों में सेटल होते हुए आइंदा आने वालों कुछ महीनों में दिखाई दे रहे हो सीक्रेट मूव रखनी है बहुत खामोशी से ये सफ़र करना है यानी कानों कान किसी ऐसे अन बंदे को भी ना पता चले कि आप मुल्क से बाहर जा रहे हो वो बहुत ज़रूरी है ना अगर किसी का बताना कि जिसकी इजाजत के बगैर मुमकिन नहीं है सिर्फ उसको जैसे आपके हस्बैंड हैं आपकी माँ है या भाई है, कोई भी जो हो सकता है बाकी आपने सीक्रेट रखना है क्योंकि ये ये जो बबल स्टार्स होते हैं बड़े डेंजर होते हैं इसमें ये होता है कि अगर ये हंगामा आर के तौर पर बताते हो किसी को बताते हो हाँ, 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 बड़ी जल्दी हम ये कर लेंगे तभी आपका काम डिले में चला जाता है या फिर वो नहीं हो पा रहा होता सो इस वक्त आप लकी पोजीशन पे हो दूसरे नंबर आपकी फाइनेंस पोजीशन, यानी गेम चेंज होगी अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब का इदारा बदल सकते हो आपको बहुत आसान होगा इंटरव्यू देते हो तो बड़ी जल्दी सेलेक्ट हो जाओगे बेरोजगार हो तो आपको रोजगार मिल जाएगा शुरू में आपको लगेगा कि ये आप डिजर्व नहीं करते हो बड़ा छोटा है हमारे कैटेगरी नहीं है लेकिन आपको इन होने के लिए जरूर करना है क्योंकि आगे चल के आप लोगों के लिए आसानियां इसी से हो जाएंगी एक बात और क्योंकि इस वक्त जो पूरे जोड़ी एक साल आखिरी जो चांद गिरन हुआ उसने आपको एनर्जी दी है हेल्थ बूस्टिंग के लिए तो आपको अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखना है क्योंकि जो कम खुराक वाले हैं उनको नॉर्मल ख़ुराक की तरफ आना है जो अपनी हेल्थ को बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे यानी हेयर एंड स्किन की जो डिजीज़ है वो कवर होना शुरू हो जाएंगी जो पहले थी वो बिल्कुल रिफ्रेश मोड पे आ जाएंगे आपको किसी बड़े इलाज मालजे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लेकिन आप तथीरी प्रोसेस अगर अपना जारी रखोगे तो बहुत आसान हो जाएगा किसी महफिल में आते जाते हुए आपको बुरी नज़र लग सकती है वो एक अलग चीज़ है लेकिन कम से कम अपना आना जाना किसी के यहाँ रखना ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे अच्छा जो ऑनलाइन काम करते हैं या बिजी रहने वाले हैं या किसी एक इदारे में जाते हो और आते हो उन लोगों के लिए जाहिर है इम्प्रेसिव हालात अल्लाह ताला बना रहा है दूसरों को अपनी ग्रिप में बड़ी आसानी से कर लोगे इसमें एक डाउनफॉल जो है वो है एंगर एंगर बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी हो रहा है और नीचे भी जा रहा है सो कंट्रोल किस चीज़ को करना है गुस्से को सब्र वाले वो, वो, जितने भी पाइस हैं उन लोगों के लिए अपने वजूद का एहसास दिलाने की ज़रूरत नहीं है जिनको एहसास है वो जानते हैं आपको अल्लाह ताला कहा मदद करेगा ड्रीम्स में ख्वाब के जरिए अल्लाह ताला आप लोगों के सारे के सारे सवालों के जवाब चाहे वो नेगेटिव है पॉजिटिव है आप कोई भी फैसला कर रहे हो आपको जवाब नहीं मिल रहा मुझ तक रसाई नहीं है ईमेल आपको नहीं मिल रही है तो आपको ख्वाब के ज़रिए बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाएगा ये याद रखना कि रूहानी तौर पर आप काफ़ी ज़्यादा इस्ट्रांग दिखाई दे रहे हो अपने पेरेंट्स के करीब रहने की कोशिश करना क्योंकि वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा दुआओं के जरिए जो फैज़ मिल रहा है वो मिलेगा ही मिलेगा एक बात और याद रखना कि कुछ पुराने रिश्ते चाहे आप लोगों के किसी के साथ मोहब्बत रह चुकी है फेयर रह चुका है अगर वो दोबारा से आपकी जिंदगी में इन होने की कोशिश करे तो स्ट्रिक्टली बैन ब्लॉक वाला सिलसिला करना होगा उनसे कथा ताल्लुक करना होगा यहां तक कि जिन बहनों की शादी हो चुकी जिन भाइयों की शादी हो चुकी और दोबारा से वो पेयर रहा है कि जी हमने रीमैरी करना है ठीक है बुरा बुरी चीज नहीं है लेकिन आपके इस केस के हवाले से बहुत बुरा सो नवंबर दिसंबर दोनों इस चीज के लिए नहीं है तो इसलिए भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकते चाहे वो कितना ही ज्यादा दुखी अपने आप को पेंट करके आपके सामने ये मेरा मेरा एडवाइस है मशवरा है वरना आप लोग कहोगे कि यार उस वक्त तो हम जज्बात में आ गए थे हमारे लिए ये बड़ा मुश्किल हो गया था ये बड़ा ज़रूरी है पागल कर देती है मोहब्बत हर मोहब्बत करने वाले को क्योंकि इश्क हार नहीं मानता और दिल बात नहीं मानता तो इससे पहले कि आप इश्क में पागल हो जाओ आप थोड़े से सेंसेस का इस्तेमाल करना आप लोगों को पता चल जाएगा कि जो एक्स जितने भी रिलेशन है अब करंट सिचुएशन में आपको जो न्यू रिलेशन मिल रहे हैं उसका हिसाब लगवाना ज़रूरी है कि ये कितना लंबी रेस के साथ जाने वाले हैं पाइस के लिए हर इंसान नहीं होता है जाहिर है ये वो साज है जो हर ताल पे गाया नहीं जाता तो आप लोगों के लिए बड़े मखसूस लोग अल्लाह ताला ने रखे हैं जो आपकी उस मिजाज को समझ के आप तो ढल जाओगे लेकिन आपके साथ कौन ढलेगा शून्य इसलिए उस शून्य को ढूंढना है कि ये कौन है शून्य और मुन्ने आप लोगों के लिए गले की खराबी की थोड़ी सी हाईलाइट हो रही है कि अगर आप बहुत तुरस खट्टी चीजें या इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करोगे बहुत शदीद इफेक्ट हो सकता है मौसमी असर भी आपको अपनी लपेट में ले सकता है और बाकी आप लोगों के लिए बैंक से कर्जा वर्जा लेना ठीक है साथ है लेकिन न लो तो ज्यादा बेहतर है मकान की तब्दीली आप लोगों के लिए बेहतर है लेकिन चौदह तारीख के बाद आप लोगों के लिए औलाद कंसीव करने वाला जो टाइम है वो तेरह नवंबर से लेके 28 के बीच में बहुत अच्छा है वैसे तो पूरा ही महीना लेकिन ये वो बहुत स्ट्रॉग है जितने भी स्टूडेंट हैं उनको स्कॉलरशिप मिल सकती है ये है खुशखबरी उन लोगों के लिए जो काफ़ी अरसे से इंतजार में आएगा हमें किसी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल जाए और जो भी आपके लिए फाइनेंशली सपोर्ट कर रही है औरत या मर्द या बहन या भाई या जो भी कोई दोस्त साथी है जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं उन चीज़ों की कदर करनी है उनकी सेविंग करनी है फालतू की चीज़ों में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है चाहे बिल्कुल छोटी सी मिकदार में भी चीज़ें है अगर आपको लग रहा है कि ये बेसूद है जबरदस्ती की है तो उनमें नहीं लगाना बिकॉज आने वाले दिनों में आपको एक बड़ी रकम की बड़े मकसद के लिए ज़रूरत होगी तो आप लोगों को बहुत एहतियात करनी है ठीक है, है अच्छा अब क्या है ये पूरे का पूरा प्रोसेस किस तरह से मैं समझाऊंगा देखो पहले मुकदमात की बात हम करते हैं कि अगर आपने किसी पे मुकदमा किया हुआ है तो विनिंग पोजीशन तेरह तो तारीख के बाद आपके हिस्से में आ जाएगी अगर आप करना चाह रहे हैं तब ये डिले ज़रूर होगा लेकिन फ़ैसला बिलाखिर आपकी सूरत में आ जाएगा और अगर कुछ तलाक वलाक का सिलसिला चल रहा है तो वो भी डिले हो जाएगा उसका भी फ़ैसला नहीं होगा एक और तारीख मिल जाएगी ख़्वाब से डरने की ज़रूरत नहीं है आप लोग 100 परसेंट सेफ़ हो जितने भी पाइस वाले उन लोगों को मैं कुछ डेट्स दे, दे देता हूँ क्योंकि देखो लव रिलेशन आ, आप लोगों के फाइनेंस आप लोगों का वीज़ा आप लोगों के लिए कुछ अच्छी चीज़ें जो बहुत अरसे रुकी पड़ी हैं वो अनलॉक होने वाली हैं यह अल्लाह ने कुछ ख़ास लोगों के लिए कुछ मखसूस डेज रखे होते हैं कि इन में करना है तो आखिरी चांद गिरण के बाद आपका ये समझ लो सफर आसान है तो दो आपका नवंबर के आखिरी वीक से शुरू हो गया समझ लो जो ही इस महीने का आखिरी वीक होगा आप कहोगे हमारे लिए तो तो बहुत सारे फैसले या या तो पेपर में आ गए हैं फिर जर्नी प्लान हो चुकी है अब आपको जो तारीखें सूट कर रही हैं वो है फर्स्ट यानी कल से स्टार्ट हो जाएगा दो तीन चार पाँच सात नौ ग्यारह बारह पंद्रह सोलह सत्रह इक्कीस बाईस तेईस अट्ठाईस उनतीस और तीस तो ये सारे वंडरफुल डेज जो हैं ये हमारे पैसेज वाले जितने बहन भाई हैं उन लोगों के लिए हैं और अब आपको समझाते हैं परसेंटेज ऑफ लव वाह सेवेंटी नाइन सो नंबर हाई है लेकिन एंगर भी तो देखो मेरे दोस्तों थर्टी एट परसेंट है बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप 87% परसेंट है जो कि बड़ा हाई नंबर होता है और मनी जो है 43% परसेंट मानी जा रही है बड़ी सॉलिड में है health 84 है माशाल्लाह गुड है लेकिन आप लोगों की जितनी भी स्पर्शालिटी है वो 19 पे आके रुकी है आ, आप लोगों के लिए स्टडी एंड एजुकेशन 67% परसेंट है आ, आप लोगों के लिए लक जो है 58% परसेंट रहने वाला है तो पाइसेज़ हमारे प्यारो आप लोगों के लिए जो तस्बीहात हैं वो रहने वाली हैं या उफू हो या मालिकुल मुल्क खीर सदक़े में दे सकते हो गोट हेड दे सकते हो शुगर दे सकते हो कैश दे सकते हो वाइट रेड एंड ब्लैक ये तीन कलर ऑफ द वीक हैं ये जो ही आप पहनोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा गुड लक हमारे पाइसिस वालों के लिए तो ये जनाब सब आज की जितनी भी कन्वर्सेशन आपने देखी है ये हमारा एक सिलसिला था जिसमें पूरे के पूरे महीना कैसे गुजरने वाला है और अब थोड़े बहुत जो सवालों के जवाब हैं फ़ौर फ़ौर देंगे और जल्दी इस शो को हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और एक बार फिर से मैम यहाँ मौजूद हैं और ये फिर से आ गई हैं मैं हम है। के सब मिलके अभी दुआ करेंगे बहुत सारे लोग कह रहे हैं हमारे जो है वो रिस्क के हवाले से फाइनेंस अच्छे नहीं है कुछ की हेल्थ अच्छी नहीं है रिलेशन अच्छे नहीं जा रहे तो ये देखें एक टाइम होता है इस वक्त हम सब मिलके दुनिया के हर मुल्क से इस वक्त लोग हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं जब हम सब मिलके दुआओं के लिए हाथ उठाएंगे ना हम बहुत दफ़ा कहते हैं मैं हमेशा अपने बारे में भी ये कहती हूँ मैं कोई अल्लाह वाली नहीं हूँ पिरनी नहीं, नहीं हूँ कोई मैं तो बेहतर इंसान भी नहीं हूँ हाँ बनने की कोशिश जरूर कर रही हूँ लेकिन आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो अल्लाह के बहुत करीब होंगे अल्लाह के बहुत प्यारे होंगे और आप जब आमीन कहेंगे तो मुझ समेत बहुत सारे लोगों की परेशानियाँ दूर होंगी मुरादें पूरी होंगी दुआएं कबूल होंगी तो आए हम सब मिलकर दुआ करेंगे अगर हैदर अभी कुछ क्वेश्चन नहीं, तो नहीं, नहीं, के, के लिए हाथ जरूर उठाए बिल्कुल सही है जी थैंक यू जी थैंक यू जी बहुत शुक्रिया आप लोगों का और लेकर चल रहे हैं आप लोगों को दुआ के इस सिलसिले में जहां पे अभी आप हमारे साथ शामिल हैं चलेंजे मिलके हाथ उठाते हैं कि अल्लाह पाक कल का सूरज आप सबके लिए हम सबके लिए खुशी सलामती प्यार मोहब्बत सुकून इतफाक इतमान सेहत तंदरुस्ती और जिंदगी लेकर आए अल्लाह ती मुझे मेरे बेटे को हैदर को आप सबको आपकी औलादों को आपके घर वालों को हर बुराई बीमारी आफत बला से महफूज रखे अल्लाह तला हमारे बच्चों को अच्छा इंसान बनाए फर्मा बरदार बनाए नेकोकार बनाए दूसरों का एहसास करने वाला और ख्याल करने वाला बनाए दूसरों की माओ बहनों और बेटियों की इज्जत करने वाला बनाए अल्लाह हमारे बच्चों की हमें खुशियाँ कामयाबियाँ और कामरानियाँ देखना नसीब करे और मेरे मालिक मेरे अल्लाह हमें भी इस काबिल बना कि हम अपने वाले के काम आ सकें उनका ख्याल रख सकें उनकी खिदमत कर सकें और जब वो बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो हम उनका सहारा बन सकें या आला पाक इस वक्त जो जो लोग हमारी आवाज़ सुन रहे हैं अगर इनमें से किसी के वालदे अब इस दुनिया में नहीं है या जिनका जो भी रिश्ता छोड़ के जा चुका है अल्लाह ताली उनका वो जहान अच्छा करे उनको जन्नत में आला मुक़ाम दे और मेरे मालिक मेरे अल्लाह जब हा हम पर नज़ा का वक्त आ रही हो जब हमारी बरू परवाज़ के लिए तैयार बैठी हो जब हमारा आखिरी वक़्त करीब हो तो हम सब के लबों पर हो ला ला अल्लाह मोहम्मद रसोल्ला मेरे मालिक हम सब को कलमा का बकाविर नसीब फरमाना हम सब की कब्रों को अपने नूर से मनवर करना हम सब की कब्रों को वसत देना हम सब के लिए पुल चरात के सफ़र को आसान बनाना और क़्यामत के दिन जब हमारे नामा या माल हमारे हाथों में दिए जाएँ तो मेरे मालिक मेरे अल्लाह हम नादिम ना हों उससे पहले पहले हम सब को बख् दे हमको वैसा बना दे जैसा तू हमें देखना और सुनना चाहता है या अल्लाह हम सब की तोबा को कबूल फरमा हमारी टूटी फूटी इबादात को कबूल फरमा या अल्लाह पाक रहमान है रहीम है इस वक्त जो जो लोग हमारी आवाज़ सुन रहे हैं दुआ की इस महफिल में, में शामिल है अगर इनमें से कोई खुद बीमार है या किसी के घर में कोई बीमार है तो उनको सेहत उन्ुस्ती ज़िंदगी अता फरमा अगर इनमें से किसी के दिल में छुपी है कोई ख़्वाहिश कोई फरमाइश कोई दुआ अपने लिए या किसी के लिए सबकी जायज़ हाजात को पूरा करने वाला सिर्फ़ तू है सबकी जायज़ हाजत को पूरा फरमा दे जिन बहनों बच्चियों की शादियाँ नहीं अभी हो रही अभी तक अपने घरों में बैठी हुई हैं अल्लाह पाक उनके नसीब खोल दे उनकी ज़िंदगी में अच्छे जीवन साथी लिया उनको अपने घरों का कर दे और ऐसे लोग उनकी ज़िंदगी में ला जो उनकी इज्जत कदर करें मोहब्बत करें और इनकी शादियाँ हो चुकी हैं उनके रिश्तों की हिफाजत फरमा मेरे मालिक आपस में प्यार मोहब्बत सलूक इतफ़ाक़ दे जिन बच्चे बच्चियों ने इम्तान दिए हैं या देने जा रहे हैं उनको इस इम्तहान में भी और ज़िंदगी के हर इम्तहान में कामयाबी उनका मुकद्दर बना दे मेरे मालिक मेरे अल्लाह जो अभी तक औलाद की नेमत से महरूम है अपनी रज़ा से अपनी ख़ुशी से उन्हें सेहत और ज़िंदगी वाली औलाद से नवाज दे मेरे मालिक मेरे अल्लाह जो भाई जो बच्चे अपने रोजी रोज़गार को लेकर परेशान हैं बिज़नेस डूब रहे हैं नौकरियाँ जा रही हैं माशी मामलात ख़राब हो रहे हैं घरेलू हालात ख़राब हो रहे हैं घरों में लड़ाइयाँ हैं झगड़े हैं या फिर इमिग्रेशन के मसाइल हैं कोई भी प्रॉब्लम चल रही है या अल्लाह सब के लिए आसानियाँ फरमाने वाला तो आसानियाँ फरमा दे जिन लोगों के घरों के चूल्हे बुझे हुए हैं उनकी गैब के ख़जाने से मदद फरमा ताकि किसी को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े किसी को किसी का मोहताज ना होना पड़े और हम में से जो भी साइब हैसी हैं हमें इस काबिल बना के हम उनकी मदद कर सकें उनके काम आ सकें या लापा हम सब के घरों में सलूक हो इतफाक़ हो इतमान हो प्यार मोहब्बत की दौलत से मालामाल कर दे हम सब मेरे मालिक मेरे अल्लाह याला पाक हम सबको छोटे बड़े गुनाहों और बुराइयों से बचा ले मेरे मालिक हमें चोरी चकारी से बचाना या अल्लाह हमें झूठ से मकारी से यारी से बचाना या अल्लाह हमें नाप तोल की कमी बेशी से बचाना या अल्लाह हमें जनाकारी से बदकारी से बचाना तो मैं रहमान है रहीम है हम सबको उस रास्ते पर चलने की तौफीक दो जो तेरा रास्ता है तेरी रजा और खुशी का और ख़ुशी का रास्ता है मेरे मालिक मेरे ला जो बहनें जो बचियाँ अपने घरों में आके बैठ गई हैं हस्बैंड से दूरियाँ हो रही हैं जुदाइयाँ हो रही हैं तलाकों तक नौबतें आ रही हैं दिलों में नफरतें बढ़ रही हैं उनके दिलों में मोहब्बतें डाल दे जुदाइयाँ ख़त्म कर दे मिला दे एक कर दे या अल्लाह हम सब के रिश्तों की हिफाजत फरमा खास तौर पर हम दोनों के हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की हिफाज़त फरमा हमें हासदीन से बचा बुरा चाहने वालियों से बचा बदकार औरतों से बचा जो हमारे घरों में आग लगाना चाहती हैं आज से क़यामत मत की आग तक वो खुद अपनी आग में जलती रहें उन्हें अपनी डाल दे ताकि वो हमारी भूल जाए मेरे मालिक मेरे अल्लाह जो लोग अपने प्यारों से अपने घर वालों से दूर हैं कोई सबब बना दे कि वह जल्द से जल्द अपने प्यारों से अपने घर वालों से मिल सकें या अल्लाह हमारे मुल्क प्यारे पाकिस्तान को सदा शादोआबाद रखना फ़लस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों के लिए आसानियाँ कर दे उन पर रहम फरमा दे उन्हें इस मुश्किल वक्त से निकाल दे मेरे मालिक मेरे ला सिर्फ तू ही है जो इस मुश्किल वक्त से उन्हें निकाल सकता है बचा सकता है मेरे मालिक दुख और तकलीफ़ से हर दिल तड़प रहा है हम रो रहे हैं हम तड़प रहे हैं मेरे मालिक हमारे इन आंसुओं को रायगा ना जाने देना जल्द से जल्द उन सब पर अपना करम और फजल कर दे तो रहमान है रहीम है मेरे मालिक हम सब को छोटे बड़े गुनाहों और बुराइयों से भी बचा ले हम सब को कभी भी धोखा देने वालों में शामिल ना करना धोखा खाने वालों में शामिल हो सकते हैं हम हमें दुआएं मांगने का तरीका और सलीका नहीं आता मेरे मालिक हमें तो ये भी नहीं पता तो उससे क्या मांगे कब मांगे और कितना मांगे मगर तू बेहतर जानता है हमें क्या चाहिए कब चाहिए और कितना चाहिए हमारी उन तमाम दुआओं को कबूल फरमा जो हमारे हक में बेहतर है आमीन या रब्बुल आलमीन और आखिर में सब मिल के कहेंगे जी सबका भला सबकी खैर सबका भला सबकी खैर जी और थैंक यू सो मच आप लोग इतना प्यार मान इज्जत देते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें बेल आइकन को प्रेस करें और लिखा है उसे भी दबाएं शेयर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा और मेरी कुकिंग वीडियो है उसको भी देखा करें टिकटॉक सीमी हैदर राजा और रियल राजा हैदर उसको भी जाके फॉलो करें सिर्फ उसी को फॉलो करें <laughs> बाकी किसी को ना नहीं, <laughs> नहीं, नहीं बाकी के ना करें। हाँ और टिकटॉक है जी सीमी क्यानी क्यानी एस एम आई 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 थैंक यू ए ए एन और राजा हैदर आर ए ए जे राजा एच आई डी हैदर उसको भी जाए देखें फॉलो करें जरूर और आपके पास कोई अच्छी सजेशन होती हैं कुछ भी अच्छा जो आप शो में देखना चाहते हैं और कोशिश करें कि हम डिफरेंट अपने पुराने शोज भी दोबारा से शुरू करें सिर्फ स्ट्रोलोजी सिर्फ स्टार इसके अलावा भी जिंदगी है ठीक हो गया जी तो यही थी आज का शो और यही थी आज की बातें अच्छी लगे तो जरूर अच्छा सा कॉमेंट करें और और मुझे मेरे बेटे को और हैदर को भी प्लीज दुआ में याद रखा करें और सह जिंदगी रही तो इंशाल्लाह इनशा करेंगे मुलाकात अगले शो में तब तक लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज हाफिजाम खुदा